सबसे पहले आपको ऑप्शन दिखाई देगा कवर पेज का। कवर पेज में आपको दिखाई देगा, इसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के आपको फॉर्मेट दिखाई देंगे, यानी टेम्पलेट्स दिखाई देंगे, जिसका यूज़ आप अपने कवर पेज के लिए कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कवर पेज होता क्या है। जैसे मान लीजिए आप कोई बुक छाप रहे हैं और बुक का आपको फ्रंट पेज तैयार करना है, तो आप यहाँ से कोई भी फॉर्मेट ईजिली सेलेक्ट करके अपने बुक का फ्रंट कवर पेज तैयार कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर थर्ड वाला फॉर्मेट यहाँ पर लेते हैं। थर्ड फॉर्मेट लेने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा डॉक्यूमेंट टाइटल। डॉक्यूमेंट टाइटल में आप अपना टाइटल डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर डाल देते हैं एक्सेल इन्फोटेक। एक्सेल इन्फोटेक लिखने के बाद आप यहाँ पर चाहें तो इसका डॉक्यूमेंट सब टाइटल दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम सब टाइटल दे देते हैं यहाँ पर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। इसके बाद आप चाहें तो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट लिख सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है भाव, यानी आप इस बुक के बारे में क्या क्या चीज़ें छाप रहे हैं उसके बारे में आप यहाँ चाहें तो दो चार लाइन डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा ऑथर। ऑथर का मतलब राइटर का नाम क्या है, तो आप यहाँ पर ऑथर का नाम डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अपना नाम दे देता हूँ यहाँ पर। और इसके बाद आप चाहें तो यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी फिल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर दे देते हैं xyz@gmail.com। तो इस तरीके से आप अपना एक कवर पेज तैयार कर सकते हैं। और अगर आप इसका कलर वगैरह चेंज करना चाहें तो आप डबल क्लिक करके इसके ऊपर, यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स के कलर्स दिखाई देंगे, आप इसमें यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल हम अपने कलर को यही रहने देंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इस फॉर्मेट को प्रॉपरली अपने सिस्टम में सेव करके रख सकते हैं, यानी MS Word में सेव करके रख सकते हैं। तो सबसे पहले आपका ये कवर पेज का फॉर्मेट हमारा क्लियर हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर रिमूव करंट कवर पेज का, यानी अगर आप ये चाहते हैं कि भाई आपका जो कवर पेज है वो यहाँ से डिलीट हो जाए, तो आप इस वाले ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको डिलीट नहीं करेंगे, हम एक नया कवर पेज तैयार करेंगे और उसके बाद उसको सेव करेंगे और उसके बाद उसको डिलीट करेंगे। चलिए इसको हम करके देखते हैं। मान लीजिए हम एक न्यू पेज ले लेते हैं, ब्लैंक पेज ले लेते हैं। ब्लैंक पेज लेने के बाद यहाँ पर हम इंसर्ट पर जाते हैं, यहाँ पर शेप्स में जाते हैं और यहाँ से हम एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेते हैं। मान लीजिए हमने ये कवर पेज बना दिया। आप और भी इफेक्ट इसमें यूज़ करके और भी अट्रैक्टिव आप इस कवर पेज को बना सकते हैं। मैं सिर्फ आपको एग्जांपल के लिए इसको समझाने के लिए आपको करके दिखा रहा हूँ। तो इसको हम सिंपली सेलेक्ट करके रखेंगे, इंसर्ट टैब में जाएंगे, कवर पेज में जाएंगे और यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन नजर आएगा सेव सिलेक्शन टू कवर पेज गैलरी। इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप उसका नाम दे सकते हैं, यानी इस कवर पेज का क्या नाम होना चाहिए। तो मान लीजिए हम यहाँ पर नाम दे देते हैं एक्सेल इन्फोटेक और इसके बाद यहाँ पर हम इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद जैसे आप कवर पेज पर क्लिक करेंगे, कवर पेज पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर अगर इसे फाइंड करेंगे तो सबसे नीचे आपको दिखाई देगा एक्सेल के नाम से हमारा जो कवर पेज था यहाँ पर सेव हो गया है। और इसके बाद अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हैं तो आपको वापस से कवर पेज पर जाना होगा, सबसे नीचे जाना होगा जहाँ पर आपने इस कवर पेज को बनाया हुआ है, और उसके बाद इसके ऊपर राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा ऑर्गेनाइज एंड डिलीट का। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो कवर पेज था वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस कवर पेज को यहाँ पर सेलेक्ट करके आप सिंपली यहाँ से डिलीट कर सकते हैं और यहाँ पर यस कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे आपका कवर पेज यहाँ से हट जाएगा और उसके बाद आप इसे कैंसिल कर सकते हो। तो इस तरीके से आप कवर पेज को यहाँ से इजीली डिलीट कर पाएंगे। यहाँ देखिए कवर पेज जो हमने बनाया था वो यहाँ पर शो नहीं हो रहा। तो इस तरीके से आप अपने कवर पेज को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पर मोर कवर पेजेस का। इस पर जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ अलग टाइप के फॉर्मेट नज़र आएंगे। इसको आप जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे वो कवर पेज आपके सामने यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा फॉर्मेट बिल्कुल चेंज है और पिक्चर भी काफ़ी अच्छी लगाई गई है। तो आपके फाइनेंस के हिसाब से आप इस कवर पेज को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप फाइनेंस का कोई भी बुक क्रिएट कर रहे हैं तो उसके लिए आप इस वाले डॉक्यूमेंट को यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कवर पेज इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ब्लैंक पेज की। अगर आपको यहाँ पर ब्लैंक पेज चाहिए तो आप यहाँ से मिनिमाइज़ करिए पेजेस को और मैं आपको ब्लैंक पेज करके दिखाता हूँ। मान लीजिए हमारे पास अभी फिलहाल दो पेजेस हैं और मुझे एक पेज और चाहिए, तो यहाँ जैसे ही मैं ब्लैंक पेज पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर पेज ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगा। इसके अलावा और भी ब्लैंक पेज चाहिए तो यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो वापस से हमारे सामने ब्लैंक पेज यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। और अगर आप इस ब्लैंक पेज को डिलीट करना चाहते हैं तो सबसे लास्ट में आपको कर्सर को क्लिक करना होगा और अपने कीबोर्ड से आपको बैकस्पेस दबाना होगा। जैसे ही आप बैकस्पेस दबाएंगे तो आपका वो जो पेज था वो यहाँ से डिलीट होता चला जाएगा। तो इस तरीके से आप पेजेस को डिलीट कर सकते हैं बैकस्पेस की मदद से, या चाहें तो आप डिलीट की का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन आपके क्लियर हो गए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पेज ब्रेक की। पेज ब्रेक बेसिकली किस लिए यूज़ किया जाता है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एक पैराग्राफ इंसर्ट करते हैं
और इस पैराग्राफ में से मैं ये चाहता हूँ कि ये नीचे के जो तीन पैराग्राफ हैं ये दूसरे पेज पे शिफ्ट हो जाए और बाकी का जो ऊपर का पैराग्राफ है वो इसी पेज पे रहना चाहिए। तो आप यहाँ पर इजीली पेज ब्रेक का यूज़ कर सकते हैं। हमारे जो दो पैराग्राफ थे वो ऊपर वाले पेज पर आ गए और बाकी के जो तीन पैराग्राफ थे वो नीचे वाले पेज पर यहाँ पर ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो चुके हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसकी शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं। आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना होगा कंट्रोल के साथ एंटर। जैसे ही आप कंट्रोल के साथ एंटर दबाएंगे तो आप देखेंगे पेज ब्रेक वापस से हमारा यूज़ हो चुका है। हमारा जो फर्स्ट पैराग्राफ था वो ऊपर पेज पर रह गया और बाकी के दो पैराग्राफ यहाँ पर दूसरे पेज पे शिफ्ट हो गए हैं। तो इस तरीके से आप कवर पेजेस का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम टेबल पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने काफ़ी रो और काफ़ी कॉलम्स नज़र आएंगे। जितने भी रो और जितने भी कॉलम आपको चाहिए उतने रो और उतने कॉलम आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे उतने ही रो उतने कॉलम यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा टेबल डिज़ाइन का एक ऑप्शन। इस टेबल डिज़ाइन में जैसे आप टेबल स्टाइल पर यहाँ पर ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने काफ़ी सारे फॉर्मेट्स यहाँ से नज़र आएंगे जिसमें आप किसी भी फॉर्मेट को यूज़ कर सकते हैं, अपने टेबल को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा टेबल स्टाइल ऑप्शंस, यानी इसके टेबल के आप काफ़ी सारे स्टाइल को आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर हेडर को सिलेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे हेडर यहाँ से हट गया। इसके अलावा अगर हम फर्स्ट कॉलम को सिलेक्ट करेंगे तो फर्स्ट कॉलम का यहाँ पर स्टाइल जो था, जो कलर ज़्यादा हाईलाइट था, वो यहाँ से रिमूव हो गया। इसके अलावा अगर आप टोटल रो को सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे नीचे की तरफ जो हमारा टोटल कॉलम्स होता है, इसके अलावा नीचे की तरफ आप देखेंगे हमारा जो टोटल रो होता है वो यहाँ से हट जाएगा और लग जाएगा। इसके अलावा अगर लास्ट कॉलम को आप सेट करना चाहें तो आप यहाँ से इजीली उसको सेट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप चाहें तो बेंडेड रोज़ को भी सेट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से इसमें कलर में इफेक्ट आ जाएगा और इस तरीके से बेंडेड कॉलम को भी आप इजीली यहाँ पर सेलेक्ट कर पाएंगे। तो बहुत सारे फॉर्मेट हैं जिसके फॉर्मेट की मदद से आप अपने टेबल को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। इसके बाद आपको दिखाई देगा यहाँ पर शेडिंग का एक ऑप्शन। इसमें आप जैसे मान लीजिए इस वाले सेल का मुझे कलर चेंज करना है तो हम जाएंगे टेबल डिज़ाइन पर और यहाँ पर कोई भी कलर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे तो उस सेल का कलर यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर चेंज हो जाएगा। इसके अलावा आपको दिखाई देगा यहाँ पर बॉर्डर स्टाइल का एक ऑप्शन। तो इसमें बहुत सारे बॉर्डर्स आपको दिखाई देंगे। जो भी बॉर्डर आप यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहें उस बॉर्डर को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप बॉर्डर को सिलेक्ट करेंगे तो इस ब्रश को जैसे ही आप इस बॉर्डर पर ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे वो बॉर्डर का स्टाइल ऑटोमेटिकली उसके जैसा हो जाएगा जो हमने बॉर्डर यहाँ पर सेलेक्ट किया था। इसके अलावा आप देखेंगे बॉर्डर के काफ़ी सारे यहाँ पे स्टाइल्स हैं, इसमें से कोई भी स्टाइल आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से आप उसके साइज़ को भी अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं और यहाँ से आप चाहें तो उसके कलर को भी आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, उसको भी आप यहाँ पर ईजिली यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम मान लीजिए हमने ये वाला फॉर्मेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। इसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि भाई किसी एक पार्टिकुलर सेल के अंदर आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं चारों तरफ का, तो यहाँ पर क्लिक करके जिस भी सेल में हम रहेंगे और यहाँ पर ऑल बॉर्डर पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारा जो सेल था उसके चारों तरफ बॉर्डर ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिप्रेजेंट हो गया। इसके अलावा अगर आप इस सेल में चाहते हैं कि भाई इस सेल में ये बॉर्डर हमारे चारों तरफ से आ जाए तो यहाँ से आप क्लिक करके ऑल बॉर्डर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे आप टॉप बॉर्डर लेना चाहें, लेफ्ट बॉर्डर लेना चाहें, राइट बॉर्डर लेना चाहें, नो बॉर्डर लेना चाहें, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसमें, आप इजीली इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपको दिखाई देगा बॉर्डर पेंटर का, इसको आप ले सकते हैं। लेने के बाद आप जो भी हमने बॉर्डर की सेटिंग यहाँ पर करी है उस बॉर्डर की सेटिंग को आप यहाँ पर बॉर्डर के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं, यानी टेबल के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस सभी फॉर्मेट का आप यूज़ कर पाएंगे। इसके अलावा आपको दिखाई देगा लेआउट का एक ऑप्शन। लेआउट के अंदर इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपको नज़र आएंगे, इन सभी ऑप्शंस को भी हम कवर करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सेलेक्ट ऑप्शन की। सेलेक्ट ऑप्शन को समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमने टेबल ली है इसको हम एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं। क्लियर करने के बाद इंसर्ट टैब में जा करके यहाँ पर हमने ब्लैंक डाटा ले लिया, ब्लैंक सेल्स ले लिया। ब्लैंक सेल्स को लेने के बाद अब हम जाते हैं वापस से लेआउट वाले ऑप्शन पर, यूज़ करते हैं हम सबसे पहले सेलेक्ट ऑप्शन को। तो सेलेक्ट ऑप्शन में सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखाई देगा, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। इसमें सबसे पहला ऑप्शन आपको नजर आएगा सेलेक्ट सेल का। जैसे आप सेलेक्ट सेल पर क्लिक करेंगे तो जहाँ पर भी हमारा कर्जर होगा वो वाला सेल हमारा यहाँ पर ईजिली सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सेल कॉलम्स की, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो जितने भी हमारे कॉलम्स होंगे वो सारे के सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें रो की तो जितने भी रो होंगे हमारे वो सारे के सारे यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें सेलेक्ट टेबल की तो पूरी की पूरी टेबल हमारी यहाँ पर इजीली सेलेक्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से इन सभी ऑप्शंस का आप इजीली यूज़ कर पाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। तो नेक्स्ट ऑप्शन आप देखेंगे यहाँ पर हमारा है व्यू ग्रिड लाइंस का। अब ग्रिड लाइन किस तरीके से यूज़ होता है, तो मान लीजिए हम इस टेबल को एक बार सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन नज़र आएगा टेबल डिज़ाइन का। इसमें जाने के बाद हम बॉर्डर में चले जाते हैं। बॉर्डर में जाने के बाद हमने यहाँ पर यूज़ किया नो बॉर्डर। नो बॉर्डर जैसे हम यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे हमारा बॉर्डर यहाँ से गायब हो गया। इस वाले पॉइंट पर हम जैसे डबल क्लिक करेंगे तो हमारा ये जो टेबल था वो वापस से सेलेक्ट हो जाएगा।
सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है यहाँ से इंसर्ट टैब के अंदर, और यहाँ से आपको चले जाना है लेआउट्स के ऊपर। लेआउट के ऊपर जाने के बाद जैसे आप व्यू ग्रिड लाइन पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो ग्रिड लाइन थी वो यहाँ पर आपको दिखाई देने लग जाएगी। तो इस तरीके से आप व्यू ग्रिड लाइन का यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा डेटा है जिसमें ग्रिड लाइन हाइड है, तो उस डेटा को आप इस तरीके से अनहाइड कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। इस पर हम वापस से क्लिक करते हैं, लेआउट में जाते हैं, और लेआउट में जाने के बाद यहाँ से हमने व्यू ग्रिड लाइन को यहाँ से हटा दिया। हटाने के बाद हम वापस से चले जाते हैं अपने टेबल डिज़ाइन पर, और यहाँ पर बॉर्डर में जा करके हमने ऑल बॉर्डर यहाँ से वापस से ले लिया। ऑल बॉर्डर लेने के बाद आप देखेंगे हमारे सामने वही बॉर्डर्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं जो हमने यहाँ पर फॉर्मेट स्टाइल सेट किया था। तो हम इसको नॉर्मल करना चाहते हैं, तो इसको हम वापस से डिलीट कर लेते हैं। डिलीट करने के बाद इंसर्ट टैब में जाते हैं और यहाँ से हम सिंपल बॉर्डर यहाँ पर इंसर्ट कर लेते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शंस की। तो नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिखाई देगा प्रॉपर्टीज़ का। प्रॉपर्टीज़ में जैसे आप क्लिक करेंगे तो प्रॉपर्टी पे क्लिक करने के बाद सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखाई देगा टेबल का। तो टेबल का ऑप्शन किस तरीके से यूज़ होता है, तो मान लीजिए हम यहाँ पर एक पैराग्राफ को इंसर्ट कर लेते हैं। पैराग्राफ को इंसर्ट करने के बाद टेबल को थोड़ा सा हम यहाँ से छोटा कर लेते हैं। छोटा करने के बाद हम चले जाते हैं वापस से लेआउट वाले ऑप्शंस पर, और इस पर यूज़ करते हैं हम प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टी में सबसे पहला ऑप्शन आपको नज़र आएगा टेबल का। टेबल में हम फिलहाल लेफ्ट साइड में है। अगर आपको सेंटर में जाना है तो यहाँ पे सेंटर को सेलेक्ट करके जैसे यहाँ ओके करेंगे तो आप देखेंगे आपकी जो टेबल थी वो सेंटर में ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे लेआउट्स हैं, इसमें से कोई भी लेआउट आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको पैराग्राफ के बीच में अराउंड में सेट करना है तो यहाँ पर इसे सेलेक्ट करके जैसे ओके करेंगे तो पैराग्राफ के बीच में ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा। तो बहुत सारे इसमें लेआउट्स हैं, इसमें से किसी भी लेआउट का आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर रो का एक ऑप्शन। अगर आप यहां से रो की हाइट और विड्थ को आप अपने हिसाब से मैनेज करना चाहते हैं तो यहां से आप जैसे फिलहाल आप देखेंगे 45 सेंटीमीटर है, इसको हम यहां पर इंक्रीज़ कर लेते हैं। और इंक्रीज़ करने के बाद जैसे हम यहां पर ओके करेंगे तो आप देखेंगे हमारी रो की जो हाइट थी वो यहां पर इंक्रीज़ हो चुकी है। इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो आप कॉलम की विड्थ को भी आप अपने हिसाब से यहां पर मैनेज कर सकते हैं। जैसे आप ओके करेंगे तो कॉलम का विड्थ भी यहां पर ऑटोमेटिकली मैनेज हो गया। इसके अलावा आप यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें सेल की, तो सेल के साइज़ को भी आप यहाँ से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर ओके करेंगे तो सेल का साइज़ भी हमारा इंक्रीज़ हो चुका है। और इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर ड्रॉ टेबल की। तो ड्रॉ टेबल पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने एक पेंसिल आ जाएगी, और इस पेंसिल की मदद से आप अपने हिसाब से जैसी भी टेबल ड्रॉ करना चाहें वैसी टेबल यहाँ पर ईजिली ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए, इसमें आप अपने हिसाब से जो भी टेबल बनाना चाहें वो इजीली यहाँ पर बना सकते हैं। इसके बाद आपको दिखाई देगा इरेजर का। इरेजर को जैसे आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ से आप किसी भी सेल को इस इरेजर से डिलीट कर सकते हैं, रो और कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से जैसे भी चाहें, जिस भी सेल को चाहें, जिस भी लाइन को चाहें, आप यहाँ से डिलीट कर पाएंगे। इसके बाद आपको दिखाई देगा यहाँ पर डिलीट का एक ऑप्शन। डिलीट में जैसे मान लीजिए हमारे पास ये टेबल है, इस टेबल को थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। इस टेबल को सिलेक्ट करने के बाद मान लीजिए हम डिलीट मर जाते हैं और सबसे पहला ऑप्शन यूज़ करते हैं डिलीट सेल का। जैसे हम इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर ओके करेंगे तो आप देखेंगे हमारा जो सेल था वो यहाँ से डिलीट हो चुका है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे डिलीट कॉलम्स का, तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो कॉलम था यहाँ पर देखेंगे कम हो गया, डिलीट हो चुका है। इसी तरीके से आप रो को डिलीट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप टेबल को पूरी चाहें तो डिलीट यहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इन सभी ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हम फिर से एक टेबल को इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट टैब में फिर से जाते हैं, यहाँ से टेबल फिर से लेते हैं, और टेबल को लेने के बाद हम वापस से चले जाते हैं लेआउट वाले ऑप्शन पर। और अब बात करते हैं यहाँ पर इंसर्ट अबव का। अबव का मतलब होता है ऊपर की तरफ। मान लीजिए मुझे कुछ सेल्स अबव की तरफ इंसर्ट करने हैं, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे हमारा एक सेल यहाँ पर इंसर्ट हो गया। बिलो यानी इसके नीचे की तरफ अगर मुझे सेल इंसर्ट करना है, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इसके नीचे की तरफ भी सेल इंसर्ट हो जाएगा। अगर आप लेफ्ट की तरफ सेल इंसर्ट करना चाहते हैं तो मान लीजिए मैंने एक सेल को सिलेक्ट किया और यहाँ से लेफ्ट पे क्लिक किया तो आप देखेंगे लेफ्ट की तरफ हमारा सेल इंसर्ट हो गया। अगर आप राइट की तरफ इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके जैसे आप राइट पर क्लिक करेंगे तो राइट की तरफ यहाँ पर आपका सेल इंसर्ट हो जाएगा। जैसे एमएस एक्सेल में आप रो और कॉलम्स को इंसर्ट कर सकते हैं, सेल्स को इंसर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ से भी आप रो कॉलम सेल्स को इजिली इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मर्ज सेल्स की। मर्ज सेल का मतलब होता है मान लीजिए हमने इन सभी सेल्स को सिलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद इन सभी सेल्स को मर्ज करना चाहते हैं, एक ही कॉलम बनाना चाहते हैं। तो जैसे आप इस मर्ज सेल पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारे जितने भी सेल्स थे वो इजिली मर्ज हो चुके हैं। और अगर आप इसे स्प्लिट करना चाहते हैं यानी दो भागों में आप इसे डिवाइड करना चाहते हैं, तो जैसे आप स्प्लिट सेल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ओके प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे हमारी जो टेबल थी वो दो भागों में यहाँ पर डिवाइड हो चुकी है। इसके अलावा यहाँ पर आप सिलेक्ट करके जैसे आप स्प्लिट टेबल पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर टेबल को भी स्प्लिट कर सकते हैं, यानी एक टेबल ऊपर और एक टेबल नीचे की तरफ आप इजिली एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो दो भागों में आप इसको भी डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ऑटो फिट की।
हम पूरी टेबल को एक साथ सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद वापस से चले जाते हैं लेआउट के ऑप्शन पर, और यहाँ से हम चले जाते हैं ऑटो फिट वाले ऑप्शन पर, यानी ऑटो फिट कंटेंट ऑप्शन पर। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारी टेबल बहुत ही छोटी हो गई है, और इसमें हम जितना डेटा टाइप करेंगे ये उसी हिसाब से सेल की हाइट को मैनेज करता चला जाएगा। हाइट या विड्थ को आप अपने हिसाब से यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके कंटेंट के ऊपर। तो यहाँ से आप ऑटो फिट कंटेंट का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको दिखाई देगा ऑटो फिट विंडो, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो विंडो के हिसाब से ऑटो फिट हो जाएगा, यानी विंडो से ना ही बड़ा होगा ना ही छोटा होगा, उसके हिसाब से ऑटो फिट हो जाएगा। इसके अलावा देखेंगे फिक्स कॉलम विड्थ, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो हमारे जो कॉलम का विड्थ और हाइट होता है वो फिक्स हो जाएगा, और इससे ज़्यादा आप इसे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं कर सकते। तो इस ऑप्शन का आप यूज़ कर सकते हैं बहुत आसानी से। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन की, हाइट और विड्थ की। तो मान लीजिए हमने इस सेल को यहाँ से सिलेक्ट किया, इस सेल को सिलेक्ट करने के बाद इसकी हाइट को हम यहाँ पे इंक्रीज़ कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से इंक्रीज़ किया तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारी सेल की जो हाइट थी वो इजीली यहाँ पे इंक्रीज़ हो गई है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर विड्थ की बात करें तो विड्थ को भी आप अपने हिसाब से यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, जितना भी विड्थ रखना चाहें अपने हिसाब से यहाँ पर इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसके हाइट और विड्थ को मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूट रो की। तो डिस्ट्रीब्यूट रो के लिए हम पूरे डेटा को फिर से डिलीट करते हैं, इंसर्ट टैब में जाते हैं और यहाँ से हम सिंपल टेबल एक फिर से इंसर्ट कर लेते हैं। अब मान लीजिए हमने यहाँ से किसी सेल के हाइट को विड्थ को हमने कम या ज़्यादा कर लिया। कम या ज़्यादा करने के बाद इस सेल को हमने वापस से सिलेक्ट किया, लेआउट पर गए। लेआउट पर जाने के बाद इसके बाद जैसे ही हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इसका कॉलम ऑटोमेटिकली डिवाइड हो गया जैसा ये पहले था। अगर हम इसके साइज़ को यहाँ से वापस से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर देते हैं इसकी हाइट को, और जैसे हम यहाँ पर रो को सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे रो भी उसी के हिसाब से मैनेज हो गया, यानी जो भी आपने हाइट और जो भी विड्थ यहाँ पर डिफाइन कर रखी है उस हिसाब से ये ऑटोमेटिक मैनेज हो जाएगा। मैं फिर से आपको एक बार रिपीट करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए इस सेल को हमने यहाँ से कम कर दिया और इस सेल को हमने सेलेक्ट करके रखा है, और जैसे हम यहाँ पर कॉलम पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे उसको वापस से उसने उसी साइज़ में डिवाइड कर दिया जो साइज़ इसका एक्चुअल होना चाहिए। और अगर हम इसकी हाइट को कम या ज़्यादा कर देते हैं, यानी इसके हम लोग रो को बढ़ा या घटा देते हैं, और जैसे हम रो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे डिस्ट्रीब्यूट रो पर, तो ये वापस से रो को उसी हिसाब से मैनेज कर देगा जिस हिसाब से इसको होना चाहिए, यानी बाई डिफ़ॉल्ट इसको ये मैनेज करता चला जाएगा। इसके बाद आपको दिखाई देगा यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन अलाइनमेंट का। तो अलाइनमेंट के लिए मान लीजिए हम यहाँ पर कुछ टेक्स्ट को लिख लेते हैं, और यहाँ पर टेक्स्ट लिखने के बाद हम इसको अलाइनमेंट देना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप इसको लेफ्ट में, सेंटर में, राइट में, जिस भी पोजीशन पे आप अलाइनमेंट देना चाहें उस पोजीशन पर आप इजीली इसको अलाइनमेंट दे सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ टेक्स्ट डायरेक्शंस। मान लीजिए मैं यहाँ से टेक्स्ट डायरेक्शन चेंज करना चाहता हूँ, इस पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो आप इसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, लेफ्ट, राइट, आप इसे डायरेक्शन को इजीली यहाँ पर चेंज कर पाएंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन दिखाई देगा सेल मार्जिन का। सेल मार्जिन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा 0 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पर इसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर देते हैं यहाँ पर, यहाँ पर ओके करते हैं, तो आप देखेंगे ऊपर से जो इसका सेल का हाइट था वो यहाँ से ज़्यादा हो गया। मैं यहाँ पर आपको ब्लैंक सेल पे करके दिखाता हूँ। मान लीजिए सेल को हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पर सेल मार्जिन पर हमने क्लिक किया। सेल मार्जिन को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमने इसको क्या किया, ऊपर से टॉप से हमने इसको बढ़ा दिया, और बढ़ाने के बाद यहाँ से हम इसको कर देते हैं ओके। ओके करने के बाद आप देखेंगे वहाँ से ये थोड़ा सा नीचे की तरफ खिसक गया। अभी जो हमारा कर्सर था बिल्कुल लाइन के ऊपर टच में था, अब फिलहाल ये नीचे आ चुका है। तो यानी कि इसके चारों तरफ का आप मार्जिन को, सेल के अंदर जो भी आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं उन सेल के सभी मार्जिन को आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा सॉर्ट का। मान लीजिए यहाँ पर हमने एक फॉर्मेट तैयार किया हुआ है, तो इस डेटा को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद चले जाते हैं हम लोग लेआउट के ऊपर। लेआउट में अब आपको दिखाई देगा सॉर्ट का एक ऑप्शन। तो सॉर्ट ऑप्शन कैसे यूज़ होता है, सॉर्ट ऑप्शन पर हमने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले हमारे सामने आ रहा है नाम, तो नाम को हटा करके हम यहाँ पर रख लेते हैं रोल नंबर। रोल नंबर को मुझे सॉर्ट करना है, सॉर्ट करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसको करता हूँ डिसेंडिंग में, डिसेंडिंग यानी इसको उल्टा करना चाहता हूँ। डिसेंडिंग सेलेक्ट करके आप यहाँ पर नंबर रखेंगे, क्योंकि हमारा जो रोल नंबर है वो बेसिकली न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो हम यहाँ पर नंबर रखेंगे और अंडर ऑफ पैराग्राफ रखते हुए इसको जैसे हम ओके करेंगे तो आप देखेंगे रोल नंबर हमारा डिसेंडिंग में कन्वर्ट हो चुका है। इसी तरीके से अगर आप इसे असेंडिंग में कन्वर्ट करना चाहें तो असेंडिंग में भी आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें टोटल को कि भाई अब मुझे इसके बाद टोटल को सॉर्टिंग करना है, तो वापस से हम इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ध्यान रखना है आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पर यहाँ पर वापस से टोटल वैल्यू सेलेक्ट करनी है, और सेकंड वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पर क्या लेना है, रोल नंबर लेना है। और यहाँ पर आप इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग रखना चाहें तो रख सकते हैं। रखने के बाद आपको ध्यान रखना है यहाँ पर हेडर रो में आपको क्लिक रखना है। अगर आप हेडर रो को क्लिक नहीं रखेंगे तो आपका जो हेडर है वो भी आपका सॉर्टिंग में आ जाएगा। तो इसके बारे में डिस्क्राइब में मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, पिछली वीडियो में आप जा करके इसे देख सकते हैं।
मैंने इसके बारे में प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है। तो हम मान लीजिए यहाँ पर हेडर को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर शॉर्टिंग सेलेक्ट कर लिया हमने, और इसके बाद जैसे ही हम यहाँ पर ओके करेंगे तो आप देखेंगे वापस से हमारा ये शॉर्टिंग हो गया, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारा ये कन्वर्ट हो गया। अब मैं आपको इसे असेंडिंग करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए वापस से हम सॉर्ट वाले ऑप्शन पर जाएंगे। सॉर्ट ऑप्शन पर जाने के बाद सबसे पहले मुझे रोल नंबर को सॉर्ट करना है, तो मैं यहाँ पर रोल नंबर सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर इसे करूँगा असेंडिंग। असेंडिंग करने के बाद सेम फॉर्मेट को आपको रहने देना है बिल्कुल एज इट इज़ इसी तरीके से, और यहाँ पर आपको अभी रखना है नन। नन रखने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर अभी रोल नंबर हमारा 325165 समथिंग है। इसको सेलेक्ट करके जैसे हम यहाँ पर ओके प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे ये सीरीज़ वाइज हमारा यहाँ पर रोल नंबर एडजस्ट हो चुका है। इसके बाद अब मैं चाहता हूँ कि टोटल को इसके हिसाब से एडजस्टमेंट करना, यानी रोल नंबर के हिसाब से इसको एडजस्ट करना। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वापस से जाएंगे सॉर्ट वाले ऑप्शन पर, और पहले वाले ऑप्शन पर हम यहाँ पर रखेंगे टोटल और दूसरे वाले ऑप्शन पर सॉर्ट ऑप्शन में हम रखेंगे यहाँ पर रोल नंबर। दोनों में हम लोग असेंडिंग को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ओके प्रेस कर देंगे। जैसे हमने ओके प्रेस किया तो आप देखेंगे आपका जो टोटल मार्क्स था यहाँ पर सॉर्टिंग में आ गया है, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर रिप्रेजेंट हो गया। तो इस तरीके से आप सॉर्ट ऑप्शन का इजीली यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट ऑप्शन की, तो वो है हमारा रिपीटेड हेडर रो। अब ये कैसे यूज़ होता है, तो फिलहाल हम क्या करते हैं, इस सेल को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं, टैब को दबा के रखते हैं। आप देखेंगे टैब दबाने के बाद क्या हुआ, हमारा जो टेबल था वो इंक्रीज़ हो गया है, और यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर की तरफ तो यहाँ पर हेडर दिखाई दे रहा है, यानी नाम, रोल नंबर, टोटल दिखाई दे रहा है, बट दूसरे पेज पर जब हमारा डेटा ये शिफ्ट हुआ है तो वहाँ पर ये बिल्कुल ब्लैंक है, यहाँ पर कुछ भी डेटा दिखाई नहीं दे रहा है, कोई भी हेडर यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं है। तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सा नाम है, कौन सा रोल नंबर है, कौन सा हमारा टोटल मार्क्स है। तो इसके लिए हम ये चाहते हैं कि भाई ये जो ऊपर का हेडर है वो सेम यहाँ पर भी रिपीट हो जाए, यानी जितने भी पेजेस हम लेते जाएँ उन सभी पे ये बाय डिफ़ॉल्ट रिपीट होता चला जाए। तो इसके लिए आपको इसको सेलेक्ट करके रखना है, यानी यहाँ पर क्लिक करके रखना है, और रिपीटेड रो पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो नीचे आकर के देखिए जो हमारा हेडर था वो यहाँ पर रिपीट हो चुका है। तो इस तरीके से आप रिपीट हेडर रो का यूज़ कर सकते हैं। यानी मान लीजिए हम ये चाहते हैं कि जो हमारा डेटा है उसको एक टेबल के बजाय एक टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इसको आप सेलेक्ट करके रखिए। सेलेक्ट करने के बाद हम चले जाते हैं लेआउट वाले ऑप्शन पर, और यहाँ पर यूज़ करते हैं कन्वर्ट टू टेक्स्ट। इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो अब ये डेटा हमारा चार तरीके से कन्वर्ट हो सकता है। पहला पैराग्राफ, अगर आप चाहते हैं भाई ये हमारा जो डेटा है वो पैराग्राफ की तरीके से कन्वर्ट हो, या टैब्स की मदद से कन्वर्ट हो, यानी ये टैब जो दिखाई दे रहे हैं इसके हिसाब से कन्वर्ट होना चाहिए, या फिर आप कॉमर्स के हिसाब से कन्वर्ट करना चाहते हैं, या अदर कोई भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर टैब को सिलेक्ट करेंगे। टैब को सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही यहाँ पर ओके प्रेस करेंगे तो ओके प्रेस करते ही आप देखेंगे हमारा जो डेटा था वो टैब के हिसाब से यहाँ पर एक टेक्स्ट में कन्वर्ट हो चुका है। तो इस तरीके से आप इस वाले ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम कंट्रोल जेड करके वापस से चले जाते हैं पीछे, और फिर से इसके ऊपर डबल क्लिक करके लेआउट पे जाते हैं, और यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग फॉर्मूला ऑप्शन। अब ये फॉर्मूला ऑप्शन कैसे यूज़ होता है, मान लीजिए कि मैंने ये जो टोटल मार्क्स लिया हुआ है इसका मुझे टोटल यहाँ पर करना है, तो यहाँ पर क्लिक करके जैसे मैं यहाँ पर वापस से लेआउट पर जाऊँगा और फॉर्मूले पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली आपका फॉर्मूला शो हो जाएगा इज इक्वल टू सम अबव, यानी कि ऊपर की तरफ जो भी वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर सम हो जाए, यानी टोटल हो जाए। तो यहाँ पर जैसे आप इसे ओके प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे इन सभी का टोटल यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से इन सभी ऑप्शंस का आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं इंसर्ट टैब के अंदर, आप देखेंगे और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पर हैं, मैं इसको भी क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर इंसर्ट टैब के अंदर सबसे पहले ऑप्शन की, इंसर्ट टेबल की। इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कितने रो और कितने कॉलम्स आपको चाहिए। तो मान लीजिए हमने 5 रो और यहाँ पर हमने 5 कॉलम ले लिया, और जैसे हम यहाँ पर ओके प्रेस करेंगे तो हमारे सामने 5 रो और 5 कॉलम यहाँ पर इजीली इंसर्ट हो जाएंगे। तो ये तो सिंपल एक इजी स्टेप था। इसके बाद बात करते हैं इंसर्ट टैब के नेक्स्ट ऑप्शन की, यहाँ पर आप देखेंगे ड्रॉ टेबल, जो कि मैंने आपको अभी बताया। ड्रॉ टेबल पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर पेंसिल आएगी, पेंसिल की मदद से आप यहाँ पर अपने हिसाब से जैसी भी टेबल बनाना चाहें आप इजीली वहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, कि मान लीजिए आपके पास कोई पैराग्राफ है और आप उस पैराग्राफ को टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर 5 पैराग्राफ हैं, इन 5ों पैराग्राफ को सबसे पहले आपको सेलेक्ट कर लेना है कंट्रोल ए से, उसके बाद आपको टेबल पर जाना है। टेबल पर जाने के बाद यहाँ पर यूज़ करना है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। जैसे इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऑप्शंस यहाँ पर रिप्रेजेंट होंगे आपको इसमें किस तरीके से कन्वर्ट करना है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर पैराग्राफ को सेलेक्ट किया कि भाई हमारा जो डेटा है वो बेसिकली पैराग्राफ है और पैराग्राफ की तरीके से टेबल में कन्वर्ट होना चाहिए, तो हमने पैराग्राफ यहाँ पर सेलेक्ट किया और यहाँ पर कर देना है आपको सिंपल ओके। जैसे आप यहाँ पर ओके प्रेस करेंगे तो आपका डेटा यहाँ पर पैराग्राफ में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा, यानी पैराग्राफ का जो डेटा था वो टेबल में कन्वर्ट होकर आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से इस ऑप्शन का भी आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन नजर आएगा एक्सेल स्प्रेडशीट का। एक्सेल स्प्रेडशीट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने एमएस एक्सेल यहाँ पर खुल जाएगा। आप देखेंगे होम टैब यहाँ पर एक्सेल का है
और यहाँ पर एक्सेल का कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर कोई भी डेटा पुट किया और उसके बाद मुझे यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला यूज़ करना है, तो जैसे मैं ऑल्ट इज इक्वल टू यहाँ पर यूज़ करूँगा तो ऑल्ट इज इक्वल टू यूज़ करते यहाँ पर सम का फॉर्मूला लग जाएगा। आप यहाँ पर सम कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, जितने भी एक्सेल के फॉर्मूले हैं आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। और जैसे आप बाहर क्लिक करेंगे तो आपका वो जो डेटा था यानी आपका जो एक्सेल था वो यहाँ से गायब हो जाएगा। और वापस से अगर आप इसमें कुछ एडिटिंग करना चाहते हैं तो जैसे आप इसके ऊपर आकर के डबल क्लिक करेंगे तो फिर से आपका एक्सेल खुल जाएगा। इसमें से आप कोई भी फंक्शन ईजिली यूज़ कर सकते हैं, यानी आप चाहें तो एमएस वर्ड को एक्सेल के साथ लिंक कर सकते हैं और जो भी कैलकुलेशन करना चाहें आप काम तो करेंगे एक्सेल में और शो आपका होगा एमएस वर्ड में। तो इस तरीके से आप इस ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपको दिखाई देगा यहाँ पर क्विक टेबल का एक ऑप्शन। तो क्विक टेबल के लिए हम यहाँ पर सब कुछ पहले से क्लियर कर लेते हैं। क्लियर करने के बाद जाते हैं हम टेबल वाले ऑप्शन पर और यहाँ पर यूज़ करते हैं हम लोग क्विक टेबल का। क्विक टेबल पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर डिफरेंट टाइप के आपको फॉर्मेट दिखाई देंगे। इस पर जैसे आप कोई भी टेबल का फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं और सेलेक्ट करने के बाद इसमें आप चेंजेस करके आप अपने हिसाब से उस टेबल को बना सकते हैं। तो दोस्तों ये थे सारे ऑप्शंस टेबल्स के। सबसे पहले हम बात करते हैं पिक्चर ऑप्शन में। आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आपको नज़र आएगा दिस डिवाइस का। इस ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर पिक्चर्स नज़र आएंगे, यानी आप अपने सिस्टम में से कहीं से भी कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर पिक्चर को सिलेक्ट किया और यहाँ पर इंसर्ट टैब वाले बटन पर क्लिक कर दिया। इंसर्ट बटन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारी यहाँ पर पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी। और उसके बाद जैसे ही आप देखेंगे यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के आपको एक टैब दिखाई देगा जैसे पिक्चर फॉर्मेट का। इसके अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शंस नज़र आएंगे, इन सभी ऑप्शन का मैं आपको यूज़ बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन की। यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे रिमूव बैकग्राउंड का एक ऑप्शन है। इस ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे इसका जो भी बैकग्राउंड था वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और जैसे ही यहाँ पर की चेंज पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जितना भी बैकग्राउंड था वो यहाँ से रिमूव कर देगा। तो इस तरीके से आप चाहें तो किसी इमेज का बैकग्राउंड यहाँ से रिमूव कर सकते हैं और यहाँ से जैसे ही आप कंट्रोल जेड दबाएंगे तो ये वापस से आपका रिकवर हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आपका करेक्शंस का। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे यहाँ पर कलर्स दिखाई देंगे, इफ़ेक्ट दिखाई देंगे, जिसमें से आप अपनी इमेज का ब्राइटनेस वगैरह इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से इमेज को जैसा भी बनाना चाहें वैसे आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उतनी ज़्यादा ब्राइटनेस देना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसको ब्राइटनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद कंट्रोल जेड वापस से दबाएंगे, पिक्चर आपकी वापस से नॉर्मल हो जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, कलर्स की। कलर्स पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे कलर्स नज़र आएंगे। अगर आप अपनी इमेज को कलर वाइज चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से देखेंगे डिफरेंट टाइप्स के आपको कलर्स मिल जाएंगे। इसमें से आप किसी भी कलर में सेलेक्ट करके आप अपनी इमेज को चेंज कर सकते हैं। हम फिर से कंट्रोल जेड करके इसको पीछे ले जाते हैं और इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ से आर्टिस्ट इफेक्ट की। इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने काफ़ी सारे इफेक्ट यहाँ पे नज़र आएंगे। आप इसे किसी भी इफेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो इमेज थी वो एक आर्टिस्ट इफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके बाद आप कंट्रोल जेड करके फिर से पीछे जा सकते हैं और इसके बाद आप नेक्स्ट ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा कंप्रेस पिक्चर का। कंप्रेस का मतलब होता है किसी फाइल को दबाना यानी कंप्रेस करना, छोटा करना। मान लीजिए हमने इस फाइल को यहाँ से छोटा किया और अब मैं चाहता हूँ कि इसका जो साइज़ है वो कंप्रेस हो जाए। हम जैसे इस फाइल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस नज़र आएंगे। आप इसे कंप्रेस कितने तरीके से करना चाहते हैं, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस नज़र आएंगे। जिस भी क्वालिटी में आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं उस क्वालिटी को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर इसको ईमेल के लिए सेलेक्ट करना चाहते हैं कि मुझे इसे ईमेल पर भेजना है, तो मैंने यहाँ पर ईमेल वाले मैटर को सेलेक्ट किया और यहाँ पर कर दिया इसे ओके। जैसे हम इसे ओके करेंगे तो आप देखेंगे हमारी पिक्चर थोड़ी सी धुंधली हो गई, हमारी इमेज का जो साइज़ था वो थोड़ा सा कम हो गया। तो हम कंट्रोल जेड करके आप इसे वापस से पीछे ले जा सकते हैं और वापस से इसे जैसा था, जैसी क्वालिटी थी, इसे वापस से उसी क्वालिटी में हम वापस से कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ से आप अपने साइज़ को यानी इमेज के साइज़ को आप यहाँ से कंप्रेस कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे जिस चीज़ के लिए आपको इसको यूज़ करना है। मान लीजिए आप इसे प्रिंट करना चाहते हैं या फिर आप इसे ईमेल पर भेजना चाहते हैं या फिर वेब पे आप इसे अपलोड करना चाहते हैं या हाई डेफिनेशन की इमेज आप इसे बनाना चाहते हैं, तो बहुत सारे ऑप्शन रेजुलेशन आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। उसमें से किसी भी रेजुलेशन को आप यहाँ पर सेलेक्ट करके आप उसे उस क्वालिटी में यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम इसे फ़िलहाल यहाँ से कैंसिल कर देते हैं और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमारे सामने एक ऑप्शन आएगा। वापस से इसी ऑप्शन में हम देखेंगे दिस डिवाइस का ऑप्शन है, यानी अगर आप कोई और फाइल यहाँ पे ओपन करना चाहते हैं एक के अलावा और दूसरी, तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो और भी कोई दूसरी फाइल आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। हम इसे फिलहाल कैंसिल करते हैं और इसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन नज़र आएगा फ्रॉम ऑनलाइन सोर्स का। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर ऑनलाइन सोर्स ओपन हो जाएगा, यानी ऑनलाइन
पिक्चर्स ओपन हो जाएंगी, इसमें से किसी भी पिक्चर को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी फिलहाल देखेंगे आपके सामने काफ़ी सारी कैटेगरीज यहाँ पे नज़र आ रही हैं, जैसे एनिमल्स की बात करें, एरोप्लेन्स की बात करें, एप्पल की बात करें, तो इसमें से आप किसी भी कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर लेता हूँ बर्ड्स को, बर्ड्स जैसे ही मैं सिलेक्ट करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के आपको बहुत सारी बर्ड्स नज़र आने लग जाएंगी। इसमें से आप कोई भी बर्ड्स यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसमें से मान लीजिए हम यहाँ पर कोई बर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं, मान लीजिए हमने ये वाली बर्ड यहाँ से सेलेक्ट की, और उसके बाद जैसे हम यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारी वो फाइल इंटरनेट से डाउनलोड होकर के यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। आप देखेंगे हमारी ये इमेज यहाँ से इंसर्ट हो चुकी है, और अब आप इसका यूज़ कर सकते हैं अपनी फाइल में किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंटेशन बनाने के लिए। तो इस तरीके से आप इमेज को यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। तो फिलहाल हम कंट्रोल जेड करके वापस से अपनी पुरानी वाली इमेज पर चले जाते हैं। मान लीजिए इस वाली इमेज पर हम वापस से आ गए, और इस इमेज को हमने मान लीजिए यहाँ से छोटा कर लिया। छोटा करने के बाद अब मान लीजिए यहाँ से हम वापस से उसी ऑप्शन पर पहुँच जाते हैं, और यहाँ पर आपको एक नज़र आएगा रिसेट पिक्चर का, और एक ऑप्शन नज़र आएगा रिसेट पिक्चर एंड साइज़ का। अगर आपने पिक्चर में कोई भी छेड़खानी कर रखी है तो आप यहाँ रिसेट पिक्चर कर सकते हैं, आपकी पिक्चर में जो भी चेंजेस हुई होगी वो वापस से रिसेट हो जाएगी। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से इसकी कोई भी करेक्शंस कर लेते हैं, और उसके बाद जैसे हम रिसेट पर क्लिक करेंगे तो ये वापस से हमारी वैसी ही पिक्चर हो जाएगी जैसी ये पहले थी। और उसके बाद आपको दूसरा ऑप्शन नज़र आएगा रिसेट पिक्चर एंड साइज़ का, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसकी जो ओरिजिनल साइज़ है इस इमेज का ये उस साइज़ में कन्वर्ट हो जाएगी। ये देखिए इसका ओरिजिनल साइज़ ये था, और इस तरीके से आपकी फाइल यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगी अपने एक्चुअल साइज़ में। इसको हम वापस से छोटा कर लेते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शंस की। इसके बाद आपको दिखाई देगा यहाँ पर पिक्चर स्टाइल्स का। पिक्चर स्टाइल्स पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पर स्टाइल नज़र आएंगे। इसमें से किसी भी स्टाइल को आप सेलेक्ट करके आप अपनी इमेज को उस तरीके का इफेक्ट दे सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ से हमने इस स्टाइल को सेलेक्ट किया, और यहाँ से हमारी जो इमेज थी वो इस इफेक्ट में कन्वर्ट हो गई है। इसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका बॉर्डर्स का। इस बॉर्डर पर आप क्लिक करके इसके चारों तरफ का बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इस पर क्लिक किया तो ये बॉर्डर का कलर चेंज कर देगा। अब बेसिकली इसमें बॉर्डर का कलर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि इस इफेक्ट के अंदर कोई बॉर्डर है ही नहीं। तो हम यहाँ से कोई ऐसी इफेक्ट लेते हैं जिसका बॉर्डर हो। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया, और इसको सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे इसका बॉर्डर यहाँ पर आ चुका है, और यहाँ से हम चाहें तो किसी भी बॉर्डर के कलर में आप इसे चेंज कर सकते हैं। ये देखिए आप इसको किसी भी कलर में इजिली चेंज कर पाएंगे। उसके बाद आपको नज़र आएगा नो आउटलाइन का एक ऑप्शन। नो आउटलाइन का मतलब होता है कि इसके अंदर जो भी आपका बॉर्डर है उसका कोई भी आउटलाइन यहाँ पर शो ना करे, तो उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर मोर आउटलाइन कलर्स का ऑप्शन आपको नज़र आएगा। इसमें से आप कोई कलर यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर कस्टम में जाके आप अपने हिसाब से कोई भी कलर यहाँ पे बना भी सकते हैं। तो इस तरीके से इस ऑप्शन का आप यूज़ कर पाएंगे। इसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर नज़र आएगा विथ का। विथ पर जैसे आप चाहेंगे तो यहाँ से आपको बहुत सारी विथ नज़र आएंगी, इसमें से आप किसी भी साइज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर डैशेस नज़र आएंगे, आप चाहें तो अपने इस बॉर्डर के साइज़ को डैशेस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन आपको नज़र आएंगे, इसमें से कोई भी ऑप्शन आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर पिक्चर्स इफेक्ट का एक ऑप्शन है। इसमें बहुत सारे आप पिक्चर के ऊपर इफेक्ट दे सकते हैं। जैसे सबसे पहले इफेक्ट की बात करें तो यहाँ से देखिए ये बहुत सारे इफेक्ट हैं, इसमें से आप कोई भी इफेक्ट यहाँ पर अपनी पिक्चर पर दे सकते हैं। ये देखिए इसके बाद यहाँ पर शेडोज़ का इफेक्ट है, आप नेक्स्ट ऑप्शन में शेडो का इफेक्ट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन में आप रिफ्लेक्शन यूज़ कर सकते हैं, ग्लोइंग यूज़ कर सकते हैं, सॉफ्ट एजिस यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे आपको यहाँ पर इफेक्ट दिखाई देंगे, जैसे बिवल एंड एम्बोज का ऑप्शन आता है यहाँ पर, वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर 3D रोटेशन का आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर नज़र आएंगे, इसमें से किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप अपनी इमेज में एक अट्रैक्टिव इफेक्ट दे सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर पिक्चर लेआउट्स का। पिक्चर लेआउट्स पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने काफ़ी सारे डायग्राम्स नज़र आएंगे, जिसमें से आप किसी भी स्मार्ट आर्ट को सेलेक्ट करके इस इमेज को उस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बारे में आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया दूसरा वाला, तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप कोई भी टेक्स्ट यहाँ पर टाइप कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के आपको कलर्स नज़र आएंगे, इसमें से आप चाहें तो किसी भी कलर में आप इसे चेंज कर सकते हैं। इसका यहाँ पर चाहें तो स्टाइल चेंज कर सकते हैं, यहाँ से अगर आप चाहें तो आप इसकी शेप को वापस से एक्सचेंज कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से भी एक्सचेंज कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। अब यहाँ पर अगर आप शेप्स को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए शेप्स ऐड भी हो जाएंगे, और यहाँ पर अगर आप बुलेट्स को ऐड करना चाहें तो यहाँ पर आप पॉइंट को सिलेक्ट करके यहाँ पर बुलेट्स को भी ऐड कर सकते हैं। यानी पॉइंट टू पॉइंट अगर आप कुछ रिप्रेजेंट करना चाहें तो पॉइंट टू पॉइंट भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टेक्स्ट पेन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर टेक्स्ट पेन नज़र आएगा। टेक्स्ट पेन नज़र आने के बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट टेक्स्ट पे ऊपर भी आप कुछ लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं।
और उसके बाद जैसे आप डिमोट करेंगे तो वापस से हमारा जो ऑब्जेक्ट हमने सेट किया था वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा, और प्रमोट करेंगे तो वापस से वो ऑब्जेक्ट हमारा रिप्रेजेंट हो जाएगा। अगर आप राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट करना चाहते हैं तो यहाँ से देखिए राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट भी इसे एडजस्ट कर सकते हैं। मूव अप मूव डाउन करेंगे तो यहाँ से मूव अप और मूव डाउन भी आप इसे ईजिली कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे नजर आएंगे, इन सभी का आप यूज़ कर सकते हैं। रिसेट ग्राफिक पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपने जितनी भी छेड़खानी कर रखी है वो सारी यहाँ से रिसेट हो जाएगी, और यहाँ से आप रिसेट ग्राफिक का यूज़ कर सकते हैं इन सभी ऑब्जेक्ट को रिसेट करने के लिए। तो चलिए हम वापस से चलते हैं अपने पुराने वाले ऑप्शंस पर, और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आपको नज़र आएगा ऑल टेक्स्ट का। ऑल टेक्स्ट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर इस इमेज के बारे में जो भी डिस्क्रिप्शन देना चाहें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लाइव टाइप कर दिया एक्सेल इन्फोटेक, और इसके बाद आप जैसे ही इस ऑल टेक्स्ट को यहाँ से कट करेंगे तो ये वापस से हट जाएगा, और जैसे ही ऑल टेक्स्ट पर वापस से क्लिक करेंगे तो आपको इसके बारे में डिस्क्रिप्शन यहाँ पे नज़र आ जाएगी। तो यानी आप किसी इमेज का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर सेव करके रख सकते हैं इस ऑल टेक्स्ट की मदद से। इसके बाद आप देखेंगे आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आएगा यहाँ पर पोजीशन का, आप पोजीशन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम इमेज को पहले यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, छोटा करने के बाद हम यहाँ पर एक पैराग्राफ इंसर्ट कर लेते हैं। मान लीजिए हमने टाइप किया इज़ इक्वल टू rand लिखा, और यहाँ पर हम कुछ पैराग्राफ्स यहाँ से इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट करने के बाद इस इमेज को हम यहाँ से देखिए लेकर जा रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर एडजस्टमेंट ले रहा है। तो उसको मैं अभी आपको क्लियर करूँगा कि ये कैसे एडजस्ट होता है। तो उसके लिए हम यहाँ पर चले जाते हैं वापस से पोजीशन पर। पोजीशन में आप इसको इमेज को कहाँ किस पोजीशन पर सेट करना चाहते हैं वो यहाँ पर सेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ लेफ्ट सेलेक्ट किया तो लेफ्ट में, आप सेंटर में भी कर सकते हैं, राइट में भी कर सकते हैं, बॉटम में भी चाहें तो बॉटम में कर सकते हैं, मिड पॉइंट पे चाहें तो मिड पॉइंट पे यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो जिस भी पोजीशन पर आप इसे रखना चाहें उस पोजीशन पर आप इसे डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आपका आएगा रैप टेक्स्ट का। रैप टेक्स्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहला रैपिंग होगा हमारा इन लाइन विथ टेक्स्ट। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो लाइन की स्टार्टिंग जहाँ से हुई है वहाँ से हमारी इमेज यहाँ पर सेट हो जाएगी उस तरीके से। यानी पहले इमेज है उसके बाद हमारी टेक्स्ट की यहाँ पर स्टार्टिंग हो चुकी है, तो इसको हम इन लाइन विद टेक्स्ट कहते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर स्क्वायरली एडजस्ट कर सकते हैं। स्क्वायर पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो भी इमेज होगा वो स्क्वायरली एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप इसे स्क्वायरली कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आपका टाइट। टाइट पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो टाइटली एडजस्ट हो जाएगा। इसको कहीं पर भी आप मूव करेंगे तो जो भी हमारा पैराग्राफ होगा वो ऑटोमेटिक इस इमेज के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर थ्रो का ऑप्शन है। थ्रो से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा या छोटा करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऑटोमेटिक एडजस्ट होता चला जाएगा। इसके बाद टॉप या बॉटम पे आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। टॉप या बॉटम पर जो भी आप इसे एडजस्ट करेंगे तो अपने लेफ्ट या राइट साइड में कोई भी टेक्स्ट अपने आसपास रहने नहीं देगा। अगर आप बिहाइंड टेक्स्ट करेंगे तो ये टेक्स्ट के पीछे चला जाएगा, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे तो टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगा। एडिट रैप पॉइंट का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स नजर आएंगे। इन पॉइंट्स को जैसे ही आप आगे की तरफ या पीछे की तरफ ड्रॉ करेंगे तो उतना स्पेस यहाँ पर खाली हो जाएगा, और अगर इसे अंदर की तरफ ड्रॉ करेंगे तो उतना टेक्स्ट स्पेस यहाँ पर अंदर एडजस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से इन रैपिंग्स का आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे मूव विथ टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट के साथ अगर आप मूव कराना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर सकते हैं, और नहीं तो आप इसे हटा भी सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे फिक्स पोजीशन। आप चाहें तो यहाँ से इसकी फिक्स पोजीशन सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट मोर लेआउट्स का ऑप्शन है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे लेआउट्स यहाँ पर नजर आएंगे जो कि मैंने आपको रिसेंटली अभी आपको बताया था। इनमें से कोई भी लेआउट आप यहाँ पर सेलेक्ट करके यहाँ से आप इसे ओके कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर देखेंगे ब्रिंग टू फॉरवर्ड और सेंड टू बैकवर्ड का एक ऑप्शन आपको नजर आएगा। तो इसका यूज़ कैसे किया जाता है, मान लीजिए हम यहाँ से एक और इमेज को इंसर्ट कर लेते हैं। हम पिक्चर्स पर वापस जाते हैं, दिस डिवाइस पर जाते हैं, और यहाँ से हमने एक पिक्चर को और यहाँ से इंसर्ट कर लेते हैं। तो मान लीजिए हमने इस वाली इमेज को यहाँ से इंसर्ट कर लिया। इस इमेज को इंसर्ट करने के बाद हमने यहाँ से इसको छोटा कर लिया, और छोटा करने के बाद यहाँ से इसके लेआउट्स को हमने चेंज कर दिया। यहाँ से इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दिया इसको भी हमने, और इसको भी सिलेक्ट करके हमने यहाँ से इसके टेक्स्ट रैपिंग को इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दिया। अब आप देखेंगे इसको जैसे हम इस इमेज के ऊपर लेके जा रहे हैं तो हमारी जो पिछली वाली इमेज है वो यहाँ से इसके पीछे छुप जाएगी, और इसको अगर मुझे बैक साइड में ले जाना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से यूज़ करूँगा सेंड टू बैकवर्ड का। आप देखेंगे हमारा ये जो इमेज था वो सेंड टू बैकवर्ड हो गया, इसके पीछे चला गया, और जैसे आप ब्रिंग टू फॉरवर्ड करेंगे तो ये वापस से इसके ऊपर आ जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आएगा ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक का एक ऑप्शन है। तो सबसे पहले ब्रिंग टू फ्रंट का मतलब होता है जैसे इस इमेज को हमें किसी और ऑब्जेक्ट के ऊपर लाना है। यहाँ पर हमने बहुत सारी इमेजेस ले रखी हैं, मान लीजिए हम यहाँ पर कोई शेप्स ले लेते हैं या कोई इमेज ले लेते हैं। हम यहाँ पर एक इमेज को और इंसर्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से एक इमेज और सेलेक्ट कर लिया,
मान लीजिए हमने इस वाली इमेज को यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, और इस वाली इमेज को सेलेक्ट करने के बाद हमने सबसे लास्ट वाली इमेज को सेलेक्ट करना है। सबसे पहले इसको टेक्स्ट रैपिंग से जाके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करा लेते हैं, और लास्ट वाले ऑप्शन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके हम यहाँ से जाते हैं सेकेंड ऑप्शन की तरफ। यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं ब्रिंग टू फ्रंट। जैसे हम ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे तो ये जो हमारी इमेज है वो सभी इमेज के ऊपर आ जाएगी, यानी एक बार में सबसे ऊपर यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगी। जैसे मान लीजिए अगर आपने 10 इमेज ले रखी हैं और सबसे लास्ट वाली इमेज को आप चाहते हैं कि ये सबसे ऊपर आ जाए एक बार में, तो आप इस ऑप्शन का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि इमेज सबसे पीछे चली जाए एक बार में, तो यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं सेंड टू बैक का। सेंड टू बैक जैसे आप करेंगे तो ये सबसे पीछे चली जाएगी। ये देखें, सबसे पीछे हमारी ये इमेज जा चुकी है। तो इस तरीके से इस ऑप्शन का आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे सेंड टू बिहाइंड टेक्स्ट। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट के पीछे चला जाएगा। आप देखेंगे यहाँ से मैं इन सभी इमेजेस को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, और अब आप देखेंगे तो हमारी जो इमेज थी वो यहाँ पर टेक्स्ट के पीछे जा चुकी है। और इसके बाद अगर हम इसको ऊपर की तरफ लाना चाहते हैं, इसमें हम चाहते हैं कि ये जो इमेज है हमारी ये टेक्स्ट के वापस से ऊपर आ जाए, तो यहाँ से हम यूज़ करेंगे यहाँ पर ब्रिंग टू फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारी ये जो इमेज है वो टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगी। तो इस तरीके से आप इन ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा सिलेक्शन पेन का। सिलेक्शन पेन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर सिलेक्शन का एक बॉक्स नजर आएगा। इस बॉक्स से आप किसी भी इमेज को शो और हाइड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने हाइड पर क्लिक किया तो हमारा जो ऑब्जेक्ट था यहाँ से हाइड हो गया, और जैसे हम यहाँ पर शो पर क्लिक करेंगे तो हमारी इमेज वापस से यहाँ पर शो हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर आपने यहाँ पर कोई शेप ले रखी है या कोई इमेज ले रखी है तो वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पर नजर आएंगी। जिस चीज़ का भी आप आइज़ बंद करना चाहेंगे, यहाँ पे मान लीजिए हमने इसकी आइज़ को बंद कर दिया तो वो वाला ऑब्जेक्ट हमारा हाइड हो जाएगा, और जैसे इसकी आइज़ को ओपन करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट हमारा वापस से अनहाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस सिलेक्शन पेन्स का यूज़ कर सकते हैं, सिलेक्शन ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। तो यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन हमारा अलाइनमेंट्स का। तो इसमें आप अलाइनमेंट दे सकते हैं, जैसे हमने ले दिया लेफ्ट, यहाँ से दे सकते हैं आप सेंटर, यहाँ से दे सकते हैं राइट। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे अलाइनमेंट्स मिलेंगे, इन सभी अलाइनमेंट्स का आप एक एक करके यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। यहाँ पर आप देखेंगे ग्रुप का एक ऑप्शन आपको नजर आएगा। अब ग्रुप ऑप्शन कैसे यूज़ होता है, तो ग्रुप ऑप्शन के लिए हम यहाँ पर ले लेते हैं शेप्स को। हम इंसर्ट टैब में जाते हैं और यहाँ से हमने ले लिया यहाँ पर शेप्स। शेप्स को लेकर के जैसे हम यहाँ पर इंसर्ट करेंगे, और यहाँ पर एक और शेप हम यहाँ पर ले लेते हैं। शिफ्ट के साथ हमने दोनों ऑब्जेक्ट को यहाँ पर सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ग्रुप का। तो आप देखेंगे हमारी जो इमेज थी वो आपस में यहाँ पर जुड़ जाएगी, यानी ग्रुपिंग हो जाएगी। और अगर आप इसे अनग्रुप करना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्लिक करके जैसे इसे अनग्रुप करेंगे तो हमारी ऑब्जेक्ट, ये वाला जो ऑब्जेक्ट था वो अलग हो जाएगा और ये वाला ऑब्जेक्ट हमारा अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ग्रुप और अनग्रुप का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर रोटेशन का ऑप्शन है, तो आप चाहें तो किसी इमेज को या किसी भी शेप को यहाँ पर रोटेट कर सकते हैं। देखिए, तो आप जैसे चाहें आप इसे ईजिली फ्लिप कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है आपका साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने का। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे आपके साइज़ यहाँ पे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो जाएगा। तो आप इस तरीके से इन ऑप्शंस का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। यहाँ पर आप देखेंगे पिक्चर्स में एक ऑप्शन आपको नजर आएगा ऑनलाइन पिक्चर्स का। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन पिक्चर्स में जो मैंने आपको बताया अभी रिसेंटली, यहाँ पर बहुत सारे आपको कैटेगरीज दिखाई देंगी जिसमें से आप कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने मान लीजिए फैमिली को सेलेक्ट किया, और यहाँ पर आप डिफरेंट टाइप्स की आपको फैमिलीज़ के इमेजेस मिल जाएंगे। उसमें से कोई भी इमेज सेलेक्ट करके जैसे इंसर्ट करेंगे तो वो इमेज आपकी यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी, और उस इमेज का आप यहाँ पर इजिली यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं शेप ऑप्शन की। इसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस नज़र आएंगे, इसमें से किसी भी आप शेप्स का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम यूज़ करते हैं यहाँ पर रिसेंटली यूज शेप का। बेसिकली ये वो शेप्स होती हैं जो हमने रिसेंटली यूज़ कर रखी होती हैं, उनमें से आपको कुछ हिस्ट्री दिखाता है जिसमें से आप कोई भी शेप ले सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ से एक रेक्टेंगल को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे हम रेक्टेंगल को ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन नज़र आ जाएंगे। आप देखेंगे यहाँ पर शेप फॉर्मेट के नाम से एक टैब खुल जाएगा, और इसमें आपको काफ़ी सारे फॉर्मेट चेंज करने के ऑप्शन दिखाई देंगे। जैसे मान लीजिए हम सबसे पहले बात करते हैं शेप स्टाइल की, तो यहाँ से आप क्लिक करके शेप को किसी भी स्टाइल में चेंज कर सकते हैं। ये देखिए बहुत सारे स्टाइल्स आपको नजर आएंगे। इसमें ऐसे आप किसी भी स्टाइल को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर इस कलर को सिलेक्ट किया तो यहाँ पर हमारा जो शेप था वो इस कलर में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद अगर आप चाहें तो यहाँ से कलर को चेंज भी कर सकते हैं। आपको डिफरेंट टाइप्स के कलर यहाँ पर नजर आएंगे, इसमें से कोई भी कलर यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ अगर नो फिल करेंगे तो नो फिल में आपका जो भी कलर था वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आएगा मोर फिल कलर्स का। मोर फिल कलर्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस नजर आएंगे, इसमें से आप कोई भी कलर यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम ओके करेंगे तो वो कलर हमारा यहाँ पर फिल हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा अदर थीम्स का। यहाँ पर आप जा करके
कोई भी थीम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की थीम्स आपको मिल जाएंगी, उस थीम का भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पर आपके सामने आएगा पिक्चर्स का ऑप्शन। आप पिक्चर पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर तीन ऑप्शन आएंगे। तीनों ऑप्शन में से आप किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करके इसमें कोई भी पिक्चर या कोई भी आइकन इंसर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। हम फर्स्ट ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर आपका सिस्टम का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और सिस्टम में से आप किसी भी पिक्चर को यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम डी ड्राइव में जाते हैं और यहाँ से हम चले जाते हैं किसी पिक्चर में, तो मान लीजिए हम यहाँ पर पिक्चर्स में चले जाते हैं और किसी भी पिक्चर को सिलेक्ट करके जैसे हम इंसर्ट करेंगे तो वो पिक्चर हमारी शेप में ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगी। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन अगर हम बात करें सेकेंड ऑप्शन की, तो सेकेंड ऑप्शन है हमारा ऑनलाइन पिक्चर का। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑनलाइन में बहुत सारी आपको इमेजेस नज़र आएंगी, इसमें से किसी भी इमेज को सेलेक्ट करके आप इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर बर्ड्स को सिलेक्ट किया, बर्ड्स को सिलेक्ट करने के बाद आपको काफ़ी सारी बर्ड्स यहाँ पे दिखाई देंगी, इसमें से किसी भी बर्ड्स को सिलेक्ट करके आप उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हमने इस वाली पिक्चर को सिलेक्ट किया और यहाँ पर कर दिया इंसर्ट। जैसे हमने इंसर्ट पर क्लिक किया तो वो पिक्चर हमारी इस शेप में ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, तो यहाँ से हम जाएंगे वापस से पिक्चर वाले ऑप्शन पर। पिक्चर पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा फ्रॉम आइकन्स। फ्रॉम आइकन्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने काफ़ी सारे आइकन्स यहाँ पे नज़र आ जाएंगे और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, जिसमें से आप एनिमल्स का आइकन यूज़ कर सकते हैं, एरोज़ का आइकन यूज़ कर सकते हैं, आर्ट्स का आइकन यूज़ कर सकते हैं या बॉडी पार्ट्स का आइकन यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें से किसी भी आइकन को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इस वाले आइकन को यहाँ पर सेलेक्ट किया और यहाँ पर जैसे हम इंसर्ट करेंगे तो वो आइकन हमारा इस शेप में ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इन सभी ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका ग्रेडियंट का। ग्रेडियंट पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने काफ़ी सारे कलर्स यहाँ पर दिखाई देंगे, जो कि आपका दो कलर का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें से कोई भी कलर आप यहाँ पर ईजिली सेलेक्ट कर सकते हैं, वो कलर आपका बेसिक शेप में फिल हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने टेक्सचर्स नज़र आएगा। इसमें आपको काफ़ी सारे टेक्सचर्स नज़र आएंगे, जिसमें आप कोई भी टेक्सचर सेलेक्ट करके आप अपनी शेप में इंसर्ट कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से आप अपनी शेप में कोई भी टेक्सचर इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा शेप आउटलाइन का। यहाँ से आप आउटलाइन की शेप का कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने रेड कलर चेंज किया तो यहाँ से आप देखेंगे इसकी आउटलाइन का जो कलर था वो रेड कलर में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से अगर आप चाहें तो नो आउटलाइन करेंगे तो इसका जो आउटलाइन था वो यहाँ से हट जाएगा, और यहाँ से आप मोर आउटलाइन कलर्स पे अगर आप क्लिक करेंगे तो सेम उसी तरीके से यहाँ से भी आप आउटलाइन का कलर चेंज कर सकते हैं, या फिर कस्टम में जा करके यहाँ से कोई कलर आप खुद से बना भी सकते हैं। सेलेक्ट करके जैसे ओके करेंगे तो वही सेम कलर आपकी आउटलाइन में फिल हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आप देखेंगे यहाँ पर इसकी विड्थ की, इसके साइज़ को आप एक्सपेंड कर सकते हैं। जो भी हमने बॉर्डर लिया है इस बॉर्डर के साइज़ को आप यहाँ से इजीली अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। जितने भी आपको बॉर्डर चाहिए, जितना भी साइज़ बॉर्डर का चाहिए वो यहाँ पे सेलेक्ट करके जैसे आप क्लिक करेंगे तो उसका साइज़ यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें यहाँ पर डैशेस की, तो आप यहाँ पर कोई भी डैश सेलेक्ट कर सकते हैं। आप देखेंगे आपका जो बॉर्डर था वो उसी डैश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से इन सभी ऑप्शन का आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन आपका नज़र आएगा शेप इफेक्ट का। यहाँ से आप जा करके काफ़ी सारे इफेक्ट दे सकते हैं अपनी शेप के ऊपर। ये देखें आपको सबसे पहले यहाँ दिखाई देगा प्रेजेंट का। यहाँ पर आप काफ़ी सारे आपको इफेक्ट दिखाई देंगे, जिसमें से आप किसी भी इफेक्ट में आप इस शेप को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको दिखाई देगा शेडोज़ का ऑप्शन, तो यहाँ पर आप शेडोज़ यूज़ कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे आपकी शेप के साइड में काफ़ी सारी शेडोज़ नज़र आ रही हैं, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे रिफ्लेक्शन, यहाँ पर आप चाहें तो रिफ्लेक्शन दिखा सकते हैं। ये देखिए नीचे की तरफ आपकी शेप में रिफ्लेक्शन आ गया, ये देखिए। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे ग्लो, तो ग्लोइंग में काफ़ी सारे ग्लो का इफेक्ट आ जाएगा। इसमें से आप कोई भी ग्लो इफेक्ट यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स के आपको कलर्स दिखाई देंगे, इसमें से आप कोई भी ग्लो कलर यूज़ कर सकते हैं। सॉफ्ट एज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा सॉफ्ट एज। आप देखेंगे आपको काफ़ी सारे इफेक्ट यहाँ पर भी नज़र आएंगे, इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। बीवल की अगर हम बात करें तो ये आपको 3D शेप में कन्वर्ट करके दिखा देगा, तो इसमें से आप कोई भी 3D शेप यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। और यहाँ से अगर आप 3D रोटेशन यूज़ करना चाहें तो यहाँ से आप 3D रोटेशन का भी यूज़ कर सकते हैं, आपको बहुत सारे एंगल्स दिखाई देंगे। तो इस तरीके से आप इन सभी शेप्स का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस शेप में कुछ लिखना चाहते हैं तो इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा एड टेक्स्ट का। एड टेक्स्ट पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप इसके अंदर जो भी लिखना चाहें यहाँ पर उसे टाइप कर सकते हैं। इसके बाद इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके आप यहाँ से चाहें तो वर्ड आर्ट स्टाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखिए वर्ड आर्ट का स्टाइल यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है, जिसमें से आप किसी भी कलर में आप इसे चेंज करना चाहें तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो आप देखेंगे आपका जो शेप था वो वर्ड आर्ट शेप में यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट ऑप्शन की, तो यहाँ चले जाते हैं वापस से शेप फॉर्मेट पर, और यहाँ से आपको दिखाई देगा उस जो हमने वर्ड आर्ट में टेक्स्ट लिखा था उस टेक्स्ट में कलर चेंज करने का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। इस वर्ड आर्ट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको ये दिखाई दे। यहाँ पर देखिए ये शेप, ये टेक्स्ट है हमारा, इस टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आप चाहें तो यहाँ से उस वर्ड आर्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं। ये देखिए जैसे हम ब्लैक करेंगे तो उसके अंदर ब्लैक कलर फिल हो जाएगा, या कोई और कलर आप सेलेक्ट करेंगे तो वही कलर सेम इसमें फिल हो जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर नो फिल अगर आप करेंगे तो कोई भी कलर यहाँ पर फिल नहीं होगा। इसके अलावा मोर कलर जो मैंने आपको बताया, मोर कलर पर क्लिक करके यहाँ से आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर ओके कर सकते हैं, वही सेम कलर यहाँ पर इसके अंदर फिल हो जाएगा। इसी तरीके से आप देखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन आपका ग्रेडियंट का भी आएगा, यहाँ से आप चाहें तो ग्रेडियंट कलर भी आप इसके अंदर फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ से थीम कलर्स का, तो यहाँ से आप चाहें तो आप इसकी थीम के कलर को यूज़ कर सकते हैं, थीम के कलर को यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और उसी तरीके से आउटलाइन की कलर्स को, उसके विथ को, उसके डैशेज को यहाँ से आप चाहें तो अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। तो जितना भी आप रखना चाहें अपने हिसाब से आप इसे रख सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर इफेक्ट, तो यहाँ पर आपको इफेक्ट नज़र आएगा शेडो का, रिफ्लेक्शन का, ग्लो का, बीवल का, 3D रोटेशन का, ट्रांसफॉर्म का, तो यहाँ से बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे जिसमें से आप किसी भी इफेक्ट में आप इसे चेंज कर सकते हैं। ये देखिए काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको नज़र आएंगे, आप इसे उस एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे यहाँ पर। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आएगा टेक्स्ट डायरेक्शन का। टेक्स्ट डायरेक्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप अपने इसे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल में एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया रोटेट ऑल टेक्स्ट 90 डिग्री पर, तो यहाँ देखेंगे 90 डिग्री पर रोटेट हो गया। इसी तरीके से आप यहाँ पे इसे चाहें तो 270 डिग्री पर भी रोटेट कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से इसे जहाँ भी डायरेक्शन देना चाहें उस हिसाब से डायरेक्शन दे सकते हैं। फिलहाल हम इसको पूरा क्लियर कर लेते हैं और यहाँ पर एक सिंपल शेप ड्रॉ करते हैं, और उसके बाद मैं इस ऑप्शन को आपको क्लियर करता हूँ। तो मैंने यहाँ से ले लिया एक रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल लेने के बाद इसके ऊपर राइट क्लिक किया, यहाँ पर ऐड टेक्स्ट पे किया, और यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया एक्सेल इन्फोटेक। एक्सेल इन्फोटेक टाइप करने के बाद इसको मैंने वापस से सेलेक्ट किया। वापस से सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं यूज़ करता हूँ जैसे मान लीजिए टेक्स्ट डायरेक्शन, यहाँ से मैंने 90 डिग्री ले लिया, ये देखिए 90 डिग्री पर रोटेट हो गया और यहाँ से 270 पर रोटेट हो गया। और इसको वापस से स्टेटेड करना है तो आप यहाँ ओरिजिनल सेलेक्ट करिए, वापस से ये जैसा था वैसे ही एडजस्ट हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर अलाइन टेक्स्ट का एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको, यहाँ से आप इसे टॉप पे एडजस्ट कर सकते हैं, मिडिल में एडजस्ट कर सकते हैं और बॉटम में एडजस्ट कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से टेक्स्ट को यहाँ पे एडजस्ट कर पाएंगे, और जो मैंने ऑप्शंस आपको बताए वही सेम ऑप्शंस आप इसके ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए डिफरेंट टाइप्स के आपको शेप्स नज़र आएंगे, डिफरेंट टाइप्स के आपको कलर्स नज़र आएंगे, यहाँ से आप कलर्स को चेंज कर सकते हैं, यहाँ से फ्लो चार्ट्स को यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर डैशेस को यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से आप इसके अंदर ग्लोइंग इफेक्ट वगैरह दे सकते हैं। ये देखिए तो ये सभी ऑप्शंस आप इस टेक्स्ट के ऊपर ईजिली यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पर क्रिएट लिंक का। तो क्रिएट लिंक कैसे यूज़ किया जाता है, जैसे मान लीजिए हमने एक टेक्स्ट यहाँ पर शेप यहाँ पर यूज़ कर रखा है, और इसी तरीके से हम एक और शेप यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, और ड्रॉ करने के बाद इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम यूज़ करते हैं ऐड टेक्स्ट। हम इस वाली शेप को इस वाली शेप से लिंक करना चाहते हैं कि जैसे हम यहाँ पर कुछ भी टाइप करें और ये हमारा फुल हो जाए तो हमारा जो नेक्स्ट डाटा हो वो इसमें ऑटोमेटिक टाइप होता चला जाए। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, सिंपल यहाँ पर क्लिक करना है, क्रिएट लिंक पर क्लिक करना है, और यहाँ पर जैसे ही आप इस शेप को सिलेक्ट करेंगे तो दोनों का आपस में लिंक हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक्सेल इन्फोटेक लिख दिया, इसके अलावा यहाँ पर हम कुछ भी टाइप कर लेते हैं, और कुछ भी टाइप करने के बाद जैसे हमारा ये बेसिक शेप फुल हो जाएगा तो आप देखेंगे नेक्स्ट शेप में वो ऑटोमेटिक यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्रिएट लिंक का यूज़ कर सकते हैं, एक शेप को दूसरे शेप से लिंक कर सकते हैं कि यहाँ पर आप कोई भी डेटा फिल करेंगे और वो डेटा अगर आपका फिल हो जाएगा यानी शेप आपकी फुल हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली दूसरे शेप पर आपका डेटा पहुँच जाएगा अपने आप। तो इसका यूज़ किया जाता है क्रिएट लिंक की मदद से। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ऑल टेक्स्ट का। ऑल टेक्स्ट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर इस शेप के बारे में आप चाहें तो जो भी अल्टरनेटिव टेक्स्ट यहाँ पर देना चाहें वो दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर दे दिया एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल लिखने के बाद यहाँ पर जैसे हम इसको कट करेंगे और वापस से हम इसी ऑल टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो एग्जाम्पल ये आपको दिखाई देगा। यानी बेसिकली आप किसी भी शेप को किसी भी पिक्चर के बारे में यहाँ पर अल्टरनेटिव टेक्स्ट यहाँ पर लिख सकते हैं और इसे बाद में रीड कर सकती है। तो इस चीज़ के लिए हम ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट का यूज़ करते हैं। इसके बाद आपको दिखाई देगा यहाँ पर पोजीशन का एक ऑप्शन। तो पोजीशन के लिए हम यहाँ पर सभी शेप्स को एक बार डिलीट कर लेते हैं, और सभी शेप को डिलीट करने के बाद यहाँ पर हम एक पैराग्राफ इंसर्ट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने टाइप किया इज इक्वल टू RANT रैंड लिखा, शेप के साथ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर दिया, और इंसर्ट टैब में जा करके हमने यहाँ से एक शेप इंसर्ट कर ली। मान लीजिए हम यहाँ से एक शेप इंसर्ट कर लेते हैं, ये वाली शेप हमने इंसर्ट कर लिया। अब आप देखेंगे हमारी जो शेप है वो टेक्स्ट के ऊपर आ रही है,
तो यहाँ से आप चाहें तो इसकी पोजीशन को सेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप यहाँ से लेफ्ट में, राइट में, सेंटर में, जिस पोजीशन में आप चाहें उस पोजीशन में अपनी टेक्स्ट को यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, अपनी पिक्चर्स को यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर कोई पिक्चर ले सकें, आप यहाँ पर शेप भी यूज़ कर सकते हैं और आप यहाँ पर पिक्चर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए हमने पोजीशन इसकी डिफाइन कर दी। इसके बाद यहाँ पर दिखाई देगा आपको टेक्स्ट रैपिंग्स, तो इसमें काफ़ी सारे रैपिंग्स आपको दिखाई देंगे। जैसे मान लीजिए स्क्वायर, तो स्क्वायर पर जैसे ही हम यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे हमारा जो डेटा था वो स्क्वायरली यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। अगर हम टाइटली यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे हमारा जो डेटा था यानी जो टेक्स्ट था वो यहाँ पर इसके शेप के हिसाब से ही एडजस्ट हो रहा है। ये देखिए जहाँ पर भी हम शेप को मूव करेंगे ये ऑटोमेटिकली उसी के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आपके सामने यहाँ पर बहुत सारे रैपिंग्स हैं, जैसे थ्रो की अगर हम बात करें, टॉप एंड बॉटम की अगर हम बात करें, या फिर बिहाइंड टेक्स्ट की बात करें यानी टेक्स्ट के पीछे, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट के ऊपर, एडिट रैप पॉइंट्स पे अगर हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने काफ़ी सारे पॉइंट्स नज़र आ जाएंगे। इसमें से किसी भी पॉइंट को आप सिलेक्ट करके यहाँ पर गैपिंग दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे मोर लेआउट्स भी दिखाई देंगे, जिसमें से आप काफ़ी सारे लेआउट्स का भी यूज़ अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसके बाद आपको दिखाई देगा यहाँ पे ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैकवर्ड का एक ऑप्शन। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक शेप को और इंसर्ट कर लेते हैं। मान लीजिए हमने एक शेप यहाँ पे इंसर्ट कर लिया और इसका कलर यहाँ से हमने चेंज कर दिया, और उसके बाद यहाँ से हम यूज़ करते हैं सेंड टू बैकवर्ड का। जैसे हम सेंड टू बैकवर्ड करेंगे तो हमारा जो डेटा था यानी हमारा जो रेक्टेंगल ब्लैक वाला था वो इसके पीछे चला गया, और जैसे ही हम ब्रिंग टू फॉरवर्ड यूज़ करेंगे तो ये वापस से इसके ऊपर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी शेप को आगे या पीछे एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम एक शेप को और ले लेते हैं। मान लीजिए हमने एक एलिप्स ले लिया और इस एलिप्स का कलर हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं, और उसके बाद अब हमारे पास तीन शेप्स हो गई। इन तीन शेप में से अब यहाँ पर जब मान लीजिए हम यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन यूज़ करते हैं ब्रिंग टू फ्रंट, इससे पहले हम यूज़ करते हैं यहाँ से सेंड टू बैक। जैसे हम सेंड टू बैक करेंगे तो ये एक बार में ही सबसे पीछे चली जाएगी, यानी आप एक एक करके इसको अगर ऊपर लाना चाहते हैं तो यहाँ से आप एक एक करके ऊपर ला सकते हैं। ब्रिंग टू फॉरवर्ड करेंगे तो यहाँ से देखिए एक एक करके हमारा ऑप्शन ऊपर आ रहा है, और यहाँ से अगर हम सेंड टू बैकवर्ड करेंगे तो एक एक करके यहाँ से ये पीछे जा रहा है। और अगर आप यहाँ से यूज़ करेंगे ब्रिंग टू फ्रंट तो आप देखेंगे एक बार में हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो इन सभी के ऊपर आ जाएगा। और अगर आप इसको एक बार में पीछे भेजना चाहते हैं तो यहाँ से आप सेंड टू बैक का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे आपका जो शेप था वो एक बार में सबसे पीछे चला जाएगा। इसके बाद आपको दिखाई देगा यहाँ पर बिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, यानी कि इसका यूज़ कैसे किया जाता है। ये टेक्स्ट के फ्रंट पर आएगा और ये टेक्स्ट के बैक में जाएगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से सबसे पहले बैक में कर देते हैं इसको, सेंड टू बिहाइंड टेक्स्ट जैसे टेक्स्ट हम यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे टेक्स्ट के पीछे चला गया। और अगर आप इसे टेक्स्ट के ऊपर लाना चाहते हैं तो वापस से इसको आपको क्या करना है, यहाँ से ब्रिंग टू फ्रंट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट के फ्रंट पर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इन सभी दोनों ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपको दिखाई देगा सिलेक्शन पेन का एक ऑप्शन, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी आपके शेप्स होंगे बेसिक शेप्स वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, उसकी आप यहाँ पर आइज बंद करके उसको हाइड यहाँ पर कर सकते हैं। और अगर आप एक साथ हाइड करना चाहें तो यहाँ से हाइड ऑल पर क्लिक करेंगे तो एक साथ आपकी सारी शेप्स हाइड हो जाएंगी, और अगर आप शो ऑल पर क्लिक करेंगे तो एक साथ आपकी सारी शेप्स यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप इन सभी ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका अलाइनमेंट का। तो अलाइनमेंट में आप लेफ्ट कर सकते हैं, इसको राइट कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं, टॉप कर सकते हैं, बॉटम कर सकते हैं, मिडल कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के अकॉर्डिंग, और अलाइनमेंट दे सकते हैं पेज मार्जिन के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से इन सभी ऑप्शंस का आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिखाई देगा ग्रुप का। ग्रुप का मतलब शिफ्ट के साथ, मान लीजिए हमने दोनों ऑप्शन को एक साथ सेलेक्ट किया और यहाँ से ग्रुप में जा करके जैसे हम इसे ग्रुप करेंगे तो ये दोनों शेप्स हमारी क्या हो जाएंगी, आपस में ग्रुप हो जाएंगी। इसके बाद अगर हम इसके अलावा इस शेप को भी इसमें ग्रुप करना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ हमें इसको भी सिलेक्ट करना है, और यहाँ से हम जा करके ग्रुप पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये भी हमारी ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यानी तीनों की तीनों शेप्स हमारी ग्रुप में ऐड हो जाएंगी। आप तीनों को एक साथ छोटा या बड़ा या एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इसे अनग्रुप करना चाहते हैं तो जैसे ही आप ग्रुप में जाके जैसे अनग्रुप करेंगे तो ये सारी की सारी शेप्स हमारी अनग्रुप हो जाएंगी। यहाँ पर आप देखेंगे ये भी अनग्रुप हो गया और ये भी अनग्रुप हो गया। तो इस तरीके से ये दोनों की दोनों शेप्स हमारी अनग्रुप हो जाएंगी। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर ये जो दोनों शेप्स थी वो एक बॉक्स में बंद हो गई, और ये वाली जो शेप थी हमारी वो बिल्कुल अलग हो गई। अगर आप इसको भी अनग्रुप करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको जा करके वापस से अनग्रुप ऑल करना होगा, तब जा करके आपकी ये शेप यहाँ से अनग्रुप होगी और यहाँ से अनग्रुप हो जाएगी। तो बेसिकली इस तरीके से इन सभी ऑप्शंस का आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो यहाँ से रोटेशन का यूज़ कर सकते हैं, जैसे 90 डिग्री, 80 डिग्री, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल पे फ्लिप करना चाहें तो यहाँ से आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं।
इसके बाद अगर आप चाहें तो यहाँ से साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना चाहें किसी भी शेप का, तो आप अपने हिसाब से साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं सेंटीमीटर में। जैसे मान लीजिए मैंने इसको 5 सेंटीमीटर कर दिया और इसको भी मैंने 5 सेंटीमीटर कर दिया, तो दोनों ही मेरा जो शेप था वो 5 सेंटीमीटर में यहाँ पर एडजस्ट हो गया। तो इस तरीके से आप किसी शेप को प्रॉपर एक साइज़ डिफाइन कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे ऑप्शन थे हमारे। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन की। यहाँ पर आपको दिखाई देगा चेंज शेप का एक ऑप्शन, यहाँ से आप चाहें तो अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हमारे पास ये शेप है और इस शेप के बजाय मुझे कोई दूसरी शेप यहाँ पर चाहिए, तो यहाँ से जैसे ही मैं दूसरी शेप यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे ये शेप हमारी चेंज हो जाएगी उस शेप के अंदर जो मैंने शेप वहाँ पर सेलेक्ट की थी। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिखाई देगा एडिट फ्रैप पॉइंट्स का। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने काफ़ी सारे पॉइंट नजर आ जाएंगे। आप अपनी शेप को यहाँ पर कन्वर्ट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे मान लीजिए हमने इसको यहाँ पर सेलेक्ट किया और इसको हमने यहाँ से नीचे की तरफ दबा दिया। इसके बाद आप इसके पॉइंट्स को उठा करके अपने हिसाब से शेप को एडजस्ट कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से कोई शेप अगर ड्रॉ करना चाहें तो यहाँ पर अपने हिसाब से इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो बहुत सारी शेप्स आप यहाँ पर चाहे अपने हिसाब से बना भी सकते हैं। तो इस तरीके से इन पॉइंट्स का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर रीरूट कनेक्टर का। तो इसके लिए हम चले जाते हैं वापस से इंसर्ट टैब के अंदर, यहाँ से चले जाते हैं शेप्स में और यहाँ सबसे नीचे आपको दिखाई देगा न्यू ड्राइंग कैनवस का एक ऑप्शन। इसको जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने एक रेक्टेंगल दिखाई देगा। इस रेक्टेंगल के अंदर हमें जो भी शेप्स लेनी है वो ड्रॉ करनी है। तो हम मान लीजिए यहाँ से कोई शेप इंसर्ट कर लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ से ले लिया एक रेक्टेंगल, रेक्टेंगल को हमने यहाँ से ड्रॉ कर लिया और उसके बाद यहाँ से हम कोई भी एरो यूज़ कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई भी शेप यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए हमने इस एरो को सिलेक्ट किया और यहाँ से इस एरो को हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद जो दोनों ही शेप्स होंगी वो आपके इस कैनवास के अंदर ही होनी चाहिए। और उसके बाद हम यूज़ करेंगे यहाँ पर कनेक्टर्स का। तो यहाँ से आप चले जाइए कनेक्टर्स पर, यहाँ पर डिफरेंट टाइप को आपको कनेक्टर नज़र आएंगे। तो मान लीजिए हमने इस वाले कनेक्टर को यहाँ पर सेलेक्ट किया और इस वाले कनेक्टर को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमने इस वाले कनेक्टर को यहाँ से हमने ऐड कर दिया इस वाले पॉइंट से। जैसे मान लीजिए हमने इस वाले पॉइंट से ऐड कर दिया। अब ये दोनों आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। अब मैं किसी एक बेसिक शेप को यहाँ पे मूव करूँगा तो कनेक्टर अपने आप यहाँ पे रीरूट चेंज होता चला जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने इसको यहाँ पर सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैं वापस से इस पर जाता हूँ और यहाँ से मैंने यूज़ किया रीरूट कनेक्टर का। तो जैसे हमने रीरूट कनेक्टर यूज़ किया तो अभी तो बेसिकली इसका यूज़ नहीं हुआ क्योंकि ये हमारा जो कनेक्टर है वो बेसिकली एक रूट में है। हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसके रूट को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और इसके बाद हम यहाँ पर यूज़ करते हैं रीरूट कनेक्टर का। जैसे हमने रीरूट कनेक्टर यूज़ किया आप देखेंगे हमारा जो रूट था यहाँ से चेंज हो गया। ये कनेक्टर हमारा पहले यहाँ से घूमकर ऐसे आ रहा था और अब देखिए नीचे से ये वापस कनेक्ट हो गया। तो इस तरीके से आप अपने इस रीरूट कनेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। आप जब भी रीरूट कनेक्टर पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक अपना रूट बदल लेगा और इसी बेसिक शेप के हिसाब से ये एडजस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप रीरूट कनेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन दिखाई देगा टेक्स्ट बॉक्स का। टेक्स्ट बॉक्स पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप एक बॉक्स ड्रॉ कर सकते हैं और उस बॉक्स के अंदर आप जो भी लिखना चाहें, जो भी राइट करना चाहें वो यहाँ पर ईजिली राइट कर सकते हैं। यानी पोएम वगैरह के लिए अगर आप कुछ यहाँ पर एक बॉक्स चाहते हैं और बॉक्स के अंदर आप यहाँ से चाहें तो डिफरेंट टाइप्स के आप इफेक्ट यूज़ कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से इफेक्ट का यूज़ कर सकते हैं जो मैंने आपको अभी रिसेंटली बताया। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली टेक्स्ट बॉक्स यूज़ कर सकते हैं जिसमें आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट ऑप्शन की तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा बेसिक शेप्स। तो बेसिक शेप में मैंने आपको बता दिया काफ़ी सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, इसमें से आप किसी भी शेप का यूज़ कर सकते हैं। एरोज़ का यूज़ कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए इसमें बहुत सारे एरोज़ हैं, इसमें से कोई भी एरो सेलेक्ट करके आप यहाँ पर उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपको दिखाई देगा यहाँ पर इक्वेशंस का एक ऑप्शन। तो इक्वेशंस में आपको प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन वगैरह दिखाई देगा, इसमें से भी आप कोई शेप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर दिखाई देगा नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर स्टार्स एंड बैनर्स का, इसमें से भी आप कोई स्टार या बैनर यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और स्टार बैनर यूज़ करके यहाँ पर उसे ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ नीचे की तरफ आपको दिखाई देगा क्लाउड्स, यहाँ पे क्लाउड्स का आप यूज़ कर सकते हैं और क्लाउड्स को यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। और इसके अंदर अभी अगर आप कुछ लिखना चाहें तो इसलिए आप इसमें टाइप कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस इसमें आपको दिखाई देंगे शेप्स के। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम एमएस वर्ड के एक बेहतरीन फीचर के बारे में बात करने वाले हैं। तो बेसिकली आइकन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि आपका डायलॉग बॉक्स तभी ओपन होगा जब आपके सिस्टम में इंटरनेट कनेक्ट होगा। तो सबसे पहले आपको अपने सिस्टम में इंटरनेट कनेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको आइकन पर क्लिक करना है। आप आइकन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर काफ़ी सारे आइकन्स यहाँ पे देखेंगे रिप्रेजेंट हो जाएंगे। बेसिकली यहाँ पर आपको काफ़ी सारी कैटेगरीज दी गई हैं जिसमें से आप अपने हिसाब से जिस कैटेगरी के आइकन को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, जिस कैटेगरी के आइकन को देखना चाहते हैं उस कैटेगरी पर आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले आपके सामने एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी पे आप देखेंगे एक्सेसिबिलिटी के आपके आइकन्स यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहे हैं।
इसके बाद है एनालिटिक्स, यहाँ पर आप एनालिटिक्स के रिलेटेड आप यहाँ पर आइकन देख सकते हैं। इसके बाद एनिमल्स, आप यहाँ पर एनिमल्स से रिलेटेड यहाँ पर आइकन्स देख सकते हैं। उसी तरीके से आपको यहाँ पर काफ़ी सारी कैटेगरीज मिलेगी जिसमें आप जाकर के किसी भी कैटेगरी को क्लिक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ बॉडी पार्ट हो गया, बिजनेस हो गया, सेलिब्रेशन हो गया, कॉमर्स हो गया। इसके नीचे आते जाएंगे तो आपको काफ़ी सारी यहाँ पर टेक्नोलॉजीज़ वगैरह की मिल जाएंगे आइकन्स, टूल्स बिल्डिंग्स के मिल जाएंगे, व्हीकल्स के मिल जाएंगे। तो बेसिकली हम लोग स्पोर्ट्स पर क्लिक करते हैं, स्पोर्ट्स पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ से कोई आइकन सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए हमने इस वाले आइकन को यहाँ पर सेलेक्ट किया और यहाँ पर इंसर्ट वाले बटन पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे वो आइकन आपका यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। जैसे आप इस आइकन को यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर ग्राफिक शेप के नाम से एक नया टैब खुल जाएगा। कुछ ऑप्शंस को मैं पिछली वीडियो में कवर कर चुका हूँ, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर एक्सबिटी का ऑप्शन हो गया, अरेंज हो गया, साइज हो गया, इन सभी ऑप्शन को मैंने पिछली वीडियो में कवर कर रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आई बटन पर आपको वो लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाकर के आप इस वीडियो को देख सकते हैं, इन सभी ऑप्शन के बारे में वहाँ से सीख सकते हैं। तो फिलहाल हम इस वीडियो में इतने ही ऑप्शंस की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखाई देगा चेंज ग्राफिक का। अगर आप इस ग्राफिक को चेंज करना चाहते हैं तो आपको चेंज ग्राफिक पर क्लिक करना होगा। आपको यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस नजर आएंगे जिसमें से आपके पास सबसे पहला ऑप्शन होगा दिस डिवाइस का। दिस डिवाइस का मतलब है कि आपके सिस्टम में ही कहीं पर आपके पास आइकन्स रखे हुए हैं, आप इस पर क्लिक करके यहाँ से आइकन को इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर फ्रॉम ऑनलाइन स्पोर्ट्स सोर्स पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर काफ़ी सारी इमेजेस रिप्रेजेंट हो जाएंगी। इसमें से कोई इमेज आप चाहें तो सिलेक्ट करके उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से एक इमेज को सिलेक्ट किया और यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से किसी भी इमेज को सिलेक्ट करके इंसर्ट कर लेते हैं तो आप देखेंगे वो हमारी जो यहाँ पर आइकन आया हुआ है उस आइकन को रिप्लेस करके इमेज रिप्रेजेंट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम कंट्रोल जेड करके वापस से पीछे चले जाते हैं और यहाँ से आप देखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन आपका आएगा फ्रॉम आइकन्स का। यहाँ से आप चाहें तो दूसरे आइकन्स को यहाँ पे एक्सचेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसी आइकन को यहाँ पे रहने देते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे एक ऑप्शन आपके सामने और नज़र आएगा कन्वर्ट टू शेप का। आप चाहें तो इस आइकन को एक शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका ये जो आइकन था वो बेसिकली एक शेप बन चुका है। इस पर डबल क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पर देखिए शेप फॉर्मेट का ऑप्शन खुल गया, आप ग्राफिक वाला ऑप्शन यहाँ से गायब हो चुका है। तो इसे हम फिर से कंट्रोल जेड करके वापस से बैक कर देते हैं और ग्राफिक वाले ऑप्शन पर फिर से चले जाते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने ग्राफिक स्टाइल नज़र आएगा। इस ग्राफिक स्टाइल पर क्लिक करके आप इसकी थीम को चेंज कर सकते हैं, यहाँ से कलर्स चेंज कर सकते हैं। तो जो भी कलर आपको यहाँ पर चाहिए वो कलर यहाँ पर इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर ग्राफिक फिल का एक ऑप्शन नज़र आएगा आपके सामने। इन ग्राफिक फिल में आप जाएं तो यहाँ से कलर्स को चेंज कर सकते हैं। नो फिल करेंगे तो इसमें कोई भी कलर आपका फिल नहीं होगा। यहाँ पर आप देखेंगे मोर फिल कलर्स का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप अपने हिसाब से कोई भी कलर यहाँ पर बनाना चाहें तो सिलेक्ट करके आप उसे इजिली यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन आपका है ग्राफिक आउटलाइन का। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप इसकी आउटलाइन में जो भी कलर है वो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर नो आउटलाइन करेंगे तो इसकी आउटलाइन यहाँ से गायब हो जाएगी। मोर आउटलाइन कलर्स का अगर आप यूज़ करेंगे तो यहाँ से भी आप आउटलाइन का कलर खुद से क्रिएट कर सकते हैं। आप यहाँ से उसकी विथ को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, यहाँ से आप डैशेज को मैनेज कर सकते हैं। तो बहुत सारे इफेक्ट हैं, आप इसमें से इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर और भी ऑप्शंस हैं ग्राफिक इफेक्ट के, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है प्रेजेंट। इस पर क्लिक करके आप यहाँ से इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट दे सकते हैं इस आइकन के ऊपर, या आप चाहें तो शेडो दे सकते हैं। यहाँ से देखिए डिफरेंट टाइप्स की आपको शेडोज़ नज़र आएंगी, या रिफ्लेक्शन दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए रिफ्लेक्शन आपका दिखाई दे रहा है और इसी तरीके से आप चाहें तो ग्लोइंग वगैरह भी आप इसके अंदर दे सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेंगे, उसका आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे बिबल का भी ऑप्शन है, सॉफ्ट एज का भी ऑप्शन है, 3D रोटेशन का भी ऑप्शन है। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, इसमें से आप किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट करके इसमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे इफेक्ट का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया ऑल टेक्स्ट के बारे में और इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है, फिर भी मैं ऊपर ऊपर से आपको एक बार गाइड कर दे रहा हूँ कि इन सभी ऑप्शन में क्या क्या चीज़ें हैं। अल्टरनेटिव टेक्स्ट पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप कोई भी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं इस ऑब्जेक्ट के बारे में। जो भी आप यहाँ पर लिखेंगे वो ऑब्जेक्ट के बारे में यहाँ पर सेव हो जाएगा और जब भी आप अल्टरनेटिव टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो वापस से वही डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगी। दूसरा आप देखेंगे पोजिशन का ऑप्शन है, पोजिशन में आप अपने हिसाब से इसको पेज के जिस पोजिशन में रखना चाहें उस पोजिशन पर इस ऑब्जेक्ट को सेट कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर टेक्स्ट रैपिंग का एक ऑप्शन है, यहाँ से आप अपने टेक्स्ट को रैपिंग करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर कोई पैराग्राफ इंसर्ट कर लेते हैं, हमने पैराग्राफ यहाँ पे इंसर्ट कर लिया मान लीजिए, और पैराग्राफ को इंसर्ट करने के बाद यहाँ से आप अपने ऑब्जेक्ट को अपने हिसाब से यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर सबसे पहले लिया लाइन विद टेक्स्ट, इस पर जैसे ही हमने क्लिक किया तो यहाँ पर आप देखेंगे लाइन की स्टार्टिंग से ही आपका टेक्स्ट यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। इसके अलावा आप देखेंगे और भी काफ़ी सारे रैपिंग्स हैं, जैसे स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायरली एडजस्ट हो जाएगा, ये टाइटली एडजस्ट हो जाएगा, थ्रो वाइज एडजस्ट हो जाएगा, टॉप एंड बॉटम पे एडजस्ट हो जाएगा, बिहाइंड टेक्स्ट टेक्स्ट के पीछे चला जाएगा, इन फ्रंट
फ्रंट ऑफ टेक्स्ट के ऊपर चला जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर एडिट रैप पॉइंट्स के भी ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देंगे आपको। तो ये ऑप्शन तब काम करेंगे जब आपका ये ऑब्जेक्ट शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे ही आप शेप में इसे कन्वर्ट करके इन ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने ब्रिंग टू फ्रंट सेंड टू बैक का भी एक ऑप्शन है। ये ऑप्शन आपके तब काम करेंगे जब आपके पास दो ऑब्जेक्ट होंगे, यानी एक और ऑब्जेक्ट को आपको यहाँ पर इंसर्ट करना होगा और इसकी मदद से आप ऑब्जेक्ट को आगे या पीछे कर सकते हैं। तो बेसिकली ये सभी ऑप्शन इसलिए काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बेसिकली एक ग्राफिक है। तो हम इसे जैसे ही कन्वर्ट टू शेप पर क्लिक करेंगे तो ये सभी ऑप्शन आप देखेंगे यहाँ पर हाईलाइट होंगे। जैसे आप आईज को बंद करेंगे, यहाँ से आईज को ऑफ करेंगे, तो ये सभी ऑब्जेक्ट यहाँ से हाइड हो जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से आप इसका यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। तो बेसिकली बाकी के ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन आपका है ब्रिंग टू फ्रंट सेंड टू बैक, ये भी आपका हाईलाइट हो गया। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट ऑप्शन की, तो यहाँ से आप अलाइन लेफ्ट राइट सेंटर अपने ऑब्जेक्ट को जिस भी पोजीशन में यहाँ पे सेट करना चाहें उन सभी का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो यहाँ से साइज को इसके इंक्रीज या डिक्रीज यहाँ पे कर सकते हैं। तो हम वापस से इन सभी ऑप्शंस को यहाँ से क्लियर करते हैं और फिर से एक नया आइकन यहाँ पे क्रिएट करते हैं। इंसर्ट में गए हम फिर से और फिर से हमने यहाँ पर आइकन्स पे क्लिक किया और एक आइकन्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हम किसी भी आइकन को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया इस वाले आइकन को और यहाँ पर हमने कर दिया वापस से इंसर्ट। इंसर्ट करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने फिर से वही ऑप्शंस रिप्रेजेंट हो गए। यहाँ से आप देख सकते हैं लेफ्ट राइट सेंटर अलाइनमेंट यहाँ पे दे सकते हैं इसको ऑब्जेक्ट को, जहाँ भी आप चाहें उसको यहाँ पे सेट कर सकते हैं टॉप बॉटम लेफ्ट राइट में। इसके अलावा अगर आप देखते हैं ग्रुप का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा। अगर आप ग्रुपिंग करना चाहते हैं तो आपको इंसर्ट टैब में वापस से जाना होगा और यहाँ से आपको वापस से आइकन्स पर क्लिक करना होगा और यहाँ से आपको कोई दूसरी शेप ले लेनी है। जैसे मान लीजिए हमने इस शेप को सिलेक्ट करके यहाँ पे इंसर्ट कर दिया तो हमारे सामने यहाँ पर दो शेप्स आ गई हैं। इन दोनों शेप्स को अगर मुझे ग्रुप करना है तो शिफ्ट के साथ मुझे इन दोनों ऑब्जेक्ट को एक साथ सिलेक्ट करना होगा और ग्रुप में जाकर के जैसे ही मैं ग्रुप कर दूंगा तो ये दोनों ऑब्जेक्ट आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। और वापस से अगर आप इसे अनग्रुप करेंगे तो ये वापस से अलग अलग हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप इस ग्रुप और अनग्रुप ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रोटेशन का यूज़ करना चाहें तो यहाँ से इसे रोटेट भी कर सकते हैं। जिस डिग्री पर वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल फ्लिप करना चाहें आप अपने हिसाब से यहाँ पे रोटेशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप क्रॉपिंग का यूज़ करना चाहें तो यहाँ पे क्रॉप कर सकते हैं इमेज को। क्रॉप जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने चारों तरफ एक एंगल दिखाई देगा। इस एंगल को जैसे ही आप खींचेंगे तो उतना एंगल आपका क्रॉप हो जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ से क्रॉपिंग शेप्स के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको कंट्रोल जेड करके पीछे कर देते हैं और उसके बाद हम वापस से इसको सेलेक्ट करते हैं। क्रॉपिंग में वापस से जाते हैं और शेप में जाने के बाद क्रॉप टू शेप को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप कोई भी शेप सेलेक्ट करते हैं तो उसी शेप में आपकी ये ऑब्जेक्ट क्रॉप हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कोई दूसरा शेप ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ये वाला आइकन शेप ले लिया और उसी आइकन में आप देखेंगे आपकी जो शेप थी क्रॉप हो चुकी है। तो इस तरीके से आप क्रॉपिंग भी कर सकते हैं और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे एस्पेक्ट रेटियो का यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो काफ़ी सारे आपको ऑप्शन दिखाई देंगे जिसमें आप पोर्ट्रेट या हॉरिजॉन्टल लैंडस्केप में आप अपने हिसाब से इसको क्रॉप कर सकते हैं। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे उतनी एरिया आपका यहाँ पे क्रॉप हो जाएगा। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं क्रॉपिंग करने के। यहाँ से आप अपने हिसाब से जैसा भी क्रॉप करना चाहें इसको उस हिसाब से यहाँ पे क्रॉप कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर आपका हाइट और विथ का ऑप्शन है। यहाँ से आप चाहें तो इसे हाइट और विथ को भी अपने हिसाब से यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर हमारे सामने एक मॉडल नज़र आ रहा है जिसमें बेसिकली एनिमेटेड डॉग आपको दिखाई दे रहा है। इस तरीके का अगर आपको और भी कोई मॉडल इंसर्ट करना है तो आप इजिली एमएस वर्ड में इंसर्ट टैब से 3D मॉडल वाले ऑप्शन से इंसर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम इन सभी डेटा को यहाँ से डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद यहाँ से हम चले जाते हैं 3D मॉडल्स वाले ऑप्शन पर। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने दो ऑप्शंस यहाँ पे नज़र आएंगे। सबसे पहला ऑप्शन आपका होगा दिस डिवाइस। अगर आप अपने सिस्टम में से कहीं से कोई मॉडल इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्लिक करके अपने सिस्टम में से कोई मॉडल इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरीके का कोई 3D मॉडल है तो आप यहाँ से आप इजीली उसे इंसर्ट कर सकते हैं। हमारे पास इस तरीके का 3D मॉडल यहाँ पर नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम इसे ऑनलाइन इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम जाएंगे स्टॉक पर। स्टॉक 3D मॉडल पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे सामने ऑनलाइन 3D मॉडल्स का एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा और इसके अंदर आपको काफ़ी सारे मॉडल्स यहाँ पे नज़र आएंगे जिसमें से आप किसी भी मॉडल का चयन करके आप यहाँ पे उसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम इसमें से यहाँ एनिमल्स पर जाते हैं और एनिमल्स पर क्लिक करते हैं। इस कैटेगरी पर जैसे ही क्लिक किया हमने तो आप देखेंगे यहाँ पर काफ़ी सारे एनिमल्स आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएंगे जिसमें से आप कोई भी एनिमल यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। हम इनमें से इस वाले 3D मॉडल का यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हम इसे इंसर्ट कर देते हैं। जैसे ही हम इसे इंसर्ट करेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और उसके बाद वो 3D मॉडल हमारे MS वर्ड में यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। तो आप देखेंगे 3D मॉडल हमारे यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है। इसमें दो टाइप के आपको मॉडल्स मिलते हैं जिसमें एक मॉडल आपको दिखाई दे रहा है जो विदाउट एनिमेटेड होता है,
सिर्फ एज ए इमेज होता है, उसको आप अपने हिसाब से रोटेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से पकड़ करके इसको घुमाना चाहेंगे तो यहाँ से आप इसे इजीली मूव कर सकते हैं। तो इसे जिस भी एंगल में आप घुमाना चाहें उस एंगल में आप अपने हिसाब से इसको रोटेट कर सकते हैं। इसको जितना जूम करना चाहें उतना जूम भी कर सकते हैं, जितना बड़ा करना चाहें उतना बड़ा भी कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से इस 3D मॉडल को जहाँ पर भी एडजस्ट करना चाहें वहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एनिमेटेड 3D मॉडल चाहते हैं तो उसके लिए आपको वापस से इसी 3D मॉडल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, स्टॉक पर क्लिक करना होगा, आपको एनिमल्स पर जाना होगा और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे एनिमल्स जो कि 3D मॉडल में आपको दिखाई देंगे। मैं थोड़ा सा जूम करके इसको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे जो भी एनिमेटेड वाला आइकन होगा उस आइकन के आगे ये कॉर्नर आपको दिखाई देगा। इस कॉर्नर में आपको दिखाई देगा रनिंग का एक ऑप्शन दिखाई देगा। इसका मतलब ये है कि ये जितनी भी आपके इमेजेस हैं वो रनिंग वाली है, यानी कि वो एनिमेटेड वाली हैं। तो यानी कि इनमें से अगर आप कोई भी मॉडल सेलेक्ट करते हैं तो वो रनिंग वाली एनिमेटेड वीडियोस होती हैं। तो इसके बाद हम इनमें से किसी भी एक 3D मॉडल को सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इस वाली वीडियो को सेलेक्ट किया और यहाँ से हम इसे इंसर्ट कर लेते हैं। ये भी थोड़ा सा समय लेगा इंसर्ट होने में और उसके बाद ये हमारे सामने यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे सामने ये दोनों के दोनों मॉडल्स यहाँ पे रिप्रेजेंट हो चुके हैं, क्योंकि मैंने दो मॉडल्स को यहाँ पे सेलेक्ट किया था। आप देखेंगे ये भी मॉडल हमारा रिप्रेजेंट हो गया और ये भी मॉडल हमारा यहाँ पर रिप्रेजेंट हो चुका है। तो इस तरीके से आप इन सभी 3D मॉडल्स को यहाँ पर ईजिली इंसर्ट कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से इन मॉडल्स को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही आपको बहुत सारे एनिमल्स यहाँ पर दिखाई देंगे, ऐसे ही आपको बहुत सारी कैटेगरीज यहाँ पर दिखाई देंगी जिसका यूज़ आप MS Word में किसी डॉक्यूमेंट को बनाने में कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे हम इस किसी मॉडल्स को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाते हैं, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है 3D मॉडल्स का, जो ऑप्शन मैंने आपको अभी रिसेंटली बताया। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे एक और ऑप्शन आपका आएगा रिसेट 3D मॉडल का। अगर मान लीजिए हम इसको किसी भी एंगल में रोटेट कर देते हैं और मैं इसको जूम कर देता हूँ किसी तरीके से या उसका साइज़ छोटा कर देता हूँ अपने हिसाब से और इसे मुझे रिसेट करना है, तो जैसे ही मैं 3D मॉडल्स पर क्लिक करूँगा तो ये क्या होगा, वापस से रिसेट हो जाएगा। और यहाँ पर मैं रिसेट 3D मॉडल एंड साइज़ पे क्लिक करूँगा तो ये वापस से अपने ही साइज़ में रिसेट हो जाएगा जिस साइज़ में ये इंसर्ट हुआ था। और उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे काफ़ी सारे एंगल्स हैं, आप इसमें से कोई भी एंगल सेलेक्ट करके आप इसकी पोजीशन को यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। जिस भी पोजीशन पर आप इसे रखना चाहें उस पोजीशन पर आप इसे ईजिली यहाँ पर मेनटेन कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने एक्सेसिबिलिटी, अरेंज और साइज़ वगैरह के ऑप्शन नज़र आएंगे। बेसिकली इन सभी ऑप्शंस के बारे में मैं पिछली दो वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपको वीडियो देखनी है तो मैं आई बटन पर उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। और इसके बाद इसमें मैं कुछ ऑप्शंस को यहाँ पर आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए हम पोजीशन की अगर हम बात करें तो पोजीशन के हिसाब से आप अपने ऑब्जेक्ट को जिस भी पोजीशन पर रखना चाहें उस पोजीशन पर यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। रैपिंग की अगर हम बात करें तो जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट ले लेते हैं, हम रैंड कमांड चला करके कोई भी टेक्स्ट यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं और उसके बाद हम चाहते हैं कि हमारा जो भी 3D मॉडल है वो इस टेक्स्ट के हिसाब से एडजस्ट हो जाए, तो उसके लिए हम 3D मॉडल्स पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे 3D मॉडल का एक नया टैब खुल जाएगा और उसके अंदर आपको जाना होगा टेक्स्ट रैपिंग पर। और यहाँ पर आप इनमें से काफ़ी सारे रैपिंग्स आपको दिखाई देंगे जिनकी मदद से आप अपने टेक्स्ट को रैपिंग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर टाइटली यूज़ करते हैं, तो टाइटली यूज़ करने में क्या होगा, हम जहाँ भी टेक्स्ट को मूव कराएंगे वो हमारा ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता चला जाएगा। इसी तरीके से आप इस पर क्लिक करके इसकी रैपिंग कर सकते हैं, यहाँ से टाइटली एडजस्ट कर सकते हैं और उसी तरीके से इस पर क्लिक करके यहाँ पर भी आप इसे टाइटली एडजस्ट कर सकते हैं या फिर स्क्वायरली एडजस्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप इसे जहाँ भी मूव करेंगे ये ऑटोमेटिक टेक्स्ट के हिसाब से यहाँ पर मैनेज होता चला जाएगा। तो आप देखेंगे ये हमारा बहुत ही आसानी से टेक्स्ट हमारा मैनेज हो गया। इसके अलावा इन मॉडल्स को अगर आप घुमाना चाहें तो यहाँ पर बीच में आ करके आप इसे जिस भी एंगल पर घुमाना चाहें उस एंगल पर आप इसे भी ईजिली आप अपने हिसाब से मूव करा सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे 3D मॉड्यूल्स के काफ़ी सारे ऑप्शंस। अगर आप देखेंगे यहाँ पर हमने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है बेसिकली स्मार्ट आर्ट की मदद से, जिसकी मदद से आप किसी भी टॉपिक को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ही आप स्मार्ट आर्ट पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, यानी काफ़ी सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे जिसकी मदद से आप अपने किसी भी टॉपिक को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर लिस्ट की। अगर आप लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे स्ट्रक्चर मिलेंगे लिस्ट के, जिसमें आप किसी भी टॉपिक को लिस्ट वाइज रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जैसे क्लिक करेंगे प्रोसेस के ऊपर तो इसके अंदर आप प्रोसेस का स्ट्रक्चर बता सकते हैं कि अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं तो आप अपने प्रोडक्शन को इस डाटा के थ्रू यहाँ पर बता सकते हैं कि वो प्रोडक्शन आपका किस तरीके से किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर अगर हम सर्कल की बात करें तो यहाँ पर सर्कल वाइज आप किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे सर्कल में दिखाया गया है कि आप
पहले ये वाला प्रोसेस करते हैं, फिर ये करते हैं, फिर ये करते हैं, फिर ये करते हैं और फिर ये करते हैं। तो इस तरीके का कोई प्रोसेस अगर आपको दिखाना है तो आप इस ग्राफिक की मदद से इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें हिराची की, तो हिराची पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा स्ट्रक्चर है। बेसिकली आप इस तरीके से कोई भी स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि सबसे ऊपर कोई मेन पर्सन है, उसके नीचे सेकंड पर्सन है और उसके नीचे थर्ड तीन पर्सन वर्क करते हैं। तो इस तरीके से अगर आप कोई डेटा रिप्रेजेंट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अपने टेंसेस को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे टेंसेस का टॉपिक हमारा ये रहा और उसके बाद आप बाकी तीनों टेंसेस को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को। इसी तरीके से अगर हम बात करें रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में आपको काफ़ी सारे स्ट्रक्चर मिलेंगे जिसमें आप किसी भी डेटा को रिलेशन दिखा सकते हैं, यानी किसी भी टॉपिक को रिप्रेजेंट कर सकते हैं सर्कुलेशन की मदद से। इसके बाद यहाँ पर अगर हम मैट्रिक्स की बात करें तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे मैट्रिक्स के ऑप्शन दिखाई देंगे जिसकी मदद से आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन को भी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके सामने है पिरामिड्स। आप चाहें तो पिरामिड्स की मदद से भी किसी डेटा को दिखा सकते हैं कि सबसे पहले हमारा जो स्ट्रक्चर था वो ये था, उसके बाद इतना हुआ, उसके बाद इतना हुआ। तो यानी इस तरीके से आप किसी ग्रोथ को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप चाहें तो पिक्चर के माध्यम से भी आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप यहाँ पर कोई भी पिक्चर सेलेक्ट करके उस पिक्चर के माध्यम से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी टॉपिक को। और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर नीचे आपको office.com दिखाई देगा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने मिक्स स्ट्रक्चर दिखाई देगा जिसमें से आप किसी भी स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करके आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली बहुत सारे ग्राफिक्स के ऑप्शंस हैं जिसका यूज़ किया जाता है किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो दोस्तों इसका यूज़ कैसे किया जाता है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस डेटा को पूरे को क्लियर कर लेते हैं। तो इसके लिए हम चले जाते हैं इंसर्ट टैब के ऊपर, यहाँ से चले जाते हैं स्मार्ट आर्ट ऑप्शन पर। स्मार्ट आर्ट ऑप्शन पर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम चले जाते हैं एचआरजी वाले ऑप्शन पर और यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं कोई भी एक फॉर्मेट। हमने एक फॉर्मेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर कर दिया हमने ओके। ओके प्रेस करने के बाद आप देखेंगे हमारे सामने यहाँ पर ब्लैंक स्ट्रक्चर यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। आप चाहें तो इस टॉपिक को यहाँ पर क्लिक करके आप जो भी टॉपिक बनाना चाहें वो अपने हिसाब से बना सकते हैं। हम बेसिकली क्या करेंगे, पूरे डेटा को एक साथ क्लियर करेंगे और क्लियर करने के बाद हम स्ट्रक्चर को फिर से क्रिएट करेंगे। तो हम यहाँ से अपने कीबोर्ड से बैकस्पेस बटन दबाएंगे तो आप देखेंगे हमारा सारा डेटा यहाँ से क्लियर होता चला जाएगा। अब यहाँ पर आप फर्स्ट टॉपिक लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर लिख देते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर लिखने के बाद अब हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया तो आप देखेंगे हमारा इसके बगल में एक और बॉक्स यहाँ पर रिप्रेजेंट हो गया और ये बॉक्स मैं चाहता हूँ कि इसका पार्ट बन जाए, यानी इसका असिस्टेंट बन जाए। तो उसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना होगा टैब की बटन। जैसे ही आप टैब की बटन प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे इसका असिस्टेंट बनकर क्रिएट हो चुका है। अब कंप्यूटर का यहाँ पर आप पार्ट लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिख दिया हार्डवेयर। हार्डवेयर लिखने के बाद अब यहाँ पर मुझे एक और शेप रिप्रेजेंट करानी है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर फिर से एंटर प्रेस करूँगा। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया आप देखेंगे यहाँ पर हार्डवेयर का दूसरा पार्ट यहाँ पे आपके सामने रिप्रेजेंट हो गया और यहाँ पर आप दूसरा पार्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिख दिया सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर लिखने के बाद अब हम चाहते हैं हार्डवेयर के दो पार्ट को और रिप्रेजेंट करना, तो आपको हार्डवेयर पर वापस से जाना होगा और यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा एड शेप बिलो का। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इसका एक स्ट्रक्चर यहाँ पर क्रिएट हो गया, यानी हार्डवेयर का एक स्ट्रक्चर यहाँ पर क्रिएट हो गया। और इसके बाद आप यहाँ पर इसका पार्ट लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हार्डवेयर का पार्ट हमने दे दिया कीबोर्ड और उसके बाद इसके साथ ही मुझे एक और पार्ट क्रिएट करना है और इसके बाद मैं चाहता हूँ कि हार्डवेयर का एक पार्ट और यहाँ पर क्रिएट करना, तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ से वापस से इसी ऑप्शन पर जाना होगा और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा एड शेप आफ्टर। जैसे मैंने ऐड शेप आफ्टर पर क्लिक किया तो आप देखेंगे हार्डवेयर का एक और पार्ट यहाँ पे इंसर्ट हो गया और अब आप यहाँ पर क्लिक करके दूसरे पार्ट का नाम दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने दे दिया माउस और उसके बाद सेम इसी तरीके से सॉफ्टवेयर का भी आप पार्ट क्रिएट कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर को यहाँ पे सेलेक्ट करना है, आपको एड शेप पर जाना है और यहाँ पर यूज़ करना है एड शेप बिलो। एड शेप बिलो यूज़ करने के बाद यहाँ पर आप सॉफ्टवेयर का एक पार्ट दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने दे दिया एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस देने के बाद एक पार्ट और आपको क्रिएट करना है सॉफ्टवेयर का, तो आपको एमएस ऑफिस को सेलेक्ट करके रखना है और यहाँ से आपको जाने के बाद यहाँ पर एड शेप आफ्टर पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो सॉफ्टवेयर का एक और पार्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा जिसका हम नाम दे देते हैं यहाँ पे टेली। तो इस तरीके से आप अपने स्ट्रक्चर को यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। जितना भी बड़ा स्ट्रक्चर आप बनाना चाहें उस स्ट्रक्चर को आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमारे सामने एक स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन के नाम से एक टैब खुल जाएगा जिसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, जो कि मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर आपके सामने सबसे पहला ऑप्शन है एड शेप आफ्टर, यानी आप
इसका अगर यूज़ करना चाहते हैं तो इसके आफ्टर आप इसका यूज़ कर सकते हैं। बिफोर, अगर आप बिफोर यूज़ करना चाहें तो इसके बिफोर यानी इससे पहले आपका इंसर्ट हो जाएगा। अगर आप अबव यूज़ करना चाहते हैं तो इसके ऊपर इंसर्ट होगा। बिलो करना चाहते हैं तो बिलो यानी नीचे की तरफ इसके इंसर्ट होगा। तो इस तरीके से आप काफ़ी सारी शेप्स को यहाँ पे ऐसे यूज़ कर सकते हैं। एड असिस्टेंट की अगर हम बात करें तो आप यहाँ से किसी भी स्ट्रक्चर का असिस्टेंट यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं इसकी मदद से। तो इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे टेक्स्ट पैन का एक ऑप्शन है। इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो टेक्स्ट पैनल था वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इसके वापस हम क्लिक करेंगे तो ये वापस से हमारे सामने रिप्रेजेंट हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे हमारे सामने यहाँ पर प्रमोट और डिमोट का भी ऑप्शन रिप्रेजेंट हो रहा है। अगर आप यहाँ पर प्रमोट पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे वो जो हार्डवेयर का पार्ट था वो वापस से प्रमोट हो गया, और यहाँ से डिमोट करेंगे तो वापस से ये डिमोट होकर के इन सब का पार्ट बन जाएगा। इसी तरीके से अगर आप इसे लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट एडजस्ट करना चाहें तो यहाँ से आप लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट भी डेटा को एडजस्ट कर सकते हैं। मूव अप और मूव डाउन करना चाहें तो यहाँ से मूव अप और मूव डाउन भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देंगे जिसमें से आप इसे अपने हिसाब से जिस भी एंगल में एडजस्ट करना चाहें उस एंगल में यहाँ पे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारे कलर्स दिखाई देंगे जिसमें से आप किसी भी कलर को यूज़ करके आप अपने डेटा को यहाँ पर अट्रैक्टिव बना सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर कुछ 3D के ऑप्शंस नज़र आएंगे जिस ऑप्शन का यूज़ करके भी आप अपने स्मार्ट आर्ट को एक अट्रैक्टिव इफेक्ट दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप इन सभी ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक और ऑप्शन आपके सामने रिप्रेजेंट होगा फॉर्मेट का। फॉर्मेट में आप देखेंगे आपके सामने सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा चेंज शेप का। अगर आप चाहते हैं कि इसकी जो शेप है उसको आप अपने हिसाब से किसी और एंगल में चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने काफ़ी सारे यहाँ पर शेप्स नज़र आएंगे जिसमें से किसी भी शेप को यहाँ पर सेलेक्ट करके आप उसको उसी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारी शेप्स आपको दिखाई देंगी, जिस भी शेप पर आप क्लिक करेंगे आपका डेटा उसी शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने लार्ज का एक ऑप्शन है। लार्ज वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका डेटा यहाँ पे लार्ज होता चला जाएगा, और जैसे ही आप स्मॉलेस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका डेटा यहाँ पे स्मॉलेस्ट पे एडजस्ट हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जिसमें आप अपनी जो भी स्ट्रक्चर है उसके थीम के कलर को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा फिल का एक ऑप्शन। फिल में जाकर के आप अपने हिसाब से जो भी कलर इसमें देना चाहें वो कलर यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे मोर कलर्स का एक ऑप्शन आपके सामने नज़र आएगा। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप अपने हिसाब से जिस भी कलर को मैनेज करना चाहें यानी खुद से कोई कलर बनाना चाहें तो आप यहाँ पर इसे बना सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे इसके नीचे एक और ऑप्शन आपके सामने नज़र आएगा पिक्चर्स का। पिक्चर्स को सेलेक्ट करके आप यहाँ से कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे हम ऑनलाइन पिक्चर पर क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन यहाँ पर जितनी भी पिक्चर्स दिखाई देंगी इसमें से किसी भी पिक्चर को सेलेक्ट करके आप चाहें तो उस शेप के अंदर इसको इंसर्ट कर सकते हैं उस कलर्स की जगह पे। मान लीजिए हमने इस पिक्चर को यहाँ पे सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमने इसको इंसर्ट कर दिया। जैसे हमने इसको इंसर्ट किया तो आप देखेंगे उसकी जगह पर यहाँ पर हमारे सामने कलर्स की जगह पर पिक्चर इंसर्ट हो चुकी है। हम वापस से कंट्रोल जेड करके बैक चले जाते हैं और फिर से चले जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर, ग्रेडियंट पर। ग्रेडियंट पर जाने के बाद आप देखेंगे आपके सामने ग्रेडियंट्स के काफ़ी सारे इफेक्ट दिखाई देंगे जिसमें से आप किसी भी इफेक्ट को सेलेक्ट करके आप अपने ऑब्जेक्ट को काफ़ी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने टेक्सचर्स का एक ऑप्शन दिखाई देगा जिसमें से आप किसी भी टेक्सचर को सेलेक्ट करके आप अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं। हम वापस से कंट्रोल जेड करके पीछे चले जाते हैं और अब आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने शेप आउटलाइन का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा। आउटलाइन के कलर को आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इस कलर को यहाँ पर सेलेक्ट किया तो आप देखेंगे इसके आउटलाइन का जो कलर था वो यहाँ पर चेंज हो चुका है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने नो आउटलाइन का एक ऑप्शन है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो जो भी आउटलाइन का कलर था वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने विथ का भी एक ऑप्शन है। मोर आउटलाइन कलर्स पे जाकर के यहाँ से आप कलर्स को बना सकते हैं। कस्टम में जाकर के अपने हिसाब से कोई कलर बना सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया था। इसके अलावा आप देखेंगे और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर वापस से चले जाते हैं फॉर्मेट वाले टैब पर और यहाँ पर हम यूज़ करते हैं विथ के साइज़ को। आप यहाँ से अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, जितना भी मोटा जितना भी पतला करना हो आप अपने हिसाब से यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। आप इसे डैशेस में कन्वर्ट करना चाहें तो यहाँ से डैशेस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अब आपको दिखाई देगा यहाँ पर वर्ड आर्ट का एक ऑप्शन। वर्ड आर्ट के ऑप्शन की मदद से आप अपने टेक्स्ट को काफ़ी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। आप देखेंगे आपका जो टेक्स्ट था वो काफ़ी अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा है आपको। इसके बाद हम कंट्रोल जेड करके वापस से पीछे चले जाते हैं और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर टेक्स्ट फिल का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा जिसमें से आप अपने टेक्स्ट को किसी भी कलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सेम वही ऑप्शन आपको फिर से नजर आ रहे हैं जिसमें मोर कलर्स के ऑप्शंस हैं, पिक्चर्स के ऑप्शन है, ग्रेडियंट्स के ऑप्शन है या टेक्स्चर्स के ऑप्शन हैं। इसमें से आप किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट करके अपने टेक्स्ट में उसी का इफेक्ट यहाँ पे दे सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिखाई देगा आउटलाइन
आउटलाइन का, तो आप अपने टेक्स्ट की आउटलाइन को यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कलर जो भी चाहें आप वो यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद नो आउटलाइन करेंगे तो आपके कलर की आउटलाइन यहाँ से रिमूव हो जाएगी और वही ऑप्शन जो मैंने आपको रिसेंटली अभी बताया वही सेम ऑप्शन यहाँ पर आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर इफेक्ट का एक ऑप्शन दिखाई देगा जिसमें आपको शेडो, आप अपने टेक्स्ट के बैक साइड में शेडो दे सकते हैं, रिफ्लेक्शन दिखा सकते हैं अपने टेक्स्ट के बैक साइड। आप देखेंगे यहाँ पर कंप्यूटर के ऊपर काफ़ी रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है, मैं थोड़ा सा इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ ताकि आपको ये चीज़ क्लियर नज़र आए। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके जो कंप्यूटर था उसके नीचे की तरफ आपको शेडो दिखाई दे रही है, रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा है, तो इस तरीके का रिफ्लेक्शन आप इसकी मदद से यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो बीवल ऑप्शन का भी आप यूज़ कर सकते हैं, 3D रोटेशन का भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे जिसका आप यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। और बाकी आप यहाँ पर देखेंगे एक्सेसिबिलिटी का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, अरेंज का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, साइज़ का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो इन सभी ऑप्शंस के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आई बटन पर उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे इंसर्ट टैब के स्मार्ट आर्ट ऑप्शन के सभी ऑप्शंस। आप देखेंगे इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है चार्ट ऑप्शन। देखेंगे इसमें आपको काफ़ी सारी कैटेगरीज नज़र आ रही हैं जिसमें आप काफ़ी सारे टेम्पलेट्स यहाँ पर देख सकते हैं, इनका यूज़ करके आप किसी भी तरीके का पाई चार्ट क्रिएट कर सकते हैं या चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉलम्स की। अगर आप कॉलम वाइज कोई डेटा तैयार करना चाहते हैं यानी कॉलम वाइज कोई चार्ट तैयार करना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्लिक करके आप कॉलम वाइज कोई भी डाटा यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे लाइन, तो यहाँ पर लाइन वाइज आप कोई भी चार्ट क्रिएट करना चाहें तो लाइन वाइज कोई भी चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे पाई चार्ट तो आप यहाँ पर पाई चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पर बार, तो बार वाइज आप कोई भी चार्ट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद आप देखेंगे एरिया, अगर आपको कोई एरिया रिप्रेजेंट कराना है तो आप एरिया को इस तरीके के ग्राफ में यहाँ पे रिप्रेजेंट करा सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर स्कैटर चार्ट के हिसाब से यहाँ पर डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे मैप, तो मैप में आप देखेंगे आपके सामने एक वर्ल्ड वाइड वेब का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई देगा। इसके वाइज अगर आप कोई डेटा रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब का तो आप इस चार्ट का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर स्टॉक, अगर आप कोई स्टॉक मैनेजमेंट दिखाना चाहते हैं तो यहाँ से स्टॉक का चार्ट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे अगर आप कोई सरफेस दिखाना चाहते हैं तो यहाँ से आप सरफेस के लिए आप इस चार्ट का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर रडार, तो यहाँ से अगर आप कोई रडार को दिखाना चाहते हैं तो रडार का चार्ट आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने ट्री मैप आएगा, तो ट्री मैप को भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर सनबर्स्ट, तो सनबर्स्ट के हिसाब से आप कोई भी चार्ट यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर नीचे इंस्टाग्राम है, तो इंस्टाग्राम के हिसाब से कोई चार्ट यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर बॉक्स एंड विस्कर है, तो आप इसके हिसाब से भी कोई चार्ट यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वाटरफॉल अगर आपको दिखाना है तो वाटरफॉल के हिसाब से आप यहाँ पर चार्ट का यूज़ कर सकते हैं। इंक्रीज या डिक्रीज आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फनल का यूज़ करना चाहें तो यहाँ पर फनल का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप दो तीन चार्ट को मिक्स करना चाहें तो आप सबसे लास्ट में देखेंगे कॉम्बो का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा जिसमें आप दो तीन चार्ट्स को मिक्स करके कोई भी चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे सीरीज़ वन, सीरीज़ वन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कोई भी कॉलम वाइज या बार वाइज कोई भी चार्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं लाइन वाइज चार्ट। लाइन वाइज चार्ट को सेलेक्ट करने के बाद सीरीज़ सेकेंड के अंदर आप क्लिक करके यहाँ से आप किसी भी चार्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए इसमें मैंने ले लिया यहाँ पर कॉलम वाइज, और थर्ड वाले में हम यहाँ से कोई भी चार्ट क्रिएट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ये वाली लाइनिंग्स वाला चार्ट ले लिया, और उसके बाद आप जिसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं उस सेकेंडरी एक्सेस पर आप जैसे ओके करेंगे तो वो चार्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा बिल्कुल इस तरीके से। तो इस तरीके से आप किसी भी चार्ट का कॉम्बिनेशन यहाँ पर करके कोई कस्टम टेम्पलेट बनाना चाहें तो कस्टम टेम्पलेट भी आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप इन चार्ट का किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर ले लेते हैं कॉलम का कोई भी एक चार्ट, और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे जिसमें से आप कोई भी कॉलम का कोई भी ग्राफ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मान लीजिए हमने फर्स्ट वाला ही सेलेक्ट किया और यहाँ पर हमने कर दिया इसे ओके। जैसे हम यहाँ पर ओके प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा, और आप देखेंगे इस एक्सेल में आपको यहाँ पर एक टेबल दिखाई देगी और उसी टेबल के निर्धारित यहाँ पर आपको चार्ट दिखाई देगा। तो आप इसके ऊपर जो भी चेंजेस करेंगे वो आपके ग्राफ के ऊपर यहाँ पर इसका इफेक्ट नज़र आएगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर सीरीज़ को चेंज करते हैं तो सीरीज़ की जगह हम ले लेते हैं यहाँ पर हिंदी, और यहाँ पर हिंदी के बाद हम यहाँ पर सीरीज़ टू में यहाँ पर ले लेते हैं इंग्लिश, और यहाँ पर ले लेते हैं पॉलिटिकल। तो जैसे हमने यहाँ पर सब्जेक्ट डाले, आप देखेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट आपका चेंज हो चुका है। तो सब्जेक्ट को देखने के लिए आप यहाँ पर देखिए हिंदी, इंग्लिश और पॉलिटिकल के तीनों कलर्स यहाँ पर रिप्रेजेंट हो चुके हैं। इसके अलावा अगर आप कैटेगरीज को चेंज करना चाहें तो यहाँ कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने डाल दिया यहाँ पर अमन, और यहाँ पर डाल दिया मैंने कमल,
और यहाँ पे डाल दिया मैंने दीपक, और यहाँ पे डाल दिया मैंने आदित्य। तो जैसे मैंने यहाँ पर नाम चेंज कर दिया कैटेगरी का, तो आप देखेंगे यहाँ पर अमन, कमल, दीपक और आदित्य आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाएगा। और जब भी आप इस वैल्यू के अंदर जो भी चेंजेस करेंगे उसका इफेक्ट आपके इस चार्ट के ऊपर आपको दिखाई देगा। तो चलिए इसको मैं करके दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अभी 4.3 है, तो मैंने यहाँ पर ले लिया 69, और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे हमारा एक ग्राफ उसी के हिसाब से एडजस्ट हो गया, यानी अमन का हिंदी में 69 मार्क्स हो गया, और इसके बाद इंग्लिश में मैंने मान लीजिए इनका कर दिया 98। तो यहाँ पर आप देखेंगे ग्राफ उसी हिसाब से चल रहा है। और उसी तरीके से अगर पॉलिटिकल में आप चेंज करेंगे तो मान लीजिए हमने यहाँ पर कर दिया 25, तो आप देखेंगे उसी हिसाब से यहाँ पर ग्राफ अमन का तैयार हो चुका है। इसी तरीके से आप इन सभी का चेंज करके आप अपने हिसाब से ग्राफ को मैनेज कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं इसको फटाफट चेंज कर लेता हूँ। तो इस तरीके से आप कोई भी ग्राफ यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ। आप देखेंगे हमारा ग्राफ यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। इसके बाद आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन नज़र आएंगे, तो हम सभी ऑप्शन को एक एक करके यूज़ करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने ऐड चार्ट एलिमेंट का ऑप्शन है, और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ग्राफ्स के स्टाइल्स नज़र आएंगे, जिसमें से आप वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, आप प्राइमरी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल अपने हिसाब से डेटा को मैनेज कर सकते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पर काफ़ी सारे आपको बेस दिखाई देंगे जिसकी हिसाब से आप अपने डेटा को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ग्रिड लाइंस के थ्रू आप दिखाना चाहें तो ग्रिड लाइंस के थ्रू भी आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। आप एक्सिस के थ्रू दिखाना चाहें तो यहाँ पे एक्सिस के थ्रू दिखा सकते हैं। एक्सेल टाइटल के थ्रू दिखाना चाहें तो एक्सिस टाइटल के थ्रू भी दिखा सकते हैं। चार्ट के माध्यम से दिखाना चाहें तो चार्ट के माध्यम से भी आप अपने हिसाब से जो भी डेटा यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से आप यहाँ। इसके बाद अगर हम बात करें लेआउट्स की, तो अगर आप चाहें तो आप अपने चार्ट का लेआउट यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे आपको लेआउट्स मिलेंगे, इसमें से कोई भी लेआउट यहाँ पर सेलेक्ट करके आप अपने चार्ट को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहें तो यहाँ पर आपको कलर्स दिखाई देंगे। बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के आपको कलर मिलेंगे, जिसमें से आप किसी भी कलर को सिलेक्ट करके आप अपने डेटा के टेबल के कलर को यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने थीम का ऑप्शन है, इसमें से बहुत सारी थीम्स आपको नजर आएंगी। इसमें से किसी भी थीम को आप सिलेक्ट करके आप अपने हिसाब से डेटा को एडजस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हमने इस वाली थीम को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है, और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा सेलेक्ट डेटा का। सेलेक्ट डेटा पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वापस से आपकी जो एक्सेल शीट थी वो फिर से ओपन हो जाएगी, और यहाँ से अगर आप चाहें तो अपने डेटा के रेंज को यहाँ पे एक्सपेंड कर सकते हैं। मान लीजिए अभी आपने जो सब्जेक्ट लिए हैं हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल का लिया है, अगर आप अपने एरिया को बढ़ाना चाहते हैं यानी डेटा और भी ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से एरिया को एक्सपेंड कर सकते हैं, और आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास वही सीरीज़ यहाँ पर ऐड हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप अपने डेटा को एक्सपेंड कर सकते हैं। हम वापस से सेलेक्ट डेटा पर क्लिक करते हैं, और अब आप देखेंगे यहाँ पर एक और ऑप्शन आपको दिखाई देगा स्विच रो और कॉलम्स का। अगर जैसे मान लीजिए अभी अमन, कमल, दीपक, आदित्य का जो डेटा है वो आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है, और अगर आप चाहते हैं कि भाई इनका डेटा जो है वो स्विच हो जाए, यानी कि जैसे हम यहाँ पर स्विच कॉलम पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे जो पर्सन का नेम का डेटा था वो इधर शिफ्ट हो गया और उनके मार्क्स का डेटा यहाँ पर शिफ्ट हो गया। ऐसे जैसे आप ओके प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपका डेटा यहाँ पर एडजस्ट हो गया उसी हिसाब से। आप देखेंगे यहाँ पर हिंदी का मार्क्स आ गया, इंग्लिश का मार्क्स आ गया, पॉलिटिकल आ गया, नाम की जगह पर यहाँ पर क्या आ गया, आपके सब्जेक्ट के मार्क्स आ गए। तो इस तरीके से आप अपने डेटा को स्विच कर सकते हैं। वापस से आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने एक और ऑप्शन आपको दिखाई देगा स्विच रो कॉलम का। आप चाहें तो यहाँ से भी अपने डेटा को स्विच कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका डेटा वापस से यहाँ पर स्विच हो जाएगा। आप देखेंगे वापस से आपका यहाँ पर स्टूडेंट्स का नेम यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा, और आपके हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल का जो मार्क्स था वो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप स्विच कर सकते हैं अपने डेटा को। इसके अलावा अगर आप डेटा में एडिटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके सामने एडिटिंग का भी आपको ऑप्शन दिखाई देगा। आप एडिटिंग पर जैसे क्लिक करेंगे, एडिट डेटा पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर एडिट डेटा का ऑप्शन आ जाएगा। आप इसमें जो भी डेटा एडिट करना चाहें, मान लीजिए आप किसी मार्क्स को चेंज करना चाहें, तो यहाँ से चेंज करके जैसे एंटर प्रेस करेंगे आप देखेंगे आपके चार्ट में वो चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से इस ऑप्शन का भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा रिफ्रेश डेटा का। रिफ्रेश डेटा आपका तब यूज़ होगा जब आप मान लीजिए आपने कोई चेंजेस की और यहाँ पर वो रिप्रेजेंट नहीं हो रही है, तो जैसे ही आप रिफ्रेश डेटा पर क्लिक करेंगे तो आपने जो चेंजेस की थी वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। इसके बाद सेलेक्ट डेटा में कुछ ऑप्शंस और भी हैं, मैं उसके बारे में भी आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर आप यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा कैटेगरी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है ऐड का। ऐड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी का नाम ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी फिलहाल हमारे पास हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल है, और मैं यहाँ पर एक ऐड करता हूँ कैटेगरी ज्योग्राफी। ज्योग्राफी को ऐड करने के बाद जैसे मैं यहाँ पर ओके प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे हमारा जो कैटेगरी थी वो यहाँ पर ऐड हो गई ज्योग्राफी के नाम से। और यहाँ पर भी अगर आप इसमें एडिटिंग करना चाहें तो यहाँ पर एडिट पे क्लिक करके आप उसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आपको दिखाई देगा रिमूव कैटेगरी का, तो आप चाहें तो यहाँ से कैटेगरी को रिमूव भी कर सकते हैं। अब आपको मैं दिखाऊँ यहाँ पर जैसे हम देखेंगे नीचे की तरफ, इसको ओके करके मैं नीचे आ जाता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे सामने एक और कैटेगरी यहाँ पर ऐड हो चुकी है ज्योग्राफी के नाम से।
और इसके बाद उस डेटा में जो भी मैं एडिटिंग करूँगा, मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक कैटेगरी ऐड करी ज्योग्राफी के नाम से इस टेबल के अंदर, और यहाँ पर मैं जो भी डाटा ऐड करूँगा वो डेटा यहाँ पर हमारे सामने रिप्रेजेंट होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा हम वापस से इसी डेटा पर क्लिक करते हैं, और वापस से इसी डेटा को अगर आपको डिलीट करना है तो ज्योग्राफी को सिलेक्ट करके आप जैसे यहाँ पर रिमूव करेंगे तो आप इसे रिमूव कर सकते हैं। अगर आप इसमें एडिटिंग करना चाहें तो यहाँ पर क्लिक करके आप इसमें एडिटिंग भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको यहाँ पर सिलेक्ट करके यहाँ से रिमूव कर देते हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे आपके यहाँ पर पर्सन का नेम अगर आप ऐड करना चाहें तो यहाँ पर आप पर्सन का नाम भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप एडिट पर क्लिक करके यहाँ पर अपनी रेंज को एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पर रेंज जो है हमारी वो सिर्फ इतनी आ रही है, अगर आप चाहें तो यहाँ से रेंज को एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे आप रेंज को एक्सपेंड करेंगे और यहाँ पर ओके प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे हमारा जो रेंज था वो यहाँ पर एक्सपेंड हो जाएगा, और अपने डेटा में यहाँ पर हम नीचे जो भी टाइप करेंगे वो यहाँ पर ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस डेटा को भी यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से एक्सचेंज करने के लिए। फिलहाल हम इसको कैंसिल करते हैं और इसको भी हम यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। इसके बाद आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा चेंज चार्ट टाइप का। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन नज़र आएंगे, जिसमें से आप अपने चार्ट के टाइप को चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अभी चाहता हूँ कि लाइन वाइज हमें रिप्रेजेंट हो तो लाइन वाइज चार्ट को यहाँ पे सेट कर सकता हूँ, और उसके बाद यहाँ से आप इसके काफ़ी सारे स्टाइल्स आपको दिखाई देंगे, जिसमें से आप किसी भी स्टाइल को सिलेक्ट करके यहाँ जैसे ही ओके प्रेस करेंगे तो आपका जो डेटा था वो आप देखेंगे उस स्टाइल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी उस पाई चार्ट के ग्राफ में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर एलिमेंट्स के वही ऑप्शन आपको रिप्रेजेंट करेंगे जो ऑप्शन हमने यहाँ से पहले से सेलेक्ट कर रखा है। तो इस तरीके से आप अपने डेटा को यूज़ कर सकते हैं, इस तरीके से आप अपने पाई चार्ट को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर एक और ऑप्शन आपको दिखाई देगा प्लस आइकन का। इस प्लस आइकन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये बेसिकली आप यहाँ पर जिस भी डेटा को रिप्रेजेंट करना चाहें उस डेटा को यहाँ पर जैसे टिक करेंगे तो वो डेटा आपका यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर चाहते हैं कि मुझे डाटा टेबल यहाँ पर दिखाई दे, तो जैसे ही मैंने इस चेकबॉक्स पर क्लिक किया तो आप देखेंगे हमारा डाटा टेबल यहाँ पर रिप्रेजेंट हो गया। आप चाहते हैं लेबल्स दिखाई दे, जैसे आप लेबल्स पर क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ लेबल्स दिखाई देने लग गए। अगर आप टाइटल पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका एक्सेस टाइटल यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके तरीके से अगर आप एरर्स दिखाना चाहें तो यहाँ पर एरर्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से। इसके अलावा आप यहाँ से अप एंड डाउन करना चाहें तो अप एंड डाउन को भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। आप देखेंगे आपका डेटा अप एंड डाउन यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है, और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे इसका आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप नेक्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे इंटरफेस दिखाई देंगे, जिसमें से आप किसी भी इंटरफेस को सिलेक्ट करके अपनी टेबल को थोड़ा सा अट्रैक्टिव यहाँ पर क्रिएट किया जा सकता है। अगर आप कलर्स चेंज करना चाहें तो यहाँ पे कलर्स आपको मिलेंगे, जिस कलर में आप इसे चेंज करना चाहें उस कलर में आप अपने ग्राफ को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिलेंगे इसका आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर एक और ऑप्शन आपको दिखाई देगा फिल्टर का। फिल्टर वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर फिल्टर के काफ़ी सारे ऑप्शन नज़र आएंगे। जैसे मान लीजिए आप सॉर्टिंग करना चाहते हैं, फिल्टर करना चाहते हैं, तो मान लीजिए हमने हिंदी को सेलेक्ट किया, हिंदी को हटा दिया, हमने यहाँ से इंग्लिश को हटा दिया, पॉलिटिकल को हटा दिया, तो वो सभी ऑब्जेक्ट यहाँ से हट जाएंगे और सिर्फ हमारे सामने वही डेटा रिप्रेजेंट होगा जिसका मैं यहाँ पर चयन करूँगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया हिंदी को, तो आप देखेंगे हिंदी का डेटा मुझे यहाँ पर सिर्फ दिखाई दे रहा है। अगर मैं हिंदी को हटा के यहाँ से पॉलिटिकल लेता हूँ तो आप देखेंगे पॉलिटिकल का डेटा मुझे दिखाई दे रहा है, और अगर यहाँ पे हम इंग्लिश का डेटा सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे इंग्लिश का डेटा मुझे दिखाई दे रहा है, इंग्लिश का ग्राफ मुझे रिप्रेजेंट हो रहा है। और इसी तरीके से आप पॉलिटिकल देख सकते हैं, ज्योग्राफी देख सकते हैं। कैटेगरी के हिसाब से अगर आप सॉर्टिंग करना चाहें तो यहाँ से कैटेगरी के हिसाब से भी सॉर्टिंग कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको सेलेक्ट ऑल कर लेते हैं, और यहाँ से कैटेगरी को हम हटा करके जिस भी कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे सिर्फ उसी कैटेगरी का यहाँ पर आपको चार्ट दिखाई देगा। मान लीजिए अमन पे मैंने क्लिक किया तो अमन का कितना ग्राफ है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है आपके सामने। अमन के अलावा अगर आप कमल पर क्लिक करेंगे तो कमल का भी आप डेटा देख सकते हैं कहाँ से कहाँ तक रिप्रेजेंट हो रहा है। इसी तरीके से दीपक और आदित्य को भी आप यहाँ पर फिल्टर कर सकते हैं, यानी आप सिंपली उस चीज़ को सिलेक्ट करके जैसे यहाँ पर अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो वो ग्राफ यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अगर आप सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करके अप्लाई करेंगे तो यहाँ से सिलेक्ट ऑल करके आप सभी डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ से हिंदी और इंग्लिश को हटा करके मैंने अप्लाई किया तो सिर्फ हिंदी और इंग्लिश का डेटा यहाँ पे आपके सामने अप्लाई हुआ। अगर यहाँ से हमने दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से सिलेक्ट ऑल हटा करके सिर्फ अमन का मुझे डेटा देखना है तो जैसे मैं अप्लाई करूंगा तो सिर्फ अमन का डेटा यहाँ पे हमारे सामने रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे चार्ट्स के ऑप्शंस। इसके बाद हम जानेंगे कि आप एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब में किस तरीके से स्क्रीनशॉट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको यहाँ पर दिखाई देगा हमारे सामने यहाँ पर दो अवेलेबल विंडोज नजर आ रही हैं, जिसमें से हम किसी भी विंडो का स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर एक गूगल ओपन किया हुआ है, जैसे हम गूगल पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर गूगल ओपन है, और इसके अलावा आप देखेंगे हमने एक्सेल को यहाँ पर ओपन किया हुआ है,
और अगर हम एमएस वर्ड में जाकर के इनमें से किसी एक स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, तो जैसे ही आप स्क्रीनशॉट विंडो पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारे सामने दोनों विंडोज़ अवेलेबल यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा। जिसका भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है आपको सिर्फ जाकर के उस पर क्लिक कर देना है, उसका स्क्रीनशॉट आपके सामने यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप दूसरी विंडो का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो सेम उसी तरीके से आपको इंसर्ट टैब पर जाना है, स्क्रीनशॉट पर क्लिक करना है, और जैसे ही हम एक्सेल पर क्लिक करेंगे तो एक्सेल का जो स्क्रीनशॉट था वो आपके सामने यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी विंडोज़ का स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। और अगर आप मैन्युअली किसी विंडो का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको स्क्रीनशॉट पर जाना होगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा स्क्रीनशॉट पर, और सबसे नीचे आपको दिखाई देगा स्क्रीन क्लिपिंग का एक ऑप्शन। इस वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके देखेंगे आपकी जो विंडो थी वो मिनिमाइज हो जाएगी, और यहाँ से आपकी जो विंडो थी यानी कि जो भी रिप्रेजेंट विंडो आपके सामने दिखाई देगी उसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर सिलेक्शन करके ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इस विंडो को इतना सिलेक्ट किया और जैसे हम यहाँ पर क्लिक को छोड़ेंगे तो हमारी वो स्क्रीनशॉट यहाँ एमएस वर्ड में ऑटोमेटिकली रिप्रेजेंट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप एमएस वर्ड में स्क्रीनशॉट ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं पिक्चर फॉर्मेट के, तो इस पिक्चर फॉर्मेट के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक मैं आपको आई बटन पर दे दूंगा, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। इन सभी ऑप्शन को मैंने एक एक करके उस वीडियो के अंदर कवर किया है। तो दोस्तों ये था एमएस वर्ड का स्क्रीनशॉट ऑप्शन। एडिट्स बेसिकली वो फीचर है जिसके अंदर आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी एप्लीकेशन एक्स्ट्रा इंस्टॉल कर सकते हैं और इसके बाद आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन नज़र आएगा गेट एडिट्स का, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर ऑफिस एडिट्स का एक ऑप्शन नज़र आ जाएगा आपको। ये बेसिकली आपका प्ले स्टोर की तरीके से, जैसे आप मोबाइल में प्ले स्टोर यूज़ करते हैं और वहाँ से कोई भी एप्लीकेशन अपने फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से ये भी आपका वर्क करता है। तो ये बेसिकली आपके सामने जो भी दिखाई दे रहे हैं ये सभी आपकी एप्लीकेशंस हैं, आप इन एप्लीकेशंस को अपने एमएस वर्ड के फीचर में ऐड कर सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं आपको कुछ फीचर्स यूज़ करके दिखाता हूँ। मान लीजिए हम यहाँ पर एक एप्लीकेशन को सर्च करते हैं, यानी एक एडिंस को सर्च करते हैं जिसका नाम है QR4। इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारे सामने यहाँ पर QR4 के नाम से एक जनरेटर आ जाएगा जिसका यूज़ किया जाता है QR कोड जनरेट करने के लिए। तो जैसे हम इस वाले एडिंस वाले बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारे सामने वो एडिन यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। और उसके बाद आप इसे किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं मैं वो भी आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जिसका आप QR कोड बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आपका URL है और आपका मेल है, टेलीफोन नंबर, SMS या कुछ भी आप कस्टम URL यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पर एक कस्टम URL क्रिएट करते हैं, यहाँ पर हमने क्लिक किया HTTPS पे और यहाँ पर हम अपनी वेबसाइट का URL डाल देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने डाला excelinfotech.com। इसको डालने के बाद हम जैसे ही इंसर्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका QR कोड बनकर तैयार हो जाएगा, और इसके बाद आप इसको मीडियम या साइज़ अपने हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। कलर्स को आप चाहें तो कलर्स को भी आप यहां से मैनेज कर सकते हैं। जैसे हमने कोई भी कलर पर क्लिक करेंगे और इंसर्ट करेंगे तो आप देखेंगे ये उसी कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां से आप कलर्स को मैनेज कर सकते हैं, जिस भी कलर में आप इसको बनाना चाहें उस कलर में आप इसे यहां पे चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी QR कोड बना सकते हैं बहुत ही आसानी से एमएस वर्ड की मदद से। तो इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। हम चले जाते हैं फिर से एडिंस वाले ऑप्शन पर और यहाँ पर हम एक और एडिन को इंसर्ट करते हैं जिसका नाम है इमोजीज। तो हम यहाँ पर सर्च पर जाएंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे इमोजी, और जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर इमोजीज़ के नाम से आपके सामने एक एडिंस ओपन हो जाएगा। इसको सेलेक्ट करके जैसे हम यहाँ पर एडिंस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो एडिंस था वो यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पर वो फीचर यहाँ पर ऐड हो गया इमोजी कीबोर्ड के नाम से, और यहाँ पर आपको काफ़ी सारी इमोजीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। जिस भी इमोजी का आप यहाँ पर यूज़ करना चाहते हैं उस इमोजी को आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से कोई भी इमोजी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, हमने मान लीजिए इस इमोजी को यहाँ पर सेलेक्ट किया और यहाँ से आप इसे अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको काफ़ी सारे कलर्स भी दिखाई देंगे, जिस कलर के हिसाब से आप इमोजी इंसर्ट करना चाहते हैं उस कलर को भी यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप दूसरे एडिंस का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट एडिंस की बात करते हैं तो वो है हमारा विकिपीडिया। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे सामने विकिपीडिया का ऑलरेडी एडिंस यहाँ पर दिखाई देगा आपको। इस पर हम जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने कुछ नोटिफिकेशंस आएगी जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप इस एडिंस पर ट्रस्ट कर रहे हैं। तो जैसे हम इस पर ट्रस्ट दिस एडिन पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो विकिपीडिया थी वहाँ पे अपडेट का ऑप्शन आ जाएगा। इस पर जैसे आप अपडेट पे क्लिक करेंगे, अपडेट नाउ क्लिक करते ही आपका विकिपीडिया यहाँ पे ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर सर्च करते हैं इंडिया,
इंडिया सर्च करके जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया तो इंडिया से रिलेटेड इसके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन होंगी वो सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएंगी और आप उस इन्फॉर्मेशन का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट एडिंस की, हम इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद हम चले जाते हैं वापस से एडिंस वाले ऑप्शन पर और यहाँ पर हम सर्च करते हैं कार्टून स्टॉक। तो यहाँ पर हम कार्टून स्टॉक पर क्लिक करेंगे। जैसे हम कार्टून लिख करके एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर कार्टून स्टॉक दिखाई दे जाएगा आपको, इसको भी आप ऐड कर सकते हैं और यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको मैं एक बात क्लियर कर देना चाहूँगा, यहाँ पर कुछ एडिंस ऐसे हैं जिनको आपको लॉगिन करना पड़ेगा, विदाउट लॉगिन आप उसका यूज़ नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए हम इस वाले स्ट्रक्चर पर क्लिक करते हैं तो एग्रीकल्चर पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे एग्रीकल्चर की जितनी भी इसके पास इमेजेस होंगी, जितने भी आपके कार्टून्स इमेजेस होंगी वो सारी यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएंगी। ये बेसिकली थोड़ा सा समय लेती हैं डाटा को इंसर्ट करने के लिए, ये वेबसाइट से डायरेक्ट कनेक्ट होकर के आपका डाटा यहाँ पर रिप्रेजेंट होता है, लेकिन इसके लिए आपको सिस्टम में पहले लॉगिन करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखेंगे लॉगिन और साइनअप का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इनमें से किसी ऑप्शन का यूज़ करके आपको लॉगिन करना पड़ेगा, जिसके बाद इन सभी इमेजेस का आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर कोई भी इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर क्लिक करते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिखाई देगा आपको, जिसमें से आप इसे इंसर्ट ट्रायल पे यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर बाय एंड इंसर्ट कर सकते हैं। तो आप इसे परचेज भी कर सकते, इंसर्ट ट्रायल का भी यूज़ करके इसको इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही इंसर्ट ट्रायल पर आप क्लिक करेंगे तो आपसे लॉगिन के लिए मांगेगा, आपको यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल करके जैसे लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो इमेज होगी वो यहाँ पर एमएस वर्ड में इंसर्ट हो जाएगी और उसके बाद आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एडिंस का यूज़ कर सकते हैं। एडिंस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कैटेगरीज के हिसाब से भी आप सॉर्टिंग कर सकते हैं, इसमें से कोई भी एडिंस आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर बात करते हैं बेस्ट ऐप फॉर द ईयर, जैसे आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस साल का सबसे बेस्ट जो एडिंस है वो आपके सामने यहाँ पे दिखाई देगा आपको। कम्युनिकेशंस पे क्लिक करेंगे तो आपको कम्युनिकेशन से रिलेटेड यहाँ पर सभी एडिंस आपको मिल जाएंगे। डॉक्यूमेंट रिव्यू पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट रिव्यू के हिसाब से यहाँ पर काफ़ी सारे एडिंस मिल जाएंगे। एडिटर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे एडिटर्स के हिसाब से आपको काफ़ी सारे एडिंस मिल जाएंगे। इसी तरीके से आपको एजुकेशन से रिलेटेड एडिंस मिल जाएंगे, फाइल कन्वर्टर से रिलेटेड आपको एडिंस मिल जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 360 सर्टिफाइड से रिलेटेड आपको यहाँ पे एडिंस मिल जाएंगे, इसके अलावा प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको एडिंस मिल जाएंगे, रेफरेंस से रिलेटेड आपको एडिंस मिल जाएंगे, सेल्स एंड मार्केटिंग से रिलेटेड आपको एडिंस मिल जाएंगे, या फिर आप अपने हिसाब से कोई भी एडिंस सर्च कर सकते हैं, या फिर ट्रेनिंग एंड ट्यूटोरियल के हिसाब से भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, या यूटिलिटीज़ के हिसाब से भी आप यहाँ पे सर्चिंग कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप यहाँ से डायरेक्टली आप अपने एडिंस को सर्च कर सकते हैं और यहाँ से आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम फिलहाल इसको कैंसिल करते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन नजर आएगा माय एडिंस का। इस वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर सी ऑल का एक ऑप्शन दिखाई देगा। सी ऑल वाले ऑप्शन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमने जितने भी एडिंस का यहाँ पे यूज़ कर रखा है सभी एडिंस आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे, जिसको आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी आपको दिखाई देगा यहाँ पर कीबोर्ड इमोजी के नाम से हमारा इंसर्ट टैब में एक अलग से फंक्शन ऐड हो चुका है और यहाँ से अगर हम इसको रिमूव कर देते हैं तो यहाँ से वो चीज़ हट जाएगी। तो हम यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे इसमें थ्री डॉट है, थ्री डॉट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप इसे रेट दे सकते हैं, एडिंस डिटेल चेक कर सकते हैं या फिर इसे रिमूव कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको रिमूव करते हैं, रिमूव पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये आपसे कन्फर्मेशन मांगेगा कि आप इसे सच में रिमूव करना चाहते हैं। तो हमने जैसे रिमूव वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारा जो इमोजिस का एडिंस था वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। इसी तरीके से आप बाकी के एडिंस को भी रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर आप जैसे इसे क्लोज करेंगे तो आप देखेंगे हमारा जो इमोजी था वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। इसके अलावा आपको एक और ऑप्शन इसके अंदर दिखाई देगा, हम वापस से इसी ऑप्शन पे जाते हैं। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं फाइंड मोर एडिंस का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वही आपका एडिंस ओपन हो जाएगा जहाँ से आप नया कोई एडिंस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एमएस वर्ड के एडिंस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। मैंने बेसिकली आपको चार एडिंस के बारे में बताया, इसमें बहुत सारे एडिंस हैं जिसका यूज़ आप अपने हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था एमएस वर्ड में एडिंस का एक ऑप्शन जो कि आपका एमएस वर्ड के 2019 वर्जन में आपको देखने को मिलेगा। आप देखेंगे इंसर्ट टैब के अंदर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ऑनलाइन वीडियोस का, इस ऑप्शन को आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ पर पहले से ही एक वीडियो को इंसर्ट किया हुआ है इसी ऑप्शन की मदद से, जिसमें आप यूट्यूब के माध्यम से किसी भी वीडियो को इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं और उसको प्ले कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं इसको प्ले करके आपको दिखाता हूँ, जैसे इस प्ले बटन पर मैं क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे हमारे सामने इस तरीके का एक आइकन नज़र आ जाएगा, वीडियो हमारी प्रेजेंट हो जाएगी और इस प्ले बटन पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो हमारी वीडियो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। बात करते हैं जीएसटी R3 भी हमारी क्या होती है।
तो इस तरीके से आप इस वीडियो को किस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं और उसको प्ले कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस सभी डेटा को यहाँ से क्लियर कर लेते हैं, तो इसके लिए कंट्रोल ए करके मैं यहाँ से डिलीट बटन दबा देता हूँ, जिससे हमारा डेटा क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर मैं कोई भी पैराग्राफ या इंसर्ट कर लेता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने एक कमांड चलाई RANT की और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करके जैसे एंटर प्रेस किया, तो हमारे सामने यहाँ पर पैराग्राफ इंसर्ट हो जाएगा। और अब इस पैराग्राफ के बीच में मैं कहीं चाहता हूँ कि मेरी एक वीडियो रिप्रेजेंट हो, तो जब भी मैं उस वीडियो को प्ले करूँ तो यूट्यूब पर ना जाते हुए मुझे यहीं पर ही वो वीडियो प्ले होकर दिखाई दे। तो इस फंक्शन को यूज़ करने के लिए हमें जाना होगा ऑनलाइन वीडियोज वाले फीचर पर। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन नज़र आएगा इंसर्ट अ वीडियो का। यहाँ पर आपको URL डालना है अपनी वीडियो का, जिस वीडियो को आप यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम चले जाते हैं YouTube पर और YouTube पर हम कोई भी वर्ड टाइप कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने टाइप कर दिया GST। GST जैसे ही हम डालेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने काफ़ी सारी वीडियोज़ यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएंगी, जिसमें से हम यहाँ पर अपनी वीडियोज़ को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर हम जैसे GST वाली वीडियो को क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारी ये वीडियो यहाँ पर प्ले हो जाएगी, और इसके बाद इसके लिंक को यहाँ से हम सिलेक्ट करके Ctrl+C से कॉपी कर सकते हैं, या तो राइट क्लिक करके भी आप यहां से कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद हम चले जाते हैं वापस से MS Word के ऊपर और यहां पर उस लिंक को हमने यहां पर पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद जैसे आप यहां पर इंसर्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी वो वीडियो यहां पर इंसर्ट हो जाएगी, और इसके बाद आप चाहें तो इसके साइज़ को यहां से अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद इस वीडियो को आप अपने हिसाब से जहां भी एडजस्ट करना चाहें इसे मूव करा करके आप वहां पे इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमने इस वीडियो को यहाँ पर रख दिया और अब इसको प्ले करना चाहते हैं, तो इस बटन पर आपको क्लिक करना होगा। बटन पर क्लिक करने के बाद आपकी वीडियो यहाँ पर लोड हो जाएगी, और लोड होने के बाद जैसे इस YouTube वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियो यहाँ से प्ले हो जाएगी। तो इस तरीके से इस फीचर का आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे MS Word के एक बेहतरीन फीचर के बारे में। आप देखेंगे इंसर्ट टैब के अंदर एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा लिंक का, जिसको हाइपरलिंक के नाम से भी जाना जाता है। हाइपरलिंक बेसिकली यूज़ किस तरीके से किया जाता है इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि हाइपरलिंक होता क्या है, जिसमें हम वर्ड को किसी भी फाइल या किसी भी वेब पेज के साथ अटैच कर देते हैं, और जब भी हम उस वर्ड पर क्लिक करते हैं तो हमारा वो वेब पेज या वो फाइल हमारे सामने रिप्रेजेंट हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमने अपनी वेबसाइट ओपन कर रखी है और इस वेबसाइट पर आप देखेंगे यहाँ पर कंप्यूटर टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर हमने लिंक लगाया हुआ है। इस वाले ऑप्शन पर, इस वाले वर्ड पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमने जो भी डाटा इसके साथ अटैच किया होगा, जो भी हमने कंटेंट इसमें अटैच किया है, वो डाटा आपको यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगा। MS Word में बहुत सारे ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जिसमें कई तरीके से आप हाइपरलिंक का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसको डिटेल में जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लिंक वाले ऑप्शन को क्लिक करते हैं। क्लिक करने से पहले हम यहाँ से किसी वर्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं जिसके ऊपर हमें लिंक लगाना है। मान लीजिए हमने प्रोवाइड्स को सिलेक्ट किया और उसके बाद लिंक वाले ऑप्शन पर क्लिक किया। लिंक ऑप्शन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे आप देखेंगे इसके अंदर आपको चार ऑप्शन दिखाई देंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, जो कि एग्जिटिंग फाइल और वेब पेज का ऑप्शन है। और इसके अंदर आपको दिखाई देगा, इसमें तीन ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन आपका करंट फोल्डर है, दूसरा ब्राउज पेजेस है, और तीसरा रिसेंट फाइल है। तो सबसे पहले हम समझते हैं करंट फोल्डर को। करंट फोल्डर पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने काफ़ी सारे करंट फोल्डर या फाइल्स दिखाई देंगी, जिसको आप प्रोवाइड्स के साथ अटैच कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे टेक्स्ट टू डिस्प्ले, यानी जो हमने प्रोवाइड्स को यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है वो टेक्स्ट हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, यानी इसी के ऊपर हमारा लिंक जनरेट होगा। और यहाँ से हम किसी भी वर्ड को या किसी भी फोल्डर को उसके साथ लिंक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं डाउनलोड वाले फोल्डर को। डाउनलोड वाले फोल्डर को यहाँ से सेलेक्ट करके जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे ओके पर, तो आप देखेंगे प्रोवाइड्स के ऊपर एक लिंक जनरेट हो चुका है। इसमें ब्लू कलर आपको दिखाई देगा और इसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगी, इसका मतलब इसके ऊपर लिंक लग चुका है। और यहाँ पर जैसे आप कर्सर अपना लेकर जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे उस फाइल का पाथ आपके सामने यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है कि आपकी फाइल कौन सी इसके साथ लिंक की गई है। तो मान लीजिए इस वाले वर्ड को हमें क्या करना है, कंट्रोल को दबा के रखना है और आप देखेंगे आपके सामने हाथ का निशान आ जाएगा। इस वाले निशान के आते ही आप यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सिक्योरिटी की नोटिस आएगी और इस नोटिस को आपको यहाँ पर यस कराना है। जैसे आप इसे यस करेंगे तो आप देखेंगे डाउनलोड का जो फोल्डर था हमारा वो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो चुका है, यानी इस वर्ड को हमने इस फोल्डर के साथ अटैच कर दिया कि जब भी हम इस प्रोवाइड्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करें तो हमारा ये डाउनलोड का फोल्डर हमारे सामने रिप्रेजेंट हो जाए। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इस तरीके से आप लिंक का यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं लिंक को हटाना भी आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आप इस वाले लिंक को यहाँ से हटाना चाहते हैं तो इसके ऊपर आपको सिंपली राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आपको दिखाई देगा रिमूव हाइपरलिंक का एक ऑप्शन। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपने जो भी लिंक यहाँ पर लगाया हुआ है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा।
इसके बाद अब बाकी के ऑप्शन को समझते हैं। फिर से इसी वर्ड को हम सेलेक्ट करते हैं और फिर से लिंक वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर अब आपको दिखाई देगा ब्राउज पेजेस का एक ऑप्शन, यानी ये वो पेजेस आपको दिखाई देंगे जिसमें हमने रिसेंटली अभी ब्राउजिंग कर रखी है, यानी जो फाइल्स हमने अभी रिसेंटली यूज़ कर रखी है, जो भी ब्राउज कर रखी है, जो भी हमने सर्च कर रखी है, वो फाइल्स आपको यहाँ पर दिखाई देगी। तो उसमें से आप किसी भी फाइल को सिलेक्ट करके जैसे ही यहाँ पर ओके प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे प्रोवाइड्स पर फिर से लिंक लग गया। कंट्रोल को दबा करके जैसे इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आप और यस करेंगे तो आप देखेंगे हमारा वो फोल्डर यहां से रिप्रेजेंट हो जाएगा, यानी ये फोल्डर मैंने पहले कभी यूज किया है जिसमें आपको ये चीजें दिखाई देंगे। तो इस तरीके से आप किसी ब्राउज फीचर को भी लिंक में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से बाकी के ऑप्शन को समझते हैं। तीसरा ऑप्शन आपको दिखाई देगा रिसेंट फाइल्स का। रिसेंट फाइल का मतलब होता है ये हमने रिसेंटली फाइल्स अभी कहीं पर यूज़ कर रखी हैं जो कि हमें यहाँ पर दिखाई देगा। आप देखेंगे इसमें काफ़ी सारी हमारे लिंक्स भी दिखाई देंगे, हमने वेबसाइट पर भी काफ़ी कुछ सर्च किया है जो कि यहाँ पर आपको दिखाई देगा HTTP और HTTPS करके। तो मान लीजिए हम सिस्टम की कोई फाइल सेलेक्ट करते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर एक फाइल आपको दिखाई देगी डी ड्राइव में इंस्टीट्यूट वीडियोज इमेज नाम से कोई इमेज है, इसको सेलेक्ट कर लिया हमने और इस पर जैसे हम ओके प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे इसके ऊपर फिर से लिंक लग गया और कंट्रोल के साथ जैसे हम इस वाले वर्ड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर यस करेंगे तो आप देखेंगे हमारी वो फाइल जो हमने इसके साथ लिंक की थी वो यहाँ आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाएगी। तो ये देखिए वो फाइल यहाँ से रिप्रेजेंट हो चुकी है। इसी तरीके से आप काफ़ी सारे वर्ड्स को लिंक में जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। तो नेक्स्ट ऑप्शन के लिए हम यहाँ पर कोई दूसरा वर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर लिंक वाले ऑप्शन पर फिर से क्लिक करते हैं। तो ये तीनों फीचर्स आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। यहाँ पर आप देखेंगे प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा जिसका हम यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई देगा तीन ऑप्शंस। इन तीनों ऑप्शन में से आप किसी भी ऑप्शन का यूज़ करके इसको क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट की। तो इसके लिए हम इसको फिलहाल कैंसिल करते हैं और सबसे बॉटम में चले जाते हैं और यहाँ पर आपको दिखाई देगा सबसे नीचे डिवाइस का एक ऑप्शन। हम नीचे से इस डिवाइस वाले वर्ड को सिलेक्ट करते हैं और फिर से लिंक वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। लिंक ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद वापस से चले जाते हैं प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पर और यहाँ सबसे पहला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं हम लोग टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट का। इसको सेलेक्ट करने के बाद जैसे हम यहाँ पर ओके प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे इसके ऊपर हमारा लिंक यहाँ पर जनरेट हो चुका है। अब ये बेसिकली काम क्या करेगा, कंट्रोल को दबा करके जैसे इस वाले वर्ड पर हम क्लिक करेंगे तो ये सबसे ऊपर ले जाएगा हमें, यानी टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट। आप देखेंगे इसको मैं फिर से आपको करके दिखा रहा हूँ। मान लीजिए मैं सबसे नीचे हूँ डॉक्यूमेंट के और कंट्रोल को दबा करके इस लिंक पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये मुझे सबसे ऊपर यहाँ वीडियोस पर ले जा करके इसने छोड़ दिया। तो यानी कि इसने क्या किया, एक लिंक जनरेट किया सेम डॉक्यूमेंट के अंदर, यानी प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट का मतलब हुआ कि सेम डॉक्यूमेंट के अंदर ही ये लिंक को जनरेट करेगा। अब जैसे मान लीजिए इसमें दो ऑप्शंस और दिए गए हैं, हेडिंग्स का और बुकमार्क का, तो उसको कैसे समझेंगे। तो उसके लिए मान लीजिए हम यहाँ से किसी वर्ड को कट कर लेते हैं, यहाँ पर एंटर प्रेस कर दिया हमने और इस वाले वर्ड को यहाँ से सिलेक्ट करके होम टैब में जा करके इसको हमने हेडिंग वन में यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया। अभी आप देखेंगे ये हमारा हेडिंग में कन्वर्ट हो चुका है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, वापस से जाते हैं इंसर्ट वाले ऑप्शन पर और यहाँ से जाते हैं वापस से लिंक वाले ऑप्शन पर। अब आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने हेडिंग्स के अंदर थीम ऑफ स्टाइल का एक ऑप्शन जो जिस पर हमने हेडिंग बनाई थी वो यहाँ पर आपके सामने रिप्रेजेंट हो रही है। तो अब हमें करना क्या है, मान लीजिए हम यहाँ पर चले जाते हैं सबसे ऊपर और यहाँ पर एंटर एंटर करके थोड़ा स्पेस बना लीजिए और यहाँ पर आप कोई भी वर्ड टाइप कर सकते हैं जिसका आप लिंक इस हेडिंग के साथ करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर लिख देते हैं एक्सेल इन्फोटेक और एक्सेल इन्फोटेक को यहाँ पर हम सिलेक्ट करके वापस से लिंक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ पर जैसे ओके प्रेस करेंगे तो इसका लिंक इसके साथ जनरेट हो जाएगा। यानी जब भी आप कंट्रोल के साथ इस वाले वर्ड पर क्लिक करेंगे तो ये हमें वापस से कहाँ ले जाएगा, इसी वाले थीम पर ले जाएगा। अब मैं फिर से रिपीट करके दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए मैं एक्सेल इन्फोटेक पर हूँ और कंट्रोल के साथ जैसे इस वर्ड पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे वापस से कहाँ ला रहा है, इस हेडिंग वन पर ला रहा है। तो इस तरीके से आप हेडिंग का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बुकमार्क की। तो सबसे पहले हम समझते हैं बुकमार्क किसे कहते हैं। बुकमार्क बेसिकली इसलिए यूज़ किया जाता है, जैसे मान लीजिए कि आप इस बुक को रीड कर रहे हैं और रीड करते समय आपने इसको यहाँ तक एंड कर दिया और बाकी का आप ऑप्शन बाद में रीड करना चाहते हैं तो आप उस एरिया को, उस वर्ड को बुकमार्क लगा के छोड़ सकते हैं और जब भी आप नेक्स्ट टाइम इस वर्ड पर आना चाहते हैं तो आप बुकमार्क के जरिए आसानी से वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो चलिए मैं इसको एक बार प्रैक्टिकली आपको करके दिखाता हूँ। मान लीजिए हमने यहाँ से किसी भी वर्ड को सिलेक्ट किया, मान लीजिए हमने यहाँ रिमेंबर्स को सिलेक्ट किया। रिमेंबर को सेलेक्ट करने के बाद हम बुकमार्क पे गए। बुकमार्क पे जाने के बाद यहाँ हमने इसको कोई भी नाम दे दिया, मान लीजिए हमने इसको नाम दे दिया ए और ए नाम देने के बाद मैंने इसको यहाँ पर ऐड करा दिया। ऐड कराने के बाद अब जब भी मुझे बुकमार्क पर जाना होगा तो मैं जैसे ही बुकमार्क को सिलेक्ट करके यहाँ से गो टू प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे डायरेक्टली मुझे उस जगह पर, उस लोकेशन पर पहुँचा देगा। इसी तरीके से अगर हम लिंक वाले ऑप्शन पर जाते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे बुकमार्क में यहाँ पर ए आपको दिखाई देगा। अब ए को आप किसी वर्ड के साथ लिंक कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर लिख देते हैं बुक वन और बुक वन लिखने के बाद इसको हमने सेलेक्ट किया।
सेलेक्ट करने के बाद वापस से लिंक वाले ऑप्शन को सेलेक्ट किया और यहाँ से हमने ले लिया ए को सेलेक्ट किया और यहाँ पर कर दिया ओके। अब इसके ऊपर लिंक लग चुका है, कंट्रोल के साथ जैसे ही इस वाले वर्ड पर हम क्लिक करेंगे तो ये मुझे सीधे कहाँ ले जाएगा, रिमेंबर वाले ऑप्शन पर। तो इस तरीके से आप बुकमार्क का यूज़ कर सकते हैं, जिस तरीके से आपने अमेजोन वगैरह में भी देखा होगा कि आप बुकमार्क का किस तरीके से यूज़ करते हैं। आप कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं और प्रोडक्ट को सेलेक्ट करने के बाद जो भी आइटम्स आप परचेज करना चाहते हैं उन सभी आइटम पर बुकमार्क लगा देते हैं, वो सभी आइटम्स आपको एक जगह पे दिखाई देते हैं और उनका टोटल अमाउंट भी आपको एक जगह रिप्रेजेंट हो जाता है। तो इस तरीके से भी आप बुकमार्क का यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं बुकमार्क को यूज़ करने के, तो ये तो एक छोटा सा तरीका था जो मैंने आपको बताया। इसके बाद हम बात करते हैं लिंक के बाकी सारे ऑप्शंस के बारे में। हम लिंक वाले ऑप्शन पर फिर से क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपको दिखाई देगा थर्ड ऑप्शन जो कि आपका है क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट का। अब ये क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट किस तरीके से यूज़ होता है इसके बारे में हम समझते हैं। यहाँ पर मान लीजिए आप लिंक ऐसे फाइल को करना चाहते हैं जो आप रिसेंटली क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक पाथ दिखाई देगा कि आपका जो डेटा है वो कहाँ पर जा करके सेव होगा। यानी यहाँ पर आप देखेंगे सी ड्राइव के अंदर यूज़र नाम का फोल्डर है, उसमें एडमिन नाम का फोल्डर है, उसमें ऐप डाटा नाम का फोल्डर है, रोमिंग, माइक्रोसॉफ्ट और वर्ड नाम का फोल्डर है। तो यानी इस यहाँ पर जा करके आपका कोई भी डाटा सेव होगा जिस फाइल को आप यहां पे क्रिएट करेंगे। और यहां पर आप देखेंगे टॉप पे आपको दिखाई देगा कि नेम ऑफ द न्यू डॉक्यूमेंट। आप नेम ऑफ द न्यू डॉक्यूमेंट यानी कि आप यहां पर नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं कोई भी नाम दे करके। तो फिलहाल हम किसी वर्ड को यहां पे सेलेक्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने एग्जांपल को यहां पे सेलेक्ट किया और वापस से लिंक वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके हम यहां पर क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट पर चले गए। तो आप देखेंगे हमारा टेक्स्ट टू डिस्प्ले यहां पर एग्जांपल दिखाई दे गया। यहां पर आप फाइल को कोई नाम दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहां पर नाम दे दिया फाइल को एक्सेल इन्फोटेक। और फाइल का एक्सेल इन्फोटेक नाम देने के बाद यहाँ से आप चाहें तो उसको चेंज कर सकते हैं, जिस भी एक्सटेंशन में आप इसे चेंज करना चाहें यहाँ से उसे चेंज कर सकते हैं। तो हम फिलहाल इसे ऑफिस फाइल ही रहने देंगे, हम इसे वर्ड की फाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो हम फिलहाल ऑफिस फाइल रखेंगे। यहाँ से आप जिस भी फाइल को क्रिएट करना चाहते हैं उसकी एक्सटेंशन को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसी को रहने देते हैं बाय डिफॉल्ट। और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर टारगेट फ्रेम का भी एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट के टारगेट्स को भी चेंज कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। आप सेम पेज पर भी रखना चाहते हैं तो सेम पेज पर रख सकते हैं, वॉल पेज पर रखना चाहें तो वॉल पेज पर भी आप यहाँ पर इसे रख सकते हैं। तो इसके बाद इसकी सेटिंग करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक और ऑप्शन आपको दिखाई देगा स्क्रीन टिप्स का। यहाँ पर आप देखेंगे हमने जो लिंक लगाना है वो एग्जांपल के ऊपर लिंक लगाना है। अगर आप इसका नाम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप स्क्रीन टिप्स पर क्लिक करके यहाँ पर जो भी नाम देंगे वो नाम आपको वहाँ पर रिप्रेजेंट होगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर दे देते हैं इसका नाम एक्सेल वन के नाम से। एक्सेल वन के नाम से हमने यहाँ पर स्क्रीन टिप्स का नाम चेंज कर दिया है। और उसके बाद नीचे की तरफ आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखाई देगा एडिट द न्यू डॉक्यूमेंट लेटर। मतलब आपका जो फाइल जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट सेव तो हो जाए बट उसमें एडिटिंग हम बाद में करना चाहेंगे, तो इसके लिए हम इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है एडिट द न्यू डॉक्यूमेंट नाउ, यानी कि जैसे हम यहाँ पर ओके बटन पर प्रेस करेंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट होगा वो ऑन द स्पॉट आपके सामने ओपन हो जाएगा और आप उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इस सेटिंग को यही रहने देते हैं और यहाँ पर जैसे हम ओके प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर एक्सेल इन्फोटेक के नाम से फाइल हमारी जनरेट हो चुकी है और यहाँ पर आप जो भी एडिटिंग करना चाहें वो यहाँ पर इजिली एडिटिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप किसी नई फाइल को बनाते हुए भी लिंक को क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल के ऊपर जैसे हम कर्सर को लेकर जाएंगे तो यहाँ पर एग्जाम्पल का नाम चेंज नहीं हुआ बल्कि उसके ऊपर आप देखेंगे एक्सेल वन के नाम से आपको दिखाई देगा, इसका जो कैप्शन है वो आपको दिखाई देगा एक्सेल वन के नाम से। तो इस नाम को चेंज करने के लिए आप स्क्रीन टिप्स का यूज कर सकते हैं यहां पर। इसके बाद हम बाकी के ऑप्शन को समझते हैं। यहाँ पर लिंक वाले ऑप्शन पर फिर से क्लिक करते हैं और सबसे लास्ट ऑप्शन आपको दिखाई देगा ईमेल एड्रेस का। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, नीचे चले जाते हैं और यहां पर लिख लेते हैं ईमेल। ईमेल लिखने के बाद इस वर्ड को हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद लिंक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक किया और सबसे लास्ट ऑप्शन को हमने सेलेक्ट किया ईमेल एड्रेस को। और ईमेल एड्रेस को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप कोई भी ईमेल आईडी डाल सकते हैं जिसको आप मेल भेजना चाहते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पर कोई भी मेल आईडी डाल देते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे रिसेंटली हमने इस मेल आईडी का यहाँ पे यूज़ कर रखा है। आप चाहें तो रिसेंट मेल आईडीज़ का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इसकी हिस्ट्री दिखाई देगी, जिस भी मेल आईडी पर आप मेल करना चाहें उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसका सब्जेक्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगा, सब्जेक्ट आप चाहें तो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर जो भी रखना चाहें वो रख सकते हैं। तो फिलहाल हम इसी मेल आईडी को यहाँ पर रखते हैं और इसके बाद जैसे हम यहाँ पर ओके बटन प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने लिंक जनरेट हो चुका है। इस वाले ऑप्शन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, कंट्रोल को दबा करके जैसे इस ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारे सामने यहाँ पर मेल का फीचर ओपन हो जाएगा और उसमें से जिस भी मेल को हम यूज़ करना चाहते हैं उस मेल को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने गूगल को यूज़ किया
तो गूगल को जैसे हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से आपको उसका पासवर्ड डालना है, और पासवर्ड डालने के बाद जैसे आप यहाँ पर कंटिन्यू प्रेस करेंगे तो आपकी मेल आईडी यहाँ पर लॉगिन हो जाएगी, और आप इस मेल आईडी के जरिए डायरेक्टली उस लिंक पर क्लिक करके किसी को भी मेल भेज सकते हैं। तो इस तरीके से ईमेल का भी लिंक आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से चाहे तो ऐड अकाउंट पर क्लिक करके आप माइक्रोसॉफ्ट का भी अकाउंट यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। तो फिलहाल हम अपनी आईडी को यहाँ पर लॉगिन नहीं कर रहे हैं, मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया कि इस लिंक का किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये क्रॉस रेफरेंस होता क्या है। बेसिकली क्रॉस रेफरेंस एक तरीके का लिंक होता है जिसका यूज़ किया जाता है किसी भी सेम डॉक्यूमेंट के अंदर लिंक क्रिएट करने के लिए। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर जीएसटी टेबल लिखा हुआ है, और हम ये चाहते हैं कि जब भी इस जीएसटी टेबल पर हम क्लिक करें तो नीचे की तरफ हमने एक टेबल क्रिएट की हुई है जीएसटी के नाम से, हम डायरेक्टली इस टेबल पर जंप कर जाएं। इसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर हमने एक चार्ट लिखा हुआ है कि जब भी हम चार्ट पर क्लिक करें तो इसी डॉक्यूमेंट के अंदर आप देखेंगे हमने एक चार्ट क्रिएट किया हुआ है, हम चाहते हैं कि उस चार्ट पर यहाँ पर पहुँच जाएँ। तो इस तरीके से आप किसी भी पिक्चर का, किसी भी टेबल का, किसी भी इमेज का आप क्रॉस रेफरेंस बना सकते हैं, एक लिंक जनरेट कर सकते हैं जिसकी मदद से आप डायरेक्टली उस ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं एक क्लिक से। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकल तरीके से करके देखते हैं। क्रॉस रेफरेंस का यूज़ करने से पहले आपको कैप्शन क्रिएट करना पड़ेगा, यानी जिस चीज़ का हम लिंक क्रिएट कर रहे हैं सबसे पहले हमें उसका एक कैप्शन क्रिएट करना पड़ेगा। तो वो कैसे क्रिएट करते हैं हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम चले जाते हैं टेबल पर। टेबल पर क्लिक करने के बाद आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा इंसर्ट कैप्शन का। इंसर्ट कैप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इस डायलॉग बॉक्स में आप कोई भी कैप्शन यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर दे देते हैं जीएसटी। जीएसटी देने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर लेबल आपको दिखाई देगा। इस लेबल पर आप क्लिक करके आप यहाँ पर बता सकते हैं कि क्या चीज़ है, कोई इक्वेशन है, कोई फिगर है, कोई लेजेंड्स है या कोई टेबल है। तो इसमें से हम सेलेक्ट करते हैं टेबल को, क्योंकि हमारा ये जो डेटा है वो एक तरीके का टेबल है। अब आप यहाँ पोजीशन की बात करें तो पोजीशन में आप देखेंगे आपके सामने दो ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, अबव सेलेक्टेड आइटम और बिलो सेलेक्टेड आइटम। मतलब कि आपका जो कैप्शन है वो आपको ऊपर की तरफ दिखाई दे या बिलो यानी नीचे की तरफ दिखाई दे, तो हम इसे अबव सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए आपके पास कोई लेबल है जो कि यहाँ पर नहीं बना हुआ है, तो उसको बनाने के लिए आप यहाँ पर न्यू लेबल पर क्लिक करके अपना खुद का एक नया लेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसे सिलेक्ट करके यहाँ पर कर देते हैं ओके। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारा लेबल जनरेट हो चुका है। तो इसी तरीके से हम चार्ट का एक लेबल क्रिएट कर लेते हैं। तो हम इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर चले जाते हैं इंसर्ट कैप्शन पर। इंसर्ट कैप्शन पर जाने के बाद यहाँ पर हम इसको नाम दे देते हैं। मान लीजिए हमने नाम दे दिया इसको चार्ट। चार्ट नाम देने के बाद आप यहाँ पर लेबल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे चारों ऑप्शन में चार्ट का कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो हम यहाँ पर एक नया लेबल क्रिएट करेंगे और यहाँ पर इसे नाम दे देते हैं हम लोग चार्ट। और चार्ट नाम देने के बाद यहाँ पर हम इसे ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद आप यहाँ पर इसकी पोजीशन को सेट कर सकते हैं। मान लीजिए हमने अबव को सेलेक्ट किया और यहाँ पर इसे हमने कर दिया ओके। ओके करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर इसका कैप्शन क्रिएट हो चुका है। सेम इसी तरीके से हम यहाँ पर इस इमेज का भी कैप्शन क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से फिर से चले जाते हैं इंसर्ट कैप्शन पर। इंसर्ट कैप्शन पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने चार्ट, इक्वेशन, फिगर, लेजेंड्स और टेबल आ रहा है। तो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे फिगर को, क्योंकि ये हमारी एक फिगर है। और उसके बाद यहाँ पर आप इसका कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने नाम दे दिया इसको वाईफाई। वाईफाई नाम देने के बाद यहाँ पर आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक हमने अबव सेलेक्ट किया और यहाँ पर कर दिया इसे ओके। ओके करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर इसका जो कैप्शन है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो चुका है। अब बात करते हैं हम लोग इसका लिंक कैसे क्रिएट कर सकते हैं, यानी क्रॉस रेफरेंस का कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो क्रॉस रेफरेंस का यूज़ करने के लिए हमें यहाँ पर जीएसटी टेबल को सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसके आगे यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम क्रॉस रेफरेंस पर क्लिक करेंगे। क्रॉस रेफरेंस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे जिसकी मदद से आप यहाँ पर क्रॉस रेफरेंस का यूज़ कर सकते हैं, यानी इन सभी चीज़ों के ऊपर आप क्रॉस रेफरेंस का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपके सामने नंबर्ड आइटम है, हेडिंग्स है, बुक मार्क है, फुट नोट एंड नोट है, चार्ट है, कैप्शन है, इक्वेशंस हैं, लेजेंड्स हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं टेबल्स को। तो यहाँ से जैसे हम टेबल को सिलेक्ट करेंगे तो हमने जितनी भी टेबल्स यहाँ पर बनाई हुई हैं वो सभी टेबल्स यहाँ पे आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाएंगी, यानी जितनी भी टेबल पर हमने कैप्शन बनाया हुआ है वो सभी कैप्शन आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएंगे, जिसमें से आप अपनी कैप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ पर इसका लिंक क्रिएट कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर टेबल 1 जीएसटी को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ देखेंगे इंसर्ट रेफरेंस टू।
इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपसे ये पूछेगा कि आप यहाँ पर दिखाना क्या चाहते हैं। जैसे मान लीजिए हम एंटायर कैप्शन दिखाना चाहते हैं या फिर पेज नंबर दिखाना चाहते हैं, और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर एंटायर कैप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जीएसटी टेबल का यहाँ पर टेबल वन का एक लिंक क्रिएट हो चुका है। हम इसे क्लोज कर लेते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि अब इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो जैसे ही हम अपने कर्सर को इस वाले लिंक पर लेकर जाएंगे तो आप देखेंगे आपके सामने एक इन्फॉर्मेशन आएगी कि आपको कंट्रोल के साथ जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी हमने यहाँ पर लिंक क्रिएट किया था हम डायरेक्टली वहाँ पर जंप कर जाएंगे। तो जैसे ही आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल को दबा कर रखते हैं तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर हाथ का निशान शो कर जाएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप सीधे अपनी टेबल पर पहुँच जाएंगे जिसका हमने कैप्शन यहाँ पर यूज़ किया था। इसी तरीके से आप बाकी के क्रॉस रेफरेंस का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम फिर से ऊपर चले जाते हैं और अब हम चार्ट का यहाँ पर यूज़ करके देखते हैं। तो चार्ट के आगे हम थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं। स्पेस लेने के बाद वापस से हम क्रॉस रेफरेंस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से हम अपने चार्ट को सिलेक्ट करते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पर चार्ट को सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे हमारा चार्ट का कैप्शन यहाँ पर शो हो जाएगा, और इसको सिलेक्ट करके सेम यहाँ से अपने फीचर को जो भी सिलेक्ट करना चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं, पेज नंबर को या फिर एंटायर कैप्शन को। मान लीजिए हम यहाँ पर पेज नंबर को आपको यूज़ करके दिखा रहे हैं, हम पेज नंबर को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर जैसे हम इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर पेज नंबर 3 आ गया, और हम यहाँ पर जैसे इसे क्लोज करेंगे और पेज नंबर 3 पर जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हम सीधे अपने चार्ट पर जंप कर जाएंगे। तो इसी तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और अब हमारे पास नेक्स्ट बचा है यहाँ पर फिगर का, तो फिगर को कैसे यूज़ करते हैं तो हम यहाँ पर चले जाते हैं वाईफाई वाले थर्ड ऑप्शन पर, और इसके बाद हम वाईफाई का जो हमारा कैप्शन था वो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है और उसको सिलेक्ट करके जैसे हम यहाँ पर इंसर्ट करेंगे और एंटायर कैप्शन लेकर के हम इसे इंसर्ट कर लेते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारा जो कैप्शन था वो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। इसे हम यहाँ पर क्लोज करते हैं और कंट्रोल को दबा के रखने के बाद जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो सीधे हम अपनी इमेज पर जंप कर जाएंगे। तो इस तरीके से आप क्रॉस रेफरेंस का यूज़ कर सकते हैं। सेम डॉक्यूमेंट के अंदर आप अगर लिंक क्रिएट करना चाहते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस जंप करने के लिए तो बहुत आसान तरीका है क्रॉस रेफरेंस। तो इस तरीके से आप अपने एक बड़े डॉक्यूमेंट में क्रॉस रेफरेंस की मदद से काफ़ी सारे लिंक क्रिएट कर सकते हैं, फिर वो चाहे आपका फिगर हो, कोई टेबल हो, कोई कैप्शन हो, एंड नोट हो, फुट नोट हो, इन सभी के ऊपर आप क्रॉस रेफरेंस का यूज़ कर सकते हैं। तो इसको सीखने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले कुछ पैराग्राफ इंसर्ट करना होगा। तो इसके लिए हम कमांड टाइप करते हैं इक्वल टू RAND लिख करके शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करते हैं और प्रेस करते हैं एंटर। एंटर प्रेस करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ पैराग्राफ इंसर्ट हो जाएंगे। आप यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट भी रख सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर कुछ पैराग्राफ को ले रहे हैं कमेंट के ऑप्शन को समझाने के लिए। तो यहाँ पर हम किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं, किसी भी वर्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ऐसे प्रोफेशनली वर्ड को सिलेक्ट किया और उसके बाद कमेंट ऑप्शन पर क्लिक किया। कमेंट ऑप्शन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारे सामने यहाँ राइट साइड में एक कमेंट का बॉक्स खुल जाएगा और उसके अंदर आप कमेंट टाइप कर सकते हैं, जो भी कमेंट आप इसमें टाइप करना चाहें। यहाँ पर आप अपने हिसाब से जो भी कमेंट देना चाहें प्रोफेशनली के ऊपर यहाँ पर आप कमेंट दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं दिस वर्ड इज बोल्ड। इसी तरीके से आप किसी और वर्ड के ऊपर भी कमेंट दे सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर कोऑर्डिनेट को सिलेक्ट किया और यहाँ पर भी हम वापस से कमेंट का ऑप्शन का यूज़ करते हैं और इसको भी हम यहाँ पर कोई कमेंट टाइप कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर टाइप कर दिया दिस वर्ड इज इटैलिक। तो इस तरीके से हमने फिलहाल यहाँ पर दो कमेंट ले रखे हैं। आप यहाँ पर काफ़ी सारे कमेंट्स यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो एक ही वर्ड के ऊपर और भी आप कमेंट यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इसी वर्ड को सिलेक्ट किया और वापस से कमेंट ऑप्शन पर क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ इसी वर्ड के ऊपर हमारा एक और कमेंट यहाँ पर जुड़ गया है। आप इसमें भी कुछ भी टाइप कर सकते हैं। आप देखेंगे इंसर्ट टैब के अंदर सिर्फ आपको कमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा जिसमें आप किसी भी वर्ड के ऊपर कमेंट लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप कमेंट को डिलीट करना चाहेंगे या कमेंट को में चेंजेस करना चाहेंगे, रिमूव करना चाहेंगे, तो उसके लिए बेसिकली आपको क्या करना होगा, आपको जाना होगा रिव्यू टैब के अंदर। तो रिव्यू टैब के अंदर जैसे ही आप जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक कमेंट का मेन्यू दिखाई देगा जिसके अंदर आपका न्यू कमेंट, डिलीट कमेंट, प्रीवियस और नेक्स्ट और शो कमेंट्स के कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे। तो बेसिकली इन सभी ऑप्शन का हम एक एक करके यूज सीखेंगे। सबसे पहले न्यू कमेंट की अगर हम बात करें तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि आप इस तरीके से कोई भी कमेंट अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी कमेंट किसी भी वर्ड के ऊपर ऐड कर सकते हैं। अगर आप इस कमेंट को डिलीट करना चाहें तो आप किसी भी वर्ड को सिलेक्ट करके या किसी भी कमेंट को सिलेक्ट करके यहाँ पर जैसे डिलीट पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका वो कमेंट यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप नया कमेंट ऐड कर सकते हैं और कमेंट को डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन की। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे सामने एक ऑप्शन है नेक्स्ट कमेंट। अभी आप देखेंगे हम अभी फिलहाल पहले वाले कमेंट पर हैं,
जैसे हम यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये हमें दूसरे वाले कमेंट पर जंप करा देगा। इसी तरह से अगर आप प्रीवियस पर क्लिक करेंगे तो ये वापस से आपको पिछले वाले कमेंट पर ले जाएगा, आप चाहें तो उसमें कोई भी एडिटिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप नेक्स्ट और प्रीवियस का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर शो कमेंट्स का ऑप्शन है, ये बेसिकली अभी हाइड है, तो इसको शो कराने के लिए आपको यहाँ पर जाना होगा ऑल मार्कअप पे और यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा सिंपल मार्कअप। जैसे आप सिंपल मार्कअप पर को सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर वो कमेंट का जो ऑप्शन था वो यहाँ पे शो हो जाएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर हमारे जो भी कमेंट्स लगे हुए हैं वो बेसिकली हाइड हो चुके हैं और यहाँ पर कमेंट का एक छोटा सा बॉक्स आपको दिखाई देगा। इस कमेंट बॉक्स पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तब जा करके आपको ये कमेंट यहाँ पे दिखाई देगा। इसके अलावा जैसे ही आप अपने कर्सर को इस कमेंट वाले आइकन पर लेकर जाएंगे तो आप देखेंगे आपका कमेंट वाला जो वर्ड था वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका कमेंट यहाँ पर शो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसे शो करेंगे यानी शो कमेंट पर जैसे क्लिक करेंगे तो वापस से आपके कमेंट्स आपको यहाँ पर दिखाई देने लग जाएंगे। तो इस तरीके से शो और हाइड कमेंट का आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको चाहते हैं कि ये कमेंट यहाँ पर दिखाई ना दे तो उसके लिए आपको यहाँ पर जाना होगा शो मार्कअप पर और यहाँ से कमेंट वाले ऑप्शन से टिक यहाँ से हटा देना होगा। अब आप देखेंगे आपके यहाँ पर कहीं भी कमेंट आपको दिखाई नहीं देगा और अगर आप उसे शो कराना चाहते हैं तो आपको वापस से शो मार्कअप पर जाकर यहाँ पे कमेंट्स पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप कमेंट पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका वो जो आइकन था वो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएगा और जैसे इस आइकन पर आप अपने कर्सर को लेकर जाएंगे वापस से आपको ये वर्ड दिखाई देने लग जाएगा और उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका कमेंट फिर से शो हो जाएगा। तो बेसिकली इस तरीके से आप कमेंट वाले ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हेडर के बारे में कि हेडर आखिर क्या होता है। आप देखेंगे यहाँ पर हमने एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है जिसके अंदर आपको एक्सेल इन्फोटेक दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली हमारे चैनल का नाम है, ये आपको टॉप पर दिखाई दे रहा होगा। इसी तरीके से अगर हम स्क्रॉल करते हैं तो नीचे की तरफ भी आप देखेंगे यहाँ पर भी आपको एक्सेल इन्फोटेक दूसरे पेज नंबर पर आपको दिखाई देगा। इसी तरीके से और नीचे की तरफ अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको एक्सेल इन्फोटेक यहाँ पर दिखाई देगा। तो इसे बेसिकली हेडर कहते हैं, यानी जितने भी डॉक्यूमेंट आप क्रिएट करते हैं, जितने भी पेजेस आप लेते हैं, उन सभी पेज पर एक पार्टिकुलर नाम आप चाहते हैं कि वो नाम हमारा प्रिंट हो, तो उसके लिए हम हेडर का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से अगर हम फुटर की बात करें तो फुटर के लिए आप देखेंगे यहाँ पर नीचे हमने एक फुटर लगाया हुआ है जिसमें आपको पेज नंबर 1 दिखाई देगा और इसके नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर पेज नंबर 2 दिखाई देगा और इसके नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपको पेज नंबर 3 दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप जितने भी पेजेस यहाँ पर यूज़ करेंगे उन सभी पेजेस का पेज नंबर आपको यहाँ पर दिखाई देगा, या फिर आप फुटर में कोई टेक्स्ट लिखना चाहें जैसे हमने एक्सेल इन्फोटेक लिखा हुआ है तो उसी तरीके से आप टेक्स्ट को भी यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो टेक्स्ट के अलाइनमेंट्स भी दे सकते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर में आप जहाँ भी सेट करना चाहें इसको सेट कर सकते हैं। अब जैसे हम हेडर पर डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, तो इन सभी ऑप्शन का हम एक एक करके इस वीडियो में यूज़ सीखने वाले हैं। दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो हमारी वीडियोज़ को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों में इसे शेयर करें। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट करें और यदि हमारी नई वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंचती रहे तो इसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में जो आपको बेल आइकन दिखाई दे रहा है उसे प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंचती रहे। एक्सेल इन्फोटेक के द्वारा बनाई गई अन्य सभी वीडियोस जैसे कि MS Office, Corel Draw, Photoshop, TeleProime इत्यादि की प्लेलिस्ट के लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सबसे पहले हम पूरे डॉक्यूमेंट को क्लियर कर लेते हैं, हम एक नया पेज लेंगे और उसके बाद हम शुरू से लेकर एंड तक आपको इन सभी ऑप्शन के बारे में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर कंट्रोल एन करते हैं। कंट्रोल एन करने के बाद हमने एक न्यू पेज ले लिया है और यहाँ पर हम इज इक्वल टू कमांड के थ्रू यहाँ पर कुछ पैराग्राफ को इंसर्ट कर लेते हैं। हमने यहाँ पर टाइप किया इज इक्वल टू RAND रैंड और यहाँ पर हम मिनिमम 100 पैराग्राफ्स यहाँ पर इंसर्ट कर रहे हैं। जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे हमारे सामने यहाँ पर 100 पैराग्राफ इंसर्ट हो चुके हैं और उसके बाद हम थोड़ा ऊपर चले जाते हैं यहाँ से स्क्रॉल करके। स्क्रॉल करने के बाद आप देखेंगे अभी हमारे पास कोई भी हेडर या कोई भी फुटर हमने यहाँ पर नहीं लिया हुआ है, तो हेडर फुटर लेने के लिए हमें जाना होगा इंसर्ट टैब के अंदर। इंसर्ट टैब में आपको दिखाई देगा हेडर का एक ऑप्शन। हेडर पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इसके अंदर काफ़ी सारे आपको हेडर के फॉर्मेट दिखाई देंगे जिसमें से आप किसी भी हेडर का एक फॉर्मेट यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हमने इस वाले फॉर्मेट को यहाँ पर सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट टाइटल दिखाई देगा कि आप क्या टाइटल चाहते हैं पूरे हेडर के ऊपर, तो यहाँ पर हम कोई भी टाइटल यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर टाइप कर दिया अपने चैनल का नाम यानी एक्सेल इन्फोटेक। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर इस फॉर्मेट में आपको डेट भी दिखाई दे रही है। इस डेट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से कोई भी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हमने टुडे पर क्लिक किया तो यहाँ पर आज की डेट यहाँ पर रिप्रेजेंट हो गई है।
और उसके बाद हम बाहर डबल क्लिक जैसे करेंगे तो आप देखेंगे हेडर हमारा यहाँ पर रिप्रेजेंट हो चुका है। फर्स्ट पेज के अलावा दूसरे पेज पर भी अगर हम जाएंगे तो ये हमारा हेडर आपको दिखाई देगा। अब आप देखेंगे नीचे की तरफ कोई भी फुटर का हमने यहाँ पर यूज़ नहीं किया हुआ है, तो इसी तरीके से हम यहाँ पर फुटर को भी इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट टैब पर जाएंगे, वापस से यहाँ से फुटर को सिलेक्ट करेंगे और फुटर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम काफ़ी सारे फुटर के भी फॉर्मेट्स हैं, इसमें से कोई भी फॉर्मेट यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ से इस वाले फॉर्मेट को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको पेज नंबर दिखाई दे जाएगा। तो इसी तरीके से आप हेडर और फुटर का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से बाकी सभी ऑप्शन का यूज़ करने के लिए हम यहाँ पर डबल क्लिक करके इन सभी ऑप्शन को क्लियर करेंगे। उसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर हमारे सामने एक और ऑप्शन आपको दिखाई देगा पेज नंबर का। तो पेज नंबर के लिए आप जैसे ही पेज नंबर पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे जिसमें आप कोई भी पेज नंबर का फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप देखें यहाँ पर टॉप आपको दिखाई दे रहा है, यानी टॉप पर आप हेडर की जगह पर यहाँ पर पेज नंबर चाहते हैं। पेज नंबर आपको कहाँ पे चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, सेंटर में चाहिए, राइट में चाहिए या फिर पेज मार्जिन के हिसाब से चाहिए। इसमें से अगर आप कोई भी फॉर्मेट यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे जो हमने हेडर यहाँ पर इंसर्ट किया था वो यहाँ से रिमूव हो गया और यहाँ पर पेज नंबर आ गया। तो हम वापस से कंट्रोल जेड करके पीछे चले जाते हैं वापस से और उसके बाद वापस यहाँ डबल क्लिक कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप पेज नंबर का यूज़ कर सकते हैं और उसी तरीके से यहाँ पर आपको वही ऑप्शन यहाँ पर भी दिखाई देगा। आप यहाँ से चाहें तो बॉटम पर भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं या फिर मार्जिन के हिसाब से भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। करंट पोजिशन के हिसाब से भी आप अपने पेज नंबर को एडजस्ट कर सकते हैं, फॉर्मेट पेज नंबर के हिसाब से भी कर सकते हैं। तो रिमूव पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका पेज नंबर रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से इन सभी ऑप्शन का आप यहाँ पर एक एक करके यूज़ कर सकते हैं। हेडर और फुटर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ से आप काफ़ी सारे फॉर्मेट्स हैं जिसका आप यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। तो डेट और टाइम के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, अगर आप डेट और टाइम इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर डेट और टाइम को इंसर्ट किया हुआ है। अगर आप अलग से भी डेट और टाइम इंसर्ट करना चाहते हैं तो इस वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर फॉर्मेट दिखाई देगा। इसमें से आप कोई भी फॉर्मेट सेलेक्ट करके जैसे यहाँ पर ओके प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपका डेट और टाइम यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो फिलहाल हम इसे हटा देते हैं, कंट्रोल जेड कर लेते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन का एक ऑप्शन दिखाई देगा। इस ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको दिखाई देगा ऑथर का नाम, फाइल का नाम, फाइल का पाथ यानी फाइल की लोकेशन, डॉक्यूमेंट टाइटल। प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाकर के आप यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट ऐड कर सकते हैं, कोई ईमेल आईडी ऐड कर सकते हैं या कोई कंपनी का नाम ऐड कर सकते हैं, कोई कीवर्ड ऐड कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने वीडियो बना रखी है, आपको आई बटन पर दिखाई दे जाएगा, वहाँ से आप इन सभी ऑप्शन को समझ सकते हैं कि चीज़ें होती क्या है। तो इनमें से कोई भी कैटेगरी आप यहाँ पर ऐड करना चाहें तो ईजिली आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से आप कोई फील्ड ऐड करना चाहें तो फील्ड भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो हमने फाइल को अभी सेव नहीं किया है इसलिए हम यहाँ पर फाइल का नाम या पाथ यहाँ पर ऐड नहीं कर सकते। अगर आप ऑथर का नाम ऐड करना चाहें तो यहाँ पर ऑथर पर जैसे क्लिक करेंगे तो ऑथर का नाम यहाँ पर बाय डिफॉल्ट एडमिन है, आप यहाँ से चाहें तो उसे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको काफी सारे ऑप्शंस मिलेंगे, इसका भी आप इजीली यूज कर सकते हैं। तो हम इसको भी कंट्रोल जेड करके यहाँ से हटा लेते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर क्विक पार्ट का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा। क्विक पार्ट के बारे में भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसको भी आप आई बटन से जाकर के देख सकते हैं। क्विक पार्ट में ये सभी ऑप्शंस आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, सेम डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज, ऑथर्स, फील्ड्स, ब्लॉक्स वगैरह, इन सभी को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इन सभी को अगर आप हेडर या फुटर पर ऐड करना चाहें तो इसकी मदद से आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप पिक्चर का यूज़ करना चाहें तो आप अपने हेडर या फुटर पर पिक्चर को भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हम इस हेडर को यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। डिलीट करने के बाद पिक्चर पर क्लिक करते हैं। पिक्चर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको काफ़ी सारे पिक्चर्स आपको दिखाई देंगे जिसमें से आप किसी भी पिक्चर को सिलेक्ट करके यहाँ पर इजीली उसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से जैसे हम इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारी जो इमेज है वो काफ़ी बड़ी है, तो ये आपकी पूरे पेज पर यहाँ पर सेट हो गई है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, कॉर्नर से पकड़ करके हम इसके साइज़ को यहाँ से छोटा कर सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ से इस पिक्चर को छोटा कर ले रहे हैं। छोटा करने के बाद आप इसे उठा करके अपने हिसाब से हेडर के ऊपर ले जा करके यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इसे थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं हेडर के बराबर। छोटा करने के बाद आप देखेंगे हमारी ये इमेज आ चुकी है। जैसे हम बाहर डबल क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पेज पर जैसे हम जाएंगे तो आप देखेंगे हर पेज पर हमें ये पिक्चर दिखाई देगी। तो इस तरीके से आप अपनी कंपनी का कोई लोगो या कोई भी इमेज यहाँ पर ईजिली एड कर सकते हैं पिक्चर की मदद से। तो हम इसको कंट्रोल जेड करके वापस से हटा देते हैं यहाँ से। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने ऑनलाइन पिक्चर का भी एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप ऑनलाइन नेट से कोई भी पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं और उसको हेडर की जगह पर या फुटर की जगह पर यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको अभी करके दिखाया था। तो फिलहाल हम इसको यहाँ से कैंसिल करते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको गो टू फुटर का और गो टू हेडर का। गो टू फुटर पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आप फुटर पर चले गए और गो टू हेडर पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो वापस से आप हेडर पर यहाँ पे जंप कर जाएंगे। इसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट और प्रीवियस का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो ये ऑप्शन किस तरीके से काम करता है, बेसिकली अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये अभी वर्क नहीं करेगा। बेसिकली ये जो ऑप्शन है हमारा वो सेक्शन से रिलेटेड है। तो पहले हम सेक्शन क्रिएट करते हैं और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसका यूज़ कैसे किया जाता है। तो सेक्शन क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर बाहर क्लिक करेंगे और बाहर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर पेज के बिल्कुल लास्ट में चले जाएंगे।
पेज के लास्ट में जाने के बाद यहाँ पर हम गैलरीज के सबसे लास्ट में क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद हमें जाना होगा यहाँ से लेआउट वाले ऑप्शन पर, यानी लेआउट वाले टैब पर। लेआउट टैब पर जाने के बाद आपको ब्रेक्स में जाना होगा, ब्रेक में आपको दिखाई देगा कंटिन्यूअस का एक ऑप्शन। बेसिकली ये जो कंटिन्यूअस का ऑप्शन है, इसका कनेक्शन आपके उस ऑप्शन से है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जैसे हम कंटिन्यूअस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर कोई अभी चेंजेस नहीं हुई, लेकिन जब हम हेडर के ऊपर जाकर के डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर पहले हेडर लिखा हुआ आ रहा था और अब हेडर सेक्शन 1 लिखा आ गया। इसी तरीके से नीचे की तरफ अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर भी आपका हेडर सेक्शन 1 दिखाई देगा, बट यहाँ पर आप देखेंगे हेडर सेक्शन 2 आ गया, क्योंकि ये जो हमारा पार्ट है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। ये मैटर हमारा 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, ऊपर वाला जो पेज था वो सेक्शन 1 हो गया और नीचे वाला जो पेज था वो सेक्शन 2 हो गया। अब नेक्स्ट और प्रीवियस का फायदा क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ से प्रीवियस पर क्लिक करेंगे तो हम पिछले सेक्शन पर चले जाएंगे, और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हम नेक्स्ट सेक्शन पर जंप कर जाएंगे। तो जैसे हमने नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक किया तो हम सेकंड सेक्शन पर यहाँ पर जंप कर गए हैं, और जैसे हम प्रीवियस पर क्लिक करेंगे तो वापस से प्रीवियस वाले ऑप्शन पर हम जंप कर जाएंगे। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा लिंक टू प्रीवियस। लिंक टू प्रीवियस का क्या यूज़ है? लिंक टू प्रीवियस का यूज़ होता है बेसिकली इन सभी फाइल्स का आपस में लिंक होता है। जैसे हम प्रीवियस वाले ऑप्शन पे जाते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे लिंक टू प्रीवियस का कोई भी ऑप्शन आपको दिखाई नहीं दे रहा। आप देखेंगे सेक्शन 1 के ऊपर आपको यहाँ लिंक टू प्रीवियस का ऑप्शन शो नहीं हो रहा, इसका क्या यूज़ है? और इसके बाद नीचे की तरफ अगर हम जाएंगे सेकंड सेक्शन पर तो आप देखेंगे लिंक टू प्रीवियस का एक ऑप्शन आपको हाईलाइट हो गया। अब इसका यूज़ कैसे किया जाता है? आप देखेंगे अगर हम सेक्शन 1 पर जाते हैं तो हमारा लिंक टू प्रीवियस का ऑप्शन हमें शो नहीं हो रहा है, और अगर हम सेक्शन 2 पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये ऑप्शन हमें दिखाई देगा। अब इसका क्या यूज़ होता है, तो मैं आपको इसको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि इसका यूज़ किस तरीके से किया जाता है। तो हम चले जाते हैं ऊपर सेक्शन 1 पर, यहाँ पर हम सेक्शन 1 पर कोई भी हेडिंग टाइप कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर टाइप किया अपने चैनल का नाम, यानी एक्सेल इन्फोटेक। एक्सेल इन्फोटेक टाइप करने के बाद हम बाहर डबल क्लिक करते हैं और नीचे की तरफ जैसे ही हम जाएंगे तो आप देखेंगे सेकंड नंबर पेज पर भी हमारा एक्सेल इन्फोटेक यहाँ पे दिखाई दे गया, बाकी के सभी पेज पर आपको एक्सेल इन्फोटेक यहाँ पे दिखाई दे गया। इसके बाद जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं वापस से इसी सेक्शन पर, सेक्शन पर डबल क्लिक करने के बाद हमें एक्सेल इन्फोटेक यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और दूसरे सेक्शन पर जाने के बाद अगर हम यहाँ से सेक्शन को चेंज कर देते हैं, यानी लिंक टू प्रीवियस वाले ऑप्शन को यहाँ से हम अनलिंक कर देते हैं, यानी इसको हटा देते हैं, और यहाँ पर एक्सेल इन्फोटेक की जगह पर हमने यहाँ पर टाइप कर दिया लाइक www.excel-infotech.com, और उसके बाद जैसे हम बाहर डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे बाकी के जो पेजेस आपको दिखाई देंगे उन सभी पर आपको एक्सेल इन्फोटेक की वेबसाइट दिखाई देगी। और अगर हम सबसे ऊपर वाले सेक्शन 1 पर जाते हैं तो वहां पर हमें हमारा पुराना वाला टाइटल दिखाई देगा एक्सेल इन्फोटेक का। इसका मतलब ये होगा कि जो भी हम सेक्शन 2 के बाद यहाँ पर लिखेंगे उनका सभी का लिंक बाकी के सभी पेजेस के साथ होगा। तो ये यूज़ होता है लिंक टू प्रीवियस का, यानी कि आप जितने भी सेक्शन डिवाइड करके लिंक टू प्रीवियस का यूज़ करना चाहें यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसे अनलिंक कर देंगे तो हमारा जो भी हम यहाँ पर हेडर में टेक्स्ट टाइप करेंगे वो उस पेज पर डिफरेंट होगा और बाकी के पेजेस पर सेम होगा। तो इस तरीके से आप पेजेस को लिंक कर सकते हैं और अनलिंक कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमारे सामने नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिखाई देगा डिफरेंट फर्स्ट पेज, इसका किस तरीके से यूज़ होता है। तो इसको यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये सारा डेटा हम यहाँ से क्लियर कर लेते हैं, कंट्रोल ए करके हमने यहाँ से डिलीट कर दिया। तो आप देखेंगे हमारा जो डिफॉल्ट हेडर था वो यहाँ पर हमारे सामने रिप्रेजेंट हो जाएगा, यानी कि एक्सेल इन्फोटेक हमारा डिफॉल्ट हेडर था वो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर वापस से रेंज कमांड चला करके पैराग्राफ को इंसर्ट कर लेते हैं। मान लीजिए हमने 100 पैराग्राफ फिर से इंसर्ट कर लिया। इंसर्ट करने के बाद आप देखेंगे सभी पेजेस पर वही हेडर आपको दिखाई देगा। उस हेडर के ऊपर हम जाएंगे वापस से सबसे फर्स्ट पेज पर आ जाते हैं, और फर्स्ट पेज पर आने के बाद हम ये चाहते हैं कि जो हमारा फर्स्ट पेज है उसका हेडर बिल्कुल डिफरेंट हो और बाकी के जो हेडर्स हों वो बिल्कुल सिमिलर हों, वो बाकी के बिल्कुल सेम हों। तो उसका यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं, इसके लिए आपको सिंपल इस पर डबल क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको दिखाई देगा डिफरेंट फर्स्ट पेज का चेकबॉक्स, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका ये जो हेडर था वो यहाँ से गायब हो जाएगा और यहाँ पर आपको दिखाई देगा फर्स्ट पेज, यानी फर्स्ट पेज का हेडर आप चेंज करना चाहते हैं, बाकी के पेजेस पर जो आपका हेडर होगा वही सेम आप सिमिलर रखना चाहते हैं, यानी फर्स्ट पेज अलग होगा बाकी सभी का पेजेस आपका सेम होगा। लेकिन जो मैंने इससे पहले आपको बताया था लिंक टू प्रीवियस का, उसका क्या यूज़ था, उसमें आप सेक्शन वाइज डिवाइड करके हर पेज का अलग अलग नाम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर अपना टाइटल टाइप कर देना है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर वही सेम अपना फिर से टाइटल टाइप करते हैं एक्सेल इन्फोटेक। एक्सेल इन्फोटेक लिखने के बाद जैसे हम डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे फर्स्ट पेज का जो हमारा नाम है वो एक्सेल इन्फोटेक है, और नीचे जैसे हम जाएंगे
तो वहाँ पर आप देखेंगे हमारी वेबसाइट यहाँ पर रिप्रेजेंट आपको हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो वापस से इस पर जैसे आप टिक हटाएंगे यहाँ से, तो वापस से आपका जो डिफॉल्ट टाइटल था वो आपको फिर से दिखाई दे जाएगा। अब इसके बाद आप देखेंगे आपको यहाँ पर एक नेक्स्ट ऑप्शन दिखाई देगा, डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस। अब ऑड और इवन के बारे में आपको पता ही होगा कि ऑड पेजेस क्या होते हैं, इवन पेजेस क्या होते हैं। मैं आपको फिर भी क्लियर कर देता हूँ। जो हमारे ऑड पेजेस होते हैं वो 1357 होते हैं और जो हमारे इवन पेजेस होते हैं 246 होते हैं, ठीक है, यानी कि सम संख्या और विषम संख्या। अब इसका यूज किस तरीके से किया जाता है, अब जैसे मान लीजिए हम ये चाहते हैं कि हमारे जो ऑड पेजेस हैं उस पर मैटर कुछ और आए और जो हमारे इवन पेजेस हैं उसके ऊपर मैटर कुछ और आए। अब इसका यूज किस तरीके से किया जाएगा, तो मैं इसको प्रैक्टिकल तरीके से आपको समझाता हूं कि इसका यूज कैसे होता है। तो जैसे हम यहां पर इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहां पर हमारे सामने ऑप्शन आ गया ऑड पेजेस का, आपको यहां दिखाई देगा ऑड पेज, और जैसे आप नीचे की तरफ जाएंगे तो यहां पर आपको दिखाई देगा इवन पेज, यानी इवन पेज पर आप जो भी मैटर रखेंगे वो इवन पेज पर आपको दिखाई देगा और ऑड पेज पर जो भी मैटर रखेंगे वो ऑड पेजेस पर ही आपको दिखाई देगा। तो चलिए मैं आपको उसको प्रैक्टिकल तरीके से दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए हमने ऑड पेज पर यहाँ लिखा हुआ है excelinfotech.com, राइट। इसके अलावा अगर हम इवन पेजेस पर जाते हैं यहाँ से और इवन पेज पर अगर हम यहाँ पर कुछ लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिख दिया excelinfotech, और उसके बाद जैसे हम यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे excelinfotech लिखा हुआ आएगा और यहाँ पर आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपको हमारी वेबसाइट दिखाई देगी। तो बेसिकली इसका यूज़ क्या था, इसका यूज़ ये है कि जो हमारा ऑड नंबर का पेज है उस पर आपको हमारी वेबसाइट दिखाई दे रही है और हमारा जो इवन नंबर का पेज उसमें आपको हमारे चैनल का नाम दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप इवन नंबर या ऑड नंबर पर अलग अलग डेटा को ऐड कर सकते हैं और उसको प्रिंट कर सकते हैं। जिस तरीके से आपने मैगजीन्स या बुक्स में देखा होगा कि एक पेज पर बुक का नाम होता है और दूसरे पेज पर लेसन का नाम होता है या किसी और चीज़ का नाम होता है, तो उस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम नेक्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो इस पर वापस से डबल क्लिक करते हैं आप, उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा हेडर फ्रॉम टॉप। टॉप से आप हेडर को कहाँ पे एडजस्ट करना चाहते हैं यहाँ पर देखिए, आप अपने हिसाब से टॉप पे एडजस्ट कर सकते हैं। आप यहाँ से इसके मार्जिन को एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसी तरीके से अगर आप फुटर को एडजस्ट करना चाहें तो यहाँ से फुटर को भी एडजस्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ पर फुटर कोई भी लिया हुआ नहीं है तो हम यहाँ पर फुटर ऐड कर लेते हैं। हम वापस से जाते हैं फुटर वाले ऑप्शन पर और यहाँ से हमने एक फुटर ऐड कर लिया। फुटर को ऐड करने के बाद यहाँ से आप फुटर को एडजस्ट कर सकते हैं, जहाँ भी आप इसे एडजस्ट करना चाहें आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको दिखाई देगा इंसर्ट अलाइनमेंट टैब, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अलाइनमेंट का आपको एक टैब दिखाई देगा। आप अपने फुटर को या हेडर को कहाँ पे रखना चाहते हैं, सेंटर में रखना चाहते हैं या राइट में रखना चाहते हैं, लेफ्ट में रखना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप यहाँ पे अलाइनमेंट दे सकते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ से सेंटर को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर कर दिया हमने ओके। तो जैसे हमने ओके किया यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर हमारा पेज नंबर सेंटर में यहाँ रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अलाइनमेंट टैब का यूज़ करके अपने टेक्स्ट को अलाइनमेंट भी दे सकते हैं। तो उसके बाद जैसे आप क्लोज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो मेन्यू खुला हुआ है हेडर एंड फुटर का वो यहाँ से क्लोज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप हेडर और फुटर के सभी ऑप्शन का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ टेक्स्ट बॉक्स बेसिकली होता क्या है। टेक्स्ट बॉक्स एक ऐसा ऑप्शन है जिसकी मदद से आप किसी भी पैराग्राफ को या किसी भी मैटर को या किसी भी इंपॉर्टेंट वर्ड को हाईलाइट करके अलग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट के अंदर मैं किसी पैराग्राफ को या किसी लाइन को हाईलाइट करना चाहता हूँ ताकि वो मुझे अलग से दिखाई दे, मेरी नज़र सबसे पहले उसी चीज़ पर पड़े, तो उन जैसी चीज़ों के लिए हम टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके इस डॉक्यूमेंट में आपको पोएम ऐड करनी है, पोएट्री ऐड करनी है, तो उसके लिए आप टेक्स्ट बॉक्स का इजीली यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने काफ़ी सारे फॉर्मेट आपको टेक्स्ट बॉक्स से नज़र आएंगे, जिसमें से आप किसी भी फॉर्मेट को सिलेक्ट करके आप यहाँ पर उसको यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ से एक सिंपल टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं, जैसे हम टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे हमारा टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा और यहाँ पर हम कुछ भी टाइप कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कुछ भी टाइप कर लिया, मान लीजिए हमने इसमें ये टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद आप इसे जहाँ पर भी मूव करना चाहें आप इजीली इसे मूव कर सकते हैं या फिर आप इसे अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। इसे बड़ा करना हो या छोटा करना हो तो आप इसे अपने हिसाब से यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। अगर आप इसे मूव करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इसके किसी भी कॉर्नर पर जाना होगा, आपको ये निशान दिखाई देगा, इसे पकड़ करके आप जहाँ भी इसे मूव करना चाहें आप इसे ईजिली यहाँ पर उसे रख सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे इसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। शेप फॉर्मेट का आपके सामने एक यहाँ पर टैब खुलकर आ जाएगा। इन सभी ऑप्शन के बारे में हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे क्योंकि इन सभी ऑप्शन को मैंने पिछली वीडियो में कवर किया हुआ है, जिसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा, वहाँ से इसको देख सकते हैं। फिलहाल हम चले जाते हैं वापस से इंसर्ट टैब में और वापस से टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर। टेक्स्ट बॉक्स पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने एक और ऑप्शन आपको दिखाई देगा ड्रॉ बॉक्स का। ड्रॉ बॉक्स को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ड्रॉ बॉक्स पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर प्लस का एक निशान दिखाई देगा और प्लस के निशान की मदद से आप यहाँ पर कोई भी बॉक्स अपने हिसाब से ड्रॉ कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक बॉक्स ड्रॉ कर लिया,
हमने बॉक्स ड्रॉ करने के बाद आप यहाँ पर अब जो लिखना चाहें, मान लीजिए हम इसमें भी वही टाइप कर देते हैं, और इसमें टाइप करने के बाद आप इसको भी उसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं जिस तरीके से पिछला वाला टेक्स्ट बॉक्स हमने यूज़ किया था। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे जो हमने न्यू बॉक्स ड्रॉ किया है वो ऑटोमेटिक एडजस्ट नहीं हो रहा। अगर हम इसको मूव करते हैं कहीं पर भी ले जा करके, तो हमारा ये ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिक एडजस्ट नहीं हो रहा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको जाना होगा यहाँ से टेक्स्ट रैपिंग वाले ऑप्शन पर, और यहाँ से आपको यूज़ करना होगा, इनमें से काफ़ी सारे आपको टेक्स्ट रैप दिखाई देंगे जिसमें से आप कोई भी टेक्स्ट रैप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर यूज़ किया टाइट, टाइट यूज़ करने के बाद आप इसे ईजिली कहीं पर भी मूव करेंगे तो ये आसानी से आपका टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर मूव हो जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर काफ़ी सारे फॉर्मेट भी आपको दिखाई देंगे जिसमें से आप इसे हाईलाइट करने के लिए किसी भी फॉर्मेट या किसी भी कलर का यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपका जो टेक्स्ट हो वो अलग से आपको हाईलाइट करके यहाँ पर रिप्रेजेंट हो। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट बॉक्स का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि आप यहाँ पर खुद का अपना टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करके उसको इसमें सेव करके रखना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले हम सभी मैटर को यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। डिलीट करने के बाद हम चले जाते हैं यहाँ से इंसर्ट टैब के शेप वाले ऑप्शन पर, और यहाँ से आप कोई भी शेप सेलेक्ट कर सकते हैं जिसका आप टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से राउंडेड रेक्टेंगल को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हम इसको क्रिएट कर देते हैं। क्रिएट करने के बाद यहाँ से हम इसका कोई कलर चेंज कर लेते हैं, मान लीजिए हमने ये कलर इसका सेलेक्ट किया, और इसके बाद आप इसमें कुछ लिखना चाहते हैं तो राइट क्लिक करके आप एड टेक्स्ट पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप इसमें कुछ टाइप भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं एक्सेल इन्फोटेक। अब इस टेक्स्ट बॉक्स को मैं चाहता हूँ कि हमारी गैलरी में सेव हो जाए, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं इसको जब भी चाहूँ तो उसको यूज़ कर सकूँ। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इंसर्ट टैब पर जाना होगा, यहाँ से आपको टेक्स्ट बॉक्स पे जाना होगा, और यहाँ पर आपको दिखाई देगा सेव सिलेक्शन टू टेक्स्ट बॉक्स गैलरी। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स यहाँ पर आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाएगा, जिसके अंदर सबसे पहले आपसे पूछेगा कि आप इसका जो टेक्स्ट बॉक्स है उसका नाम क्या देना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से जो भी नाम देना चाहें वहाँ पर दे सकते हैं। इसके अलावा गैलरीज में आपसे ये पूछा जाएगा कि ये किस टाइप का टेक्स्ट बॉक्स है, या फिर कोई टेबल है, या फिर कोई वाटरमार्क है, आप जो भी सिलेक्ट करना चाहें यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारे ये टेक्स्ट बॉक्स है तो इसलिए हम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स को ही रहने देंगे। इसके बाद यहाँ पर कैटेगरी आपको दिखाई दे रही है कि आपका जो टेक्स्ट बॉक्स है वो किस कैटेगरी का है, तो यहाँ से आप जो भी कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहें आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर आप कोई नई कैटेगरी खुद से क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप न्यू कैटेगरी पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा, और उसके अंदर आप अपनी कैटेगरी का नाम दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर कैटेगरी का नाम दे दिया हेडिंग। हेडिंग नाम देने के बाद जैसे ही आप यहाँ पर ओके प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपकी कैटेगरी यहाँ पर हेडिंग में कन्वर्ट हो चुकी है। इसके बाद आपको यहाँ पर सिंपल ओके पर क्लिक करना है, आपका ये टेक्स्ट बॉक्स इसकी गैलरी में सेव हो जाएगा। अब इसको आप निकाल के यहाँ से सकते हैं, मैं इसको सबसे पहले यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद आपको जाना होगा टेक्स्ट बॉक्स वाले ऑप्शन पर, और यहाँ से जैसे ही आप इसे स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको सबसे नीचे यहाँ पर कैटेगरी आपको दिखाई दे जाएगी, हेडिंग की कैटेगरी, और हेडिंग में जिस नाम से आपने टेक्स्ट बॉक्स बनाया था वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन दिखाई देगा, मोर टेक्स्ट बॉक्सेस फ्रॉम office.com। इसके लिए हम सभी बॉक्सेस को यहाँ से क्लियर कर लेते हैं और वापस से टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक करते हैं। टेक्स्ट बॉक्स पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो मोर टेक्स्ट बॉक्सेस पर हम जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ अलग से हमें office.com की तरफ से टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जिसका भी आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएगा, और इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं किसी पोएम के लिए, या किसी पोट्री के लिए, या किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो बेसिकली इस तरीके से हम इंसर्ट टैब के टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे MS Word 2019 में आप ऑटो टेक्स्ट ऑप्शन का उपयोग कैसे कर सकते हैं। यदि आप किसी भी टेक्स्ट को या किसी इमेज को परमानेंट MS Word में स्टोर करके रखना चाहते हैं, ताकि ज़रूरत होने पर एक शॉर्ट वर्ड की सहायता से उस डॉक्यूमेंट में जहां चाहे वहां पेस्ट कर सकें, तो उसके लिए आप ऑटो टेक्स्ट ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। ऑटो टेक्स्ट एक तरह से MS Word का एक शॉर्टकट फीचर है, जिसकी मदद से एक ही तरह के टेक्स्ट को बार बार टाइप करने से बचा जा सकता है। इसकी सहायता से आप कंपनी लोगो, कंटेंट, इन्फॉर्मेशंस, डिस्क्लेमर जैसी डिटेल्स जिनकी आपको हर बार ज़रूरत होती है, उन्हें बड़ी सरलता से डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ हम आपको एक ज़रूरी बात बता दें कि MS Word में ऑटो करेक्ट और ऑटो टेक्स्ट ऑप्शन लगभग एक ही तरह से काम करते हैं। दोनों में मुख्य अंतर यह है कि ऑटो टेक्स्ट में जब आप चाहेंगे तभी टेक्स्ट कॉपी होगा, जबकि ऑटो करेक्ट बिना आपसे पूछे अपने आप ही यह चेंजेस कर देता है।
दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो हमारी वीडियोस को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों में इसे शेयर करें। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट करें, और यदि हमारी नई वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंचती रहे तो इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में जो आपको बेल आइकन दिखाई दे रहा है उसे प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंचती रहे। एक्सेल इन्फोटेक के द्वारा बनाई गई अन्य सभी वीडियोस जैसे कि एमएस ऑफिस, कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, टेलीप्राइम इत्यादि की प्लेलिस्ट के लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे, हमने यहाँ पर कुछ इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है और नीचे हमने एक स्टोरी लिखी है और हमें बार बार इस इंट्रोडक्शन को लिखना पड़ता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पूरे मैटर को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना होगा इंसर्ट टैब के अंदर। इंसर्ट टैब में आपको राइट साइड में टेक्स्ट वाले मेन्यू में जाना है और यहाँ पर आपको क्लिक करके ऑटो टेक्स्ट फीचर पर जाना है। ऑटो टेक्स्ट फीचर पर जाने के बाद सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, सेव सिलेक्शन टू ऑटो टेक्स्ट गैलरी। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर नेम का एक ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पर आपको वो नाम देना है जो कि आप इस मैटर को देना चाहते हैं। यानी कि ये हमारा एक इंट्रोडक्शन है तो इसलिए हम इसको नाम दे देंगे इंट्रोडक्शन। आप अपने हिसाब से जो भी मैटर का नाम देना चाहें वो दे सकते हैं। इसके बाद नीचे की तरफ आप देखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिखाई देगा गैलरीज का। गैलरी पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे, जैसे कि हेडर, फुटर, पेज नंबर, टेबल, टेक्स्ट बॉक्सेस, वाटरमार्क्स। इनमें से आपका जो डॉक्यूमेंट है वो किस टाइप का डॉक्यूमेंट है आपको उसे यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। तो हम बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ऑटो टेक्स्ट को ही सेलेक्ट करेंगे। ऑटो टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपका है कैटेगरी का। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर कुछ कैटेगरीज आपको दिखाई देंगी, जैसे जर्नल, स्टोरी या सामान्य की। इसमें से आप कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई नई कैटेगरी बनाना चाहते हैं तो नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा क्रिएट न्यू कैटेगरी का। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी का नाम दे करके उसको ऐड करा सकते हैं। तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर एक कैटेगरी बनाई हुई है जो कि स्टोरी के नाम से है, तो हम इसको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। स्टोरी को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर दे देते हैं। डिस्क्रिप्शन देने के बाद आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका ये जो इंट्रोडक्शन था वो यहाँ पर सेव हो जाएगा। सेव करने के बाद आप जहाँ पर भी इस इंट्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वहाँ पर आपको अपना नाम देना होगा, जो नाम आपने यहाँ पर सेव किया था। तो हमने नाम दिया था इंट्रोडक्शन। जैसे हम यहाँ पर 3 से 4 वर्ड टाइप करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने एक मैसेज आ जाएगा। इस मैसेज में आपके सामने लिखा होगा कि जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपका वो पूरा इंट्रोडक्शन जो कि आपको दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर एंटर प्रेस कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, हमने जैसे ही एंटर प्रेस किया तो हमारा पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन यहाँ पर हमारे सामने रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी मैटर को ऑटो टेक्स्ट ऑप्शन के अंदर सेव करके रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको अपनी हिस्ट्री देखनी है कि आपने कितने मैटर्स को यहाँ पर सेव करके रखा हुआ है, तो उसके लिए आपको इसी ऑप्शन पर फिर से जाना होगा, यहाँ पर ऑटो टेक्स्ट पर जाना होगा। तो यहाँ पर देखेंगे हमने यहाँ पर इंट्रोडक्शन के नाम से यहाँ पर एक मैटर सेव करके रखा हुआ है जो हमारे सामने यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। आप डायरेक्टली इस पर क्लिक करके भी उस मैटर को यहाँ पर रिप्रेजेंट करा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसका नाम या कैटेगरी को बदलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको वापस से उसी ऑप्शन पर जाना होगा, ऑटो टेक्स्ट ऑप्शन पर जाना होगा, और जो आपने गैलरी यहाँ पर सेव की है उसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको दिखाई देगा एडिट प्रॉपर्टी का एक ऑप्शन। एडिट प्रॉपर्टी पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी यहाँ पर देखेंगे प्रॉपर्टी यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगी और इसके अंदर आप अपने हिसाब से जो भी चेंजेस करना चाहें, जो भी मॉडिफिकेशन करना चाहें वो आसानी से कर सकते हैं। चाहे आप कैटेगरी चेंज करना चाहें या फिर गैलरी चेंज करना चाहें या फिर इंट्रोडक्शन का कोई नाम यहाँ से चेंज करना चाहें, तो तीनों काम को आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ऑटो टेक्स्ट ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। एमएस वर्ड 2019 में आप डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी ऑप्शन का किस तरह से उपयोग कर सकते हैं? यदि आप किसी भी टेक्स्ट को परमानेंटली एमएस वर्ड में स्टोर करके रखना चाहते हैं, जैसे कि कोई एब्स्ट्रैक्ट, कोई ऑथर, कैटेगरी, कोई कमेंट, किसी कंपनी का नाम, कोई ईमेल, कोई फ़ोन नंबर, कोई भी टाइटल या किसी भी तरीके का कोई भी सब्जेक्ट, ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप उस वर्ड को कहीं पर भी आसानी से इंसर्ट कर सकें, तो उसके लिए आप डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी एक तरह से एमएस वर्ड का शॉर्टकट फीचर है जिसकी मदद से एक ही तरह के टेक्स्ट को बार बार टाइप करने से बचा जा सकता है।
इसकी सहायता से आप कंपनी नेम, कंटेंट, इन्फॉर्मेशन, पब्लिश डेट जैसी डिटेल्स जिनकी आपको हर बार ज़रूरत होती है उन्हें बड़ी सरलता से डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो हमारी वीडियोस को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों में इसे शेयर करें। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट करें, और यदि हमारी नई वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंचती रहे तो इसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में जो आपको बेल आइकन दिखाई दे रहा है उसे प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंचती रहे। एक्सेल इन्फोटेक के द्वारा बनाई गई अन्य सभी वीडियोस जैसे कि MS Office, Corel Draw, Photoshop, TelePrime इत्यादि की प्लेलिस्ट के लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी का यूज़ करने के लिए आपको जाना होगा MS Word के इंसर्ट टैब में। यहाँ पर आपको टेक्स्ट मेन्यू के अंदर एक ऑप्शन दिखाई देगा डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी का। इसमें आप देखेंगे आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, जैसे कोई एब्स्ट्रैक्ट, किसी ऑथर का नाम, कैटेगरी, कमेंट, कंपनी, कंपनी एड्रेस, ईमेल, फैक्स, फ़ोन नंबर, कीवर्ड्स, मैनेजर, पब्लिश डेट, स्टेटस, सब्जेक्ट और टाइटल। इनमें से आप किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करके उस वर्ड को यहाँ पर टाइप कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर ऑथर पर क्लिक किया, ऑथर पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारे सामने यहाँ पर एडमिन लिखा हुआ आ गया। इस एडमिन को हमने यहाँ से कट कर दिया और कट करने के बाद यहाँ पर हमने अपना नाम टाइप कर दिया, जैसे विनोद कुमार पांडे। अब इसके बाद इस वर्ड को अगर मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और जब भी मुझे ये नाम दोबारा चाहिए होगा तो मुझे उसी ऑप्शन पर जा करके डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करके यहाँ पर सिर्फ ऑथर को सिलेक्ट करना होगा। आप देखेंगे वो नाम यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। इसी तरीके से और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ से ले लेते हैं कंपनी का नाम। कंपनी नेम में हमने यहाँ पर टाइप कर दिया एक्सेल इन्फोटेक। इसके बाद हमने इसको भी यहाँ से डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद जब भी हमें कहीं पर कंपनी के नेम की ज़रूरत होगी और हमें वो कंपनी का नाम यहाँ पर चाहिए होगा तो हम अपनी प्रॉपर्टीज़ में जा करके सिर्फ हमें कंपनी नेम को सिलेक्ट करना होगा। जैसे हम कंपनी पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे हमारा कंपनी का नाम यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल मैं आपको और दिखा देता हूँ। आप वापस से प्रॉपर्टीज़ में जाइए, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में जाइए। यहाँ से हम ले लेते हैं किसी भी मैनेजर का कोई भी नाम। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर टाइप कर दिया मोहन सिंह, और उसके बाद हमने यहाँ पर इसको यहाँ से हटा दिया। हटाने के बाद कहीं पर भी मान लीजिए हमने एक डॉक्यूमेंट इंसर्ट किया, यहाँ पर डॉक्यूमेंट के बीच में अगर मुझे मैनेजर का नाम इंसर्ट करना है तो मुझे सिर्फ उस जगह पर क्लिक करना होगा और वापस से प्रॉपर्टीज़ में जा करके यहाँ से मुझे मैनेजर को क्लिक करना होगा। मैं जैसे ही मैनेजर पर क्लिक करूँगा आप देखेंगे मोहन सिंह यहाँ पर हमारे सामने रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं MS Word में। MS Word 2019 में आप फील्ड ऑप्शन का उपयोग कैसे कर सकते हैं? यदि आप अपने द्वारा बनाए गए डॉक्यूमेंट में किसी फील्ड्स के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे कि फाइल का नाम, पेजेस, वर्ड, कैरेक्टर्स, डेट एंड टाइम एक्सेट्रा, तो आप फील्ड ऑप्शन की मदद से जान सकते हैं। बस आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस F9 की कंप्यूटर के लिए, और यदि आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो कंट्रोल प्लस FN की के साथ आपको F9 प्रेस करना होगा और आपके सामने इस तरह का एक ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। आपको केवल इस ब्रैकेट के अंदर फील्ड्स का कोड टाइप करके F9 दबाना होगा। आपके फील्ड की जानकारी आपको दिखाई दे जाएगी। चलिए अब इसे प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो हमारी वीडियोस को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों में इसे शेयर करें। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट करें, और यदि हमारी नई वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंचती रहे तो इसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में जो आपको बेल आइकन दिखाई दे रहा है उसे प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंचती रहे। एक्सेल इन्फोटेक के द्वारा बनाई गई अन्य सभी वीडियोस जैसे कि MS Office, Corel Draw, Photoshop, TelePrime इत्यादि की प्लेलिस्ट के लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फील्ड ऑप्शन का यूज़ करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर हमने कुछ फील्ड्स लिखी हुई हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं, कुछ फील्ड कोड्स लिखे हुए हैं। इन कोड्स को कहाँ से फाइंड किया जाता है, इसके लिए आपको जाना होगा इंसर्ट टैब के अंदर, और यहाँ पर आपको टेक्स्ट मेन्यू के अंदर जा करके इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा जिसमें आपको फील्ड का एक ऑप्शन दिखाई देगा।
इस फील्ड ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने काफ़ी सारे कोड्स आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट होंगे, जिसकी मदद से हम यहाँ पर अपने फील्ड को रिप्रेजेंट कराएंगे। तो इसके लिए हम इस डायलॉग बॉक्स को यहाँ से कैंसिल करते हैं। कैंसिल करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमने लिखा है फाइल नेम। फाइल नेम का मतलब ये जो हमने फाइल बनाई है इस फाइल का नाम क्या है, मैं वो देखना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले मैं इस फील्ड को यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। क्लियर करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है Ctrl+F9। Ctrl+F9 प्रेस करने के बाद जो भी हमने यहाँ पर फील्ड कोड लिखा है वही फील्ड कोड यहाँ पर हमें टाइप करना है। जैसे मैं लिख देता हूँ फाइल नेम। फाइल नेम लिखने के बाद जैसे आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F9 तो आप देखेंगे इस फाइल का नाम आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाएगा, जबकि इस फाइल का नाम हमने क्या लिखा है, फील्ड्स लिया हुआ है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर हमने इस फाइल का नाम फील्ड्स लिया हुआ है, तो वो फाइल नेम यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। इसी तरीके से आप देखना चाहते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट में टोटल पेजेस कितने यूज़ हुए हैं, तो उसके लिए भी आप इस फील्ड कोड का यूज़ कर सकते हैं। तो इसको भी मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। और अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ कि आप फील्ड कोड का किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जाना होगा इसी ऑप्शन पर और यहाँ पर फील्ड को सिलेक्ट करके इसका जो फील्ड कोड है वो है नम पेज। तो यहाँ से हमें सर्च करना होगा नंबर ऑफ पेजेस। नम पेज को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर ओके प्रेस करना होगा। ओके प्रेस करते ही आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने 2 लिखा हुआ आ गया, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 पेजेस का यूज़ कर रखा है। देखिए फर्स्ट पेज वो है और सेकेंड पेज हमारा ये है। इसके अलावा अगर आप देखना चाहते हैं कि आपने टोटल वर्ड्स कितने लिखे हुए हैं, तो वर्ड्स के लिए भी आप इसी ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब इसको यहाँ से क्लियर करते हैं, वापस से इसी ऑप्शन पर जाते हैं और इसका जो फील्ड कोड है वो है नम वर्ड। नम वर्ड को सिलेक्ट करके जैसे हम यहाँ पर ओके प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे टोटल वर्ड्स यहाँ पर हमारे सामने रिप्रेजेंट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप एमएस वर्ड के अंदर फील्ड कोड का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन भी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप डायरेक्टली इस कोड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Ctrl+F9 और यहाँ पर आपको इज इक्वल टू यूज़ करना है। जो भी वैल्यू आप प्लस या माइनस मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं वो यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। जैसे मैंने 25+6 कर दिया और -2 कर दिया। इसके बाद जैसे ही मैं F9 प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे सामने वैल्यू रिप्रेजेंट हो जाएगी। तो इस तरीके से भी आप फील्ड कोड का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा MS Word में फील्ड ऑप्शन। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे MS Word 2019 में आप किस तरह से बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइजर ऑप्शन का उपयोग कैसे करते हैं। यह एक ऐसा फीचर है जिसके अंदर MS Word के सभी प्रकार के फॉर्मेट्स जैसे कि ऑटो टेक्स्ट, बिब्लियोग्राफी, रेफरेंस, कवर पेजेस, टेबल, इक्वेशंस इत्यादि के फॉर्मेट्स आपको एक साथ देखने को मिल जाएगा। इन सभी फॉर्मेट्स को आप अपने हिसाब से एडिट करके यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप कोई नया डॉक्यूमेंट बनाकर क्विक पार्ट गैलरी में सेव करते हैं तो वह भी आपको यहीं देखने को मिल जाएगा और उस डॉक्यूमेंट को भी आप फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जाना होगा इंसर्ट टैब के अंदर और यहाँ पर आपको एक्सप्लोर क्विक पार्ट पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइजर। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपको सभी फॉर्मेट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो आपके टेबल्स हों, चाहे वो आपके इक्वेशंस हों, सिम्बल्स हों, वाटर मार्क्स हों या फिर आपके हेडर एंड फुटर्स हों। तो इनमें से आप इन सभी डॉक्यूमेंट को डायरेक्टली आप यहाँ पर एडिट करके यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम कवर पेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको बहुत सारे कवर पेजेस दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से किसी भी कवर पेज को आप यहाँ पे सेलेक्ट करके उसको एडिट कर सकते हैं। मान लीजिए अब एग्जांपल के लिए हमने इस वाले डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट किया और यहाँ पर इंसर्ट बटन पर क्लिक किया। जैसे हम इंसर्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारा वो फॉर्मेट यहाँ पर रिप्रेजेंट हो गया और इसके बाद यहाँ पर हम इसका टाइटल ऐड करके इस डॉक्यूमेंट को यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इस पर क्लिक किया और यहाँ पर हमने टाइटल में टाइप कर दिया एक्सेल इन्फोटेक। एक्सेल इन्फोटेक लिखने के बाद इसके नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा एडमिन। एडमिन में आप जो भी ऑथर का नाम देना चाहें वो एडिट कर सकते हैं, कोई कंपनी का नाम अगर देना चाहें वो एडिट कर सकते हैं और अपनी कंपनी का एड्रेस देना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इस तरीके से आप इस कवर पेज का यूज़ कर सकते हैं। यही फीचर आपको इंसर्ट टैब में यहाँ पर दिखाई देगा। इस कवर पेज पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे फॉर्मेट्स दिखाई देंगे। इन फॉर्मेट्स का आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं और अगर आपको और ज़्यादा फॉर्मेट चाहिए तो जैसा कि मैंने आपको बताया आप इसी ऑप्शन पर जा करके यहाँ से बिल्डिंग ब्लॉक सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के कवर पेजेस मिलेंगे, उनका भी आप यूज़ कर सकते हैं।
इसी तरीके से अगर हम बात करें इक्वेशंस की, तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको कुछ इक्वेशंस नज़र आ रहे हैं, इनमें से आप कोई भी इक्वेशन सेलेक्ट करके यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने सब कुछ डिलीट कर दिया और इसके बाद हम चले जाते हैं वापस से उसी ऑप्शन पर, और यहाँ नीचे की तरफ अगर हम आएंगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर इक्वेशंस, इसमें से कोई भी इक्वेशन आप सेलेक्ट करके जैसे आप इंसर्ट करेंगे तो आपका वो इक्वेशन यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद आप इसमें एडिट करके इस इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से हम वापस से इसी ऑप्शन पर जाते हैं और उसी ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे की तरफ देखेंगे, आपको यहाँ पर हेडर और फुटर भी दिखाई देगा, आप इसका भी इसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप और नीचे जाते हैं तो नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पर टेबल्स भी दिखाई देंगी, जिसमें से आप किसी भी टेबल फॉर्मेट को सिलेक्ट करके उसको भी आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने इस वाली टेबल को यहाँ पर सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे आपके सामने दो ऑप्शन और दिखाई दे रहे हैं, एडिट प्रॉपर्टी का और डिलीट का। आप चाहें तो इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से आपका ये डेटा डिलीट हो जाएगा, उसके बाद आपको ये दिखाई नहीं देगा। और एडिट प्रॉपर्टी पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप इसकी प्रॉपर्टी के साथ वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, जैसे गैलरीज में यहाँ पर हमने फॉर्मेट दिया हुआ है टेबल्स का, कैटेगरी में हमने बिल्ड इन दिया हुआ है। इसी तरीके से आप यहाँ पर जो भी चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में सब कुछ बताया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ से मान लीजिए हमने इस फॉर्मेट को सेलेक्ट करके इंसर्ट किया, इंसर्ट करते ही आपके सामने टेबल का फॉर्मेट इंसर्ट हो गया। आप इसको एडिट करके यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं और अपने हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से इंसर्ट टैब में अगर आप जाएंगे तो यही सभी टेबल के फॉर्मेट्स आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्विक टेबल्स में जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पर काफ़ी सारे फॉर्मेट्स आपको दिखाई देंगे। अब इसके अलावा अगर आपको एक्स्ट्रा फॉर्मेट्स चाहिए तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको इसी जगह पर और भी एक्स्ट्रा फॉर्मेट्स दिखाई देंगे जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अल्टरनेटिव टेक्स्ट का यूज़ करना चाहते हैं या फिर हमने कोई स्टोरी लिखी है आप उसको यूज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे हेलो के नाम से हमने यहाँ पर एक ऑटो टेक्स्ट तैयार किया हुआ है, जिसको भी आप जब चाहें तब इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे आप इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए वो हमारी स्टोरी इंसर्ट हो गई। हम इसको फिलहाल यहाँ से डिलीट कर देते हैं और फ्रेशली आपको इंसर्ट करके दिखाते हैं। यही फीचर आपको देखना है तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑटो टेक्स्ट आपको दिखाई देगा। यहाँ पर हमने ये हेलो के नाम से स्टोरी लिखी है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो स्टोरी यहाँ पर हमारे सामने रिप्रेजेंट हो जाएगी। सेम एज इट इज़, इसी तरीके से आप इस फीचर पर जा करके भी आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करके जैसे आप इंसर्ट करेंगे तो वही सेम डाटा आपका यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो कहने का सीधा मतलब ये हुआ कि आप इसके अंदर जितने भी फीचर्स हैं, जितने भी फॉर्मेट्स हैं जो कि हमारे MS Word हमें रिप्रेजेंट करते हैं, कि आप इन फीचर का यूज़ करके इसमें एडिटिंग करके अपना कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं, तो उसका सभी फॉर्मेट आपको एक जगह पर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइजर पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको सभी फॉर्मेट्स दिखाई देंगे, फिर चाहे वो आपका वाटरमार्क क्यों ना हो। आप नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको टेक्स्ट बॉक्सेस दिखाई देंगे, ये सभी टेक्स्ट बॉक्सेस आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जिसका आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप नीचे की तरफ देखेंगे तो वाटरमार्क भी आपको दिखाई दे रहे हैं, इन वाटरमार्क का भी आप अपने हिसाब से एडिट करके इसको यूज़ कर सकते हैं। और वाटरमार्क अगर आप देखेंगे तो आपको जाना होगा डिज़ाइन टैब के अंदर और यहाँ पर आपको वाटरमार्क दिखाई देगा, जिसमें आपको सिर्फ चार फॉर्मेट दिए हुए हैं वाटरमार्क्स के। इसके अलावा इसमें आप एडिटिंग करना चाहें तो एडिटिंग भी कर सकते हैं, कस्टम वाटरमार्क में जा करके आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप वहाँ से वाटरमार्क को इंसर्ट करके उसमें भी आप एडिट करना चाहें तो एडिट कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस को आपको जा करके ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आप एक ही जगह से उन सभी फॉर्मेट्स को यूज़ कर सकते हैं। यही ऑप्शन है हमारा बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइजर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वर्ड आउट ऑप्शन एक्चुअल में आपको मिलता कहाँ पे है। आपको इसके लिए जाना होगा MS Word के इंसर्ट टैब के अंदर और यहाँ पर आपको दिखाई देगा वर्ड आउट का एक ऑप्शन। अब बेसिकली वर्ड आउट ऑप्शन यूज़ किस लिए किया जाता है, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। वर्ड आउट ऑप्शन बेसिकली यूज़ होता है किसी भी टेक्स्ट को मॉडिफाई करने के लिए या किसी भी टेक्स्ट को एक अट्रैक्टिव वर्ड बनाने के लिए। जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं कि आप MS Word में आप किसी हेडिंग को या किसी भी नाम को एक अट्रैक्टिव वर्ड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप वर्ड आउट ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको काफ़ी सारे फॉर्मेट्स दिखाई देंगे जिसमें काफ़ी सारे अलग अलग स्टाइल्स के वर्ड्स हैं, जिसमें से आप किसी भी वर्ड आर्ट को सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि टाइप योर टेक्स्ट, यानी यहाँ पर जो भी आप टेक्स्ट टाइप करेंगे वो एक अट्रैक्टिव फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं एक्सेल इन्फोटेक। इसके अलावा अगर आप फॉन्ट के स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आपको यहाँ पर काफ़ी सारे फॉर्मेट मिलेंगे जिसमें आप फॉन्ट के स्टाइल को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हम फिलहाल उसी फॉर्मेट को रहने देंगे। यहाँ से आप चाहें तो साइज़ को भी आप यहाँ से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। बोल्ड या इटैलिक करना चाहें तो उसे भी आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप और ओके पर प्रेस करेंगे आप, तो आप देखेंगे आपका जो टेक्स्ट था वो एक अट्रैक्टिव फॉर्मेट में आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाएगा।
मतलब ये देखने में आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो बेसिकली इसको आप हेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। जैसे ही इस वर्ड पे आप डबल क्लिक करेंगे, तो डबल क्लिक करते ही आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे, जिसकी मदद से आप इसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो हमारी वीडियोज़ को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों में इसे शेयर करें। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट करें। और यदि हमारी नई वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंचती रहे तो इसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में जो आपको बेल आइकन दिखाई दे रहा है उसे प्रेस करें, ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंचती रहे। एक्सेल इन्फोटेक के द्वारा बनाई गई अन्य सभी वीडियोस जैसे कि MS Office, Corel Draw, Photoshop, TelePrime इत्यादि की प्लेलिस्ट के लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर एडिट टेक्स्ट की। अगर आप पहला ऑप्शन एडिट टेक्स्ट का यूज़ करेंगे तो आप वापस से इसमें कोई एडिटिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन की अगर हम बात करें तो यह है स्पेसिंग, जिसके अंदर आप अपने हिसाब से इसके अंदर स्पेस को एडजस्ट कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे हमारा जो वर्ड है वो काफ़ी चिपका हुआ आपको दिखाई देगा, यहाँ पर जितना भी आप लूज़ करना चाहें उतना लूज़ आप इसको यहाँ पर कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से इसके स्पेसिंग को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम फिलहाल इसको टाइटली वर्ड ही रखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक और ऑप्शन दिखाई देगा इवन हाइट का। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपने सभी टेक्स्ट की हाइट को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक और ऑप्शन दिखाई देगा वर्ड आर्ट वर्टिकल टेक्स्ट। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट होगा वर्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, और जैसे ही आप इस पर दोबारा से क्लिक करेंगे तो ये वापस से हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे नीचे की तरफ आपको यहाँ पर अलाइनमेंट दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आप अपने टेक्स्ट के अलाइनमेंट्स को लेफ्ट या राइट सेंटर एडजस्ट कर सकते हैं। अभी मैं इसमें किसी भी वर्ड पर क्लिक कर रहा हूँ तो बेसिकली ये वर्क नहीं कर रहा। ये वर्क इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इसमें अभी हमने सिर्फ एक ही लाइन लिखी हुई है। जब इसमें हम तीन चार लाइन लिख लेंगे तो उसके बाद ये ऑप्शन हमारा काम करेगा। यानी बेसिकली इस ऑप्शन के लिए आपके पास तीन से चार लाइनें होनी चाहिए। तो उसके लिए हम वापस से एडिट टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं और इसके नीचे हम एक लाइन को और ऐड कर देते हैं, जैसे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, और उसके बाद हमने कर दिया इसको ओके। ओके करने के बाद आप देखेंगे हमारी यहाँ पर दो लाइनें आ चुकी हैं। इसके बाद हम इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर यूज़ किया लेफ्ट अलाइन, तो आप देखेंगे हमारा जो टेक्स्ट था वो लेफ्ट साइड में एडजस्ट हो गया। इसी तरीके से अगर आप सेंटर करना चाहें तो सेंटर पे कर सकते हैं। इसी तरीके से आपके सामने काफ़ी सारे अलाइनमेंट दिए हुए हैं जिसका आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जस्टिफाई वगैरह का। तो फिलहाल हम इसको लेफ्ट अलाइन रखते हैं और वापस से एडिट टेक्स्ट में जा करके हम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को वापस से यहाँ से हटा कर ओके कर देते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे वर्ड आर्ट स्टाइल्स के। इसमें से अगर आप कोई इसका स्टाइल वापस से बदलना चाहते हैं तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसका स्टाइल ऑटोमेटिक वापस से चेंज हो जाएगा। इसमें बहुत सारे आपको स्टाइल दिखाई देंगे जिसका आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने कुछ ऑप्शन आएगा शेप फिल्स का। इस शेप फिल का यूज़ कर सकते हैं आप अपने हिसाब से इसमें कलर्स फिल करने के लिए। जैसे मान लीजिए अभी जो इसमें बाय डिफॉल्ट कलर है उसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने कलर्स हैं। इनमें से कोई भी कलर अगर आप यूज़ करेंगे तो उसका देखेंगे आप कलर यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा इसके नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपके सामने एक मोर फिल कलर्स का एक ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें से आप कोई कलर खुद से क्रिएट भी कर सकते हैं, उसके बाद उसका यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर नीचे की तरफ हम बात करें तो आप चाहें तो इसके अंदर कोई पिक्चर का भी यूज़ कर सकते हैं। पहले हम इसके फॉर्मेट को थोड़ा सा चेंज करते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। तो इसके लिए हम वापस से उसी फॉर्मेट को यूज़ कर लेते हैं। उसी फॉर्मेट को यूज़ करने के बाद हम वापस से चले जाते हैं इसी ऑप्शन पर और यहाँ पर हम यूज़ करते हैं पिक्चर वाला ऑप्शन। पिक्चर फॉर्मेट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर तीन ऑप्शन आ रहे हैं, जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है। तो यहाँ पर आप चाहें तो अपनी फाइल अपने सिस्टम में से सेलेक्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो बिंग सर्च में से निकाल सकते हैं, या फिर आपके अगर ड्राइव पर सेव है तो वहाँ से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल हम बिंग सर्च का यूज़ करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर काफ़ी सारी इमेजेस आ जाएंगी। ये इमेज तभी आएंगी जब आपके सिस्टम में नेट कनेक्ट होगा। तो इसके बाद यहाँ से हम किसी भी इमेज को यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं, किसी भी कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेते हैं और उस कैटेगरी से रिलेटेड आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने इमेजेस रिप्रेजेंट हो जाएंगी। इनमें से कोई भी इमेज आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए हमने फर्स्ट इमेज को सेलेक्ट किया और यहाँ पर कर दिया हमने इसे इंसर्ट। जैसे हम इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे थोड़ा सा टाइम लेने के बाद वो इमेज हमारे इस टेक्स्ट के अंदर एडजस्ट हो गई है। आप देखेंगे ध्यान से, मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए वो इमेज हमारी इस टेक्स्ट के अंदर एडजस्ट हो गई है। तो इस तरीके से भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं।
इसके नीचे की तरफ अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको ग्रेडियंट्स मिलेंगे, इसमें काफ़ी सारे ग्रेडियंट्स हैं जिसमें आप किसी भी ग्रेडियंट का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पर जाएंगे मोर ग्रेडियंट्स के ऑप्शन है, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप काफ़ी सारे ग्रेडियंट्स खुद से क्रिएट भी कर सकते हैं, जैसे टेक्स्चर चाहिए, ग्रेडियंट चाहिए, पैटर्न चाहिए या पिक्चर चाहिए, तो यहाँ पर सभी ऑप्शन एक साथ आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पर ग्रेडियंट को सिलेक्ट करते हैं। ग्रेडियंट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से जो भी कलर आप सिलेक्ट करना चाहें, जो भी स्टाइल सिलेक्ट करना चाहें, वो यहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं। टू कलर का कॉम्बिनेशन करना चाहें या टू कलर का कॉम्बिनेशन करना चाहते हैं, अभी प्रेजेंट का यूज़ करना चाहें तो प्रेजेंट का भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें से जिस भी ऑप्शन का आपको सिलेक्शन करना है उसका सिलेक्शन करके जैसे आप यहाँ ओके करेंगे तो वही कलर आप देखेंगे इसके अंदर फुलफिल हो जाएगा। इसके अलावा नीचे की तरफ अगर आप जाएंगे तो आपको पैटर्न दिखाई देगा। पैटर्न पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको काफ़ी सारे यहाँ पर पैटर्न नजर आएंगे। जौन सा पैटर्न आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है उसे सेलेक्ट करके आप जहाँ जैसे ओके करेंगे तो वो पैटर्न आपका यहाँ पर फुलफिल हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर हम वापस से इसको सिंपल कर लेते हैं, पहले सिंपल कोई भी कलर इसके अंदर फिल कर लेते हैं। नीचे की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर शेप आउटलाइन का ऑप्शन है, तो ये बेसिकली जो ऑप्शन है वो बेसिकली आउटलाइन के लिए यूज़ किया जाने वाला ऑप्शन है। इसमें आप आउटलाइन में कोई भी कलर चेंज करना चाहें तो आउटलाइन का कोई कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए, जैसे हमने रेड कलर का यहाँ पर यूज़ किया तो आप देखेंगे इसकी जितनी भी आउटलाइंस है वो सभी रेड कलर में कन्वर्ट हो गई हैं। इसके अलावा अगर आप नो आउटलाइन का यूज़ करेंगे तो इसकी आउटलाइन यहाँ से रिमूव हो जाएगी। मोर आउटलाइन कलर्स पर अगर आप क्लिक करेंगे तो इस पर आप अपने हिसाब से कोई भी कलर बना करके इसको ओके करके उसको आउटलाइन के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके नीचे की तरफ अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर आपको डैशेस दिखाई देंगे, डैशेस में आप चाहें तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। एरोस की अगर हम बात करें तो एरो का हमने यहाँ पर यूज़ नहीं किया हुआ है इसलिए ये ऑप्शन हमारा हाइड है। पैटर्न्स की बात करें तो आप चाहें तो इसकी आउटलाइन में भी आप पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई भी पैटर्न सेलेक्ट करके यहाँ ओके करेंगे तो वो पैटर्न इसकी आउटलाइन में यूज़ हो जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद बात करते हैं हम लोग चेंज शेप्स की। चेंज शेप पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने काफ़ी सारी शेप्स के स्टाइल्स हैं जिससे आप अपने टेक्स्ट को इजीली किसी भी शेप स्टाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी शेप देना चाहें, जो भी एंगल देना चाहें, क्लिक करके आप उसमें इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर शेडो की, तो शेडो का यूज़ करने से पहले मैं इसको वापस से नॉर्मल कन्वर्ट कर लेता हूँ जैसे ये पहले था। तो यहाँ पर हम क्लिक करके कोई भी फॉर्मेट यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, जैसे हम वापस से अपना वही फॉर्मेट लेते हैं। बेसिकली ये फॉर्मेट मुझे काफ़ी अच्छा लगता है तो इसके ऊपर ही मैं आपको सारे एग्जाम्पल्स करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं शेडोज़ की। शेडोज़ को सिलेक्ट करके हम यहाँ पर कोई भी शेडो यूज़ कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे यहाँ पर आपकी शेडो आप लेफ्ट या राइट सेंटर जहाँ पे भी एडजस्ट करना चाहें आप अपने हिसाब से यहाँ पे शेडोज़ को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इसमें से अगर आपने किसी शेडो का यूज़ कर लिया है तो उसके बाद अपनी शेडो को लेफ्ट या राइट यहाँ पे अलाइनमेंट भी दे सकते हैं। या देखेंगे आपको चारों तरफ से पोजीशन दिखाई देंगी जिसकी मदद से आप अपनी शेडोज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर 3D इफेक्ट आपको दिखाई देगा। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको काफ़ी सारे 3D के ऑप्शंस नजर आएंगे जिसमें आप अपनी टेक्स्ट को किसी भी 3D ऑप्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इसको यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया। इसके अलावा नीचे की तरफ अगर आप जाके देखेंगे तो यहाँ पर 3D कलर का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा जिसमें आप इसके बैक साइड 3D का कलर चेंज कर सकते हैं। जो 3D का जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसका कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। डेप्थ की अगर हम बात करें तो डेप्थ आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे हमने 72 PT लिया हुआ है तो उसे अगर आप यहाँ पर 36 लेंगे तो इसकी मोटाई आप देखेंगे थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो आप अपने हिसाब से इसकी जो भी डेप्थ है वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। डायरेक्शंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे डायरेक्शंस मिलेंगे, इसमें से किसी भी आप डायरेक्शन को यहाँ पर ईजिली यूज़ कर सकते हैं। लाइटिंग्स की अगर हम बात करें तो आप अपने इस 3D के ऑप्शन के ऊपर लाइटिंग कहाँ से देना चाहते हैं वो लाइटिंग्स यहाँ पे आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सेंटर सेलेक्ट करेंगे तो सेंटर में इसमें लाइटिंग आ रही है। नीचे से आप लाइट देना चाहें, सेंटर से लाइट देना चाहें, ऑफ टॉप से लाइट देना चाहें, तो जिस तरफ से आप लाइट देना चाहें उस पर क्लिक करेंगे उसी तरफ से इसके अंदर लाइटिंग आपको दिखाई देगी। इसके अलावा नीचे की तरफ अगर आप जाएंगे तो इसका सरफेस है। सरफेस को आप कितना अपने हिसाब से एडजस्ट करना चाहते हैं, सरफेस को कितना रखना चाहते हैं आप अपने हिसाब से यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इसका सरफेस यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप 3D को रोटेट करना चाहते हैं चारों तरफ पोजीशन में अपने हिसाब से, तो उसके लिए भी आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो 3D ऑप्शन है ये चारों तरफ यहाँ से रोटेट हो सकता है। इसको आप यहाँ से इजीली यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर पोजीशन की, तो यहाँ पर आप पोजीशन आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए ये आपका पेज है और पेज के हिसाब से आप जिस पोजीशन पर अपने डाटा को रखना चाहते हैं, जिस पोजीशन पर आप अपने टेक्स्ट को रखना चाहते हैं, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो पोजीशन था यहाँ पर ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर वर्ड रैप की, तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर एक पैराग्राफ इंसर्ट कर लेते हैं। पैराग्राफ के लिए मैंने आपको वही बता रखा है, आपको टाइप करना है RAND रैंड लिखना है, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करना और प्रेस करना है एंटर। एंटर प्रेस करने के बाद आपके सामने यहाँ पर काफ़ी सारे पैराग्राफ्स आ जाएंगे। इस पैराग्राफ को यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। अब आप देखेंगे हम इस टेक्स्ट को जहाँ भी मूव कर रहे हैं या बड़ा या छोटा करेंगे तो ये ऑटोमेटिक एडजस्ट होता चला जाएगा इसके पैराग्राफ के हिसाब से। तो इस पर वापस से हम डबल क्लिक करते हैं, टूल्स वापस से खुल गए हमारे।
रैपिंग्स की अगर हम बात करें तो पिछली वीडियो में मैंने रैप टेक्स्ट के बारे में अच्छी तरीके से आपको बता रखा है। बेसिकली ये शेप पे भी काम करता है, पिक्चर्स पे भी काम करता है और वर्ड आर्ट के ऊपर भी ये काम करता है। जैसे सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर इनलाइन विद टेक्स्ट की, तो इनलाइन विद टेक्स्ट जैसे हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, तो आप देखेंगे इसकी जो स्टार्टिंग हुई है इस लाइन से हिसाब से स्टार्टिंग हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर नेक्स्ट स्क्वायर की, तो यहाँ पर जैसे हम स्क्वायर ऑप्शन का यूज़ करेंगे तो इसे हम कहीं पर भी लेकर मूव करेंगे तो आप देखेंगे इसने अपने आप स्क्वायरली स्पेस अपना बना लिया है। यानी जहाँ पर भी हमारा ये टेक्स्ट लिखा होगा उसके चारों तरफ ऑटोमेटिकली स्क्वायर स्पेस यहाँ पर दिखाई आपको दे जाएगा। उसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर टाइट का एक ऑप्शन है। टाइट का मतलब आपका जो टेक्स्ट होगा जैसा भी होगा वो ऑटोमेटिक उसी हिसाब से आपका टेक्स्ट एडजस्ट हो जाएगा। थ्रो की अगर हम बात करें तो इसे आप कहीं भी ऊपर या नीचे मूव करेंगे तो ऑटोमेटिकली अपना स्पेस बनाता चला जाएगा। टॉप एंड बॉटम की अगर हम बात करें तो टॉप या बॉटम में आपके टेक्स्ट रहेगा, बाकी इसके लेफ्ट या राइट में कोई भी टेक्स्ट ये अपने आसपास रखने नहीं देगा। बिहाइंड टेक्स्ट की बात करें तो ये टेक्स्ट के पीछे चला जाएगा, जो भी आपने पैराग्राफ यहाँ पे टाइप किया हुआ है उसके पीछे आपको ये दिखाई देगा। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट की बात करें तो ये आपको टॉप पे दिखाई देगा, यानी आपका जो टेक्स्ट होगा वो इसके पीछे छुप जाएगा। एडिट रैप पॉइंट्स की बात करें तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारे पॉइंट्स नजर आएंगे, जिसमें से किसी भी पॉइंट को आप पकड़ करके जैसे आप जहाँ पर भी ड्रैग करेंगे तो उतना स्पेस ही ऑटोमेटिक खाली कर लेगा, और उतनी जगह पर आप इसे कहीं भी मूव करेंगे तो अपने आप ये उतना स्पेस अपना बनाकर चलेगा। तो इस तरीके से आप इन सभी रैपिंग्स का यूज़ कर सकते हैं। इसमें और भी आपके काफ़ी सारे लेआउट्स हैं जिसमें से आप इन सभी का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक का एक ऑप्शन। इसके बाद आप देखेंगे हमारे सामने एक ऑप्शन है ब्रिंग टू फॉरवर्ड एंड सेंड टू बैकवर्ड। इसका यूज़ करने के लिए मैं एक बार सब कुछ पहले से क्लियर कर लेता हूँ और वापस से इंसर्ट टैब में जाकर के दोबारा से एक नया वर्ड आर्ट लेता हूँ। जैसे मान लीजिए हमने इसी वर्ड आर्ट को फिर से लिया, पर हमने कोई भी टेक्स्ट इंसर्ट कर लिया। इसके अलावा हम यहाँ पर एक और वर्ड आर्ट लेना चाहते हैं तो यहाँ पर हम फिर से एक और वर्ड आर्ट ले लेते हैं। इंसर्ट टैब में वापस से जाएंगे, वर्ड आर्ट पे जाएंगे और यहाँ से हमने दूसरा कोई भी स्टाइल हमें सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं लाइक एक्सेल इन्फोटेक और उसके बाद कर दिया हमने ओके। ओके प्रेस करने के बाद आप देखेंगे अब हमारे सामने दो वर्ड आर्ट है। अब दोनों वर्ड आर्ट में से अगर मुझे किसी एक वर्ड आर्ट को इसके पीछे डालना है यानी इसके पीछे भेजना है टेक्स्ट और टाइप के, तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे सेंड टू बैकवर्ड का। जैसे हम सेंड टू बैकवर्ड का यहाँ पर ऑप्शन यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे ये टेक्स्ट हमारा इसके पीछे चला जाएगा, और ब्रिंग टू फॉरवर्ड का अगर हम यूज़ करेंगे तो वापस से इसके ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ पर नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा सिलेक्शन पेन्स का। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने शो और हाइड का एक ऑप्शन दिखाई देगा और यहाँ पर आपको आइज़ का एक ऑप्शन दिखाई देगा। मान लीजिए कि आपने दो दो टेक्स्ट यहाँ पर लिखे हुए हैं और किसी एक टेक्स्ट को आप चाहते हैं कि वो आपको दिखाई ना दे, तो जैसे ही आप इसकी आइज पर क्लिक करेंगे तो ये आइज आपकी क्लोज हो जाएगी, वो टेक्स्ट आपको यहाँ पर नजर नहीं आएगा, और जैसे ही आप इस पर वापस से क्लिक करेंगे तो वो टेक्स्ट आपको वापस से दिखाई दे जाएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि भाई कोई भी टेक्स्ट आपको दिखाई ना दे तो यहाँ पर हाइड ऑल पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट यहाँ पर दिखाई आपको नहीं देगा, और शो ऑल पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो वापस से आपका जो भी वर्ड आर्ट का टेक्स्ट था वो आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो इस ऑप्शन का यूज़ आप पिक्चर्स पे भी कर सकते हैं, शेप पे भी कर सकते हैं और वर्ड आर्ट के ऊपर भी इसका यूज़ किया जाता है। तो इसके बाद वापस से हम इस पर डबल क्लिक करते हैं, आते हैं वापस से अपने उसी ऑप्शन पर। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने अलाइनमेंट्स के काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जिसमें आप टेक्स्ट अलाइनमेंट कर सकते हैं पेज मार्जिन के हिसाब से। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर लेते हैं अलाइन लेफ्ट, तो तैसे ही आप देखेंगे हमारा टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट में एडजस्ट हो गया। उसी तरीके से आप यहाँ से अलाइन अगर राइट करेंगे या सेंटर करेंगे तो आपका टेक्स्ट सेंटर में या राइट में एडजस्ट हो जाएगा। तो इसमें काफ़ी सारे अलाइनमेंट दिए हुए हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के काफ़ी सारे अलाइनमेंट दिए हुए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे पेज अलाइन के ऑप्शन है और भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं जिसका आप यूज़ करके अपने हिसाब से टेक्स्ट के अलाइनमेंट को एडजस्ट कर सकते हैं। नीचे की तरफ अगर हम बात करें ग्रुप की, तो ग्रुप का मतलब होता है दो चीज़ों को आपस में ग्रुप करना यानी जोड़ना। मान लीजिए अब हमारे पास दो टेक्स्ट हैं, एक टेक्स्ट हमने सेलेक्ट किया हुआ है, शिफ्ट को दबा के रखना है, दूसरे टेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। दोनों ही टेक्स्ट हमारे सेलेक्ट हो गए, दोनों टेक्स्ट जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो ये ऑप्शन आपका हाईलाइट हो जाएगा। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ग्रुप का एक ऑप्शन दिखाई देगा। इस ग्रुप ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके दोनों ऑप्शन ग्रुप हो गए हैं, मतलब अगर आप एक टेक्स्ट को मूव करेंगे तो दूसरा टेक्स्ट अपने आप उसके साथ मूव होगा, तो इसे कहते हैं ग्रुप। इसको वापस से अगर आपको अनग्रुप करना है तो वापस से आपको वर्ड आर्ट टूल पर जाना है और यहाँ पे ग्रुप को सेलेक्ट करके आपको अनग्रुप कर देना है। जैसे आपने इसको अनग्रुप किया तो आपका टेक्स्ट वापस से अनग्रुप हो गया, आप इसको अपने हिसाब से जहाँ भी मूव करना चाहें वो मूव कर सकते हैं। अगर आपने एक बार इसको ग्रुप कर रखा है और उसके बाद आपने इसको अनग्रुप कर दिया और उसको कहीं पर भी आपने मूवमेंट करा दिया, यानी किसी टेक्स्ट को इधर या उधर या किसी वर्ड को इधर या उधर कर दिया आपने, और आप चाहते हैं कि अब ये वापस से रीग्रुप हो जाए, तो आपके दोनों को सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधे इसी ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा रीग्रुप का, जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे टेक्स्ट फिर से ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप ग्रुप ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर बात करें रोटेशंस की, तो यहाँ पर आप इसे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल आप फ्लिप कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं।
इसी तरीके से आप इसे अनग्रुप करके चाहें तो आप किसी भी एक टेक्स्ट को यहाँ से रोटेशन दे सकते हैं। जैसे ये देखें 90 डिग्री, 180 डिग्री, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, आप इसे चाहें तो जैसे भी रोटेट करना चाहें वैसे आप इसको रोटेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर साइज़ का आपके सामने एक ऑप्शन दिखाई देगा। इस साइज़ को आप अपने हिसाब से जितने जैसे क्लिक करेंगे हाइट या विथ आप यहाँ से अपने हिसाब से इसकी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। जिसको जितना भी आप बड़ा या छोटा करेंगे उतना बड़ा या छोटा आपका साइज़ यहाँ पर होता चला जाएगा। तो इस तरीके से आप वर्ड आर्ट ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं कि आप MS Word के अंदर किस तरीके से ड्रॉप कैप ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। आप एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर देखेंगे हमने यहाँ पर दो तरीके का ड्रॉप कैप यूज़ किया हुआ है। इसका मोस्टली आपने यूज़ देखा होगा न्यूज़पेपर्स के अंदर, जो भी इंग्लिश के न्यूज़पेपर्स होते हैं उसमें आपने ड्रॉप कैप का यूज़ देखा होगा। तो इसको आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं आज मैं वो क्लियर करूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो हमारी वीडियोज़ को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों में इसे शेयर करें। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट करें और यदि हमारी नई वीडियोज़ की जानकारी आप तक पहुंचती रहे तो इसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में जो आपको बेल आइकन दिखाई दे रहा है उसे प्रेस करें ताकि नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुँचती रहे। एक्सेल इन्फोटेक के द्वारा बनाई गई अन्य सभी वीडियोज़ जैसे कि MS Office, CorelDRAW, Photoshop, TeleProime इत्यादि की प्लेलिस्ट के लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सबसे पहले हम इन सभी डाटा को क्लियर कर लेते हैं। क्लियर करने के बाद यहाँ पर आपको एक कमांड डालनी है, इज इक्वल टू RAND लिखना है, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को ओपन करना है, ब्रैकेट को क्लोज करना है और प्रेस करना है एंटर। इसकी जगह पर आप अपना कोई डेटा भी ले सकते हैं जिसमें आप ड्रॉप कैप का यूज़ करना चाहते हैं। अब आप देखेंगे ड्रॉप कैप ऑप्शन अभी प्रेजेंट टाइम में हाइड है, अभी ये शो नहीं हो रहा। ये शो तब होगा जब हम किसी पैराग्राफ पर क्लिक करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने पहले पैराग्राफ पर यहाँ पर क्लिक कर दिया, जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया तो आप देखेंगे हमारा ड्रॉप कैप यहाँ पर हाईलाइट हो गया। इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारे सामने तीन तरह के ड्रॉप कैप्स आपको दिखा रहा है, जिसमें सबसे पहला है नन कि आप इसमें ड्रॉप कैप का यूज़ नहीं करना चाहते हैं। दूसरा आप देखेंगे ड्रॉपिड है, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका ड्रॉप कैप यहाँ पर यूज़ हो गया। इसके बाद तीसरा ऑप्शन आप देखेंगे यहाँ पर इन मार्जिन है, यानी ये मार्जिन के हिसाब से आपका ड्रॉप कैप यूज़ होता है। तो सबसे पहले इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये बेसिकली आपका ड्रॉप कैप यहाँ पर यूज़ हो गया। सेकंड पैराग्राफ को क्लिक करके अगर मैं यहाँ पर दूसरा ड्रॉप कैप यूज़ करके आपको दिखाऊँ तो ये बेसिकली मार्जिन के हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट हो रहा है। इसका मार्जिन अगर आप देखेंगे तो पैराग्राफ से आपका डाटा हटकर है, तो इस तरीके से आपका यहाँ पर ड्रॉप कैप यूज़ होगा। इसके अलावा यहाँ पर नीचे की तरफ अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ड्रॉप कैप ऑप्शन का, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो वही तीन ऑप्शन आपको यहाँ पर भी नजर आएंगे। इसके अलावा इसके अंदर कुछ आपकी सेटिंग्स हैं जिसको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहले अगर हम बात करें फॉन्ट की तो यहाँ पर जो भी फॉन्ट हमारा अभी आ रहा है उसका नाम है प्लस बॉडी। इसके अलावा अगर आप फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके आपको कुछ फॉन्ट यहाँ पर दिखाई देंगे जिसमें से आप किसी भी फॉन्ट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर हेडिंग CS ले लिया, हेडिंग CS लेने के बाद हम यहाँ पर ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद आप देखेंगे इसमें हल्का सा चेंज आया है। मैं कोई दूसरा फॉन्ट लेकर के आपको दिखाता हूँ ताकि आपको इसमें चेंजेस समझ में आए। तो यहाँ से हमने इस पर क्लिक किया, यहाँ से हम कोई दूसरा फॉन्ट ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर जूस करके एक फॉन्ट है वो सिलेक्ट किया और जैसे ही हम यहाँ पर ओके प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे फॉन्ट का स्टाइल आपका यहाँ पर बदल गया। कंट्रोल सेट करने के बाद हम पीछे चले जाएंगे और उसके बाद फिर से इसी ऑप्शन पर हम जाएंगे ड्रॉप कैप ऑप्शन पर और नीचे की तरफ आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने दिखाई देगा लाइन टू ड्रॉप। अब इसका यूज़ कैसे किया जाएगा, तो इसका यूज़ करने के लिए हम पहले वाले ड्रॉप कैप पर आ जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे अभी फिलहाल हमने तीन पैराग्राफ्स का यहाँ पर ड्रॉप कैप का यूज़ किया हुआ है। अगर आप इसे कम करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जाइए ड्रॉप कैप ऑप्शन पर जाइए और यहाँ पर 3 की जगह आप यहाँ पर 2 कर दीजिए। 2 करने के बाद जैसे आप इसे ओके प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपका ड्रॉप कैप यहाँ पर सिर्फ 2 लाइन को कवर कर रहा है, 3 लाइन्स को कवर नहीं कर रहा। तो यहाँ से आप इसकी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर नीचे की तरफ अगर आप जाके देखेंगे तो नेक्स्ट ऑप्शन है आपका डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट, यानी आपका जो ड्रॉप कैप है वो टेक्स्ट से कितना डिस्टेंस में होना चाहिए। तो यहाँ पर फिलहाल 0 लिया हुआ है, अगर आप इसे बढ़ाना चाहें तो मान लीजिए हमने यहाँ पर 4 ले लिया। 4 लेने के बाद जैसे हम यहाँ पर ओके प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे इसका डिस्टेंस कितना ज़्यादा इंक्रीज हो गया। तो इसके डिस्टेंस को आप यहाँ से ईजिली मैनेज कर सकते हैं। फिलहाल इसको हम 0 रख करके ओके कर देते हैं। तो आपने देखा इस तरीके से ड्रॉप कैप ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। डिजिटल सिग्नेचर के बारे में एग्जाम्पल के लिए आप देखेंगे यहाँ पर हमने एक सिग्नेचर क्रिएट किया हुआ है जिसको आप अपने MS Word में सेव करके रख सकते हैं और जब भी जहाँ भी चाहें आप इसे इंसर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आप कोई बुक क्रिएट कर रहे हैं या फिर कोई लेटर क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पर आपको अपने इस सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको बार बार आपको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है,
आप MS Word में इसको सेव करके रख सकते हैं और जहाँ भी चाहें जब भी चाहें आप इसको वन क्लिक से इंसर्ट कर सकते हैं। हालांकि MS Word भी हमें एक ऑप्शन देता है जिससे हम डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर टेक्स्ट के अंदर एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा ऐड अ सिग्नेचर लाइन का। बट इसमें एक प्रॉब्लम ये होती है कि इसमें हमें सबसे पहले साइन इन करना पड़ता है, साइन इन करने के बाद ही आप इस सिग्नेचर को क्रिएट कर सकते हैं और ये हमें सर्टिफाइड करता है कि आप एक माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर हैं, तभी आप इस डिजिटल सिग्नेचर का यूज़ कर सकते हैं। मैं सिग्नेचर का भी आपको यूज़ दिखाता हूँ कि आप बिना साइन इन करे आप किस तरीके से इसका सिग्नेचर यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं और साथ ही साथ अगर आप इस तरीके का सिग्नेचर बनाकर अपने MS Word में सेव करके रखना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक नया पेज ले लेते हैं। नया पेज लेने के बाद सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ इंसर्ट टैब के अंदर। इंसर्ट टैब में आप जाएंगे यहाँ पर टेक्स्ट वाले ऑप्शन में और यहाँ पर आपको दिखाई देगा सिग्नेचर लाइन का एक ऑप्शन। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा सिग्नेचर सेटअप। यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है, जैसे मान लीजिए हमने डाल दिया यहाँ पर विनोद कुमार पांडे। यहाँ पर आप अपनी पोस्ट डाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने डाल दिया मैनेजर, और मैनेजर डालने के बाद यहाँ पर आपके सामने ईमेल आईडी का ऑप्शन है। अगर आप अपनी ईमेल आईडी डालना चाहें यहाँ पर तो आप डाल सकते हैं और यहाँ पर आपको सिंपली ओके बटन पर प्रेस करना है और ओके करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर एक सिग्नेचर क्रिएट हो जाएगा। बट ये अभी सर्टिफाइड नहीं है क्योंकि हमने इसको माइक्रोसॉफ्ट से लॉगिन नहीं किया हुआ है। अब बात करते हैं डिजिटल सिग्नेचर की। तो डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट करने के लिए आपको जाना है यहाँ इंसर्ट टैब में और यहाँ पर सबसे पहले आपको शेप में जाना है और शेप में यहाँ पर आपको एक लाइन क्रिएट करनी है। लाइन लेने के बाद आपको यहाँ पर लाइन को क्रिएट कर लेना है। जैसे आप लाइन क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने लाइन्स के काफ़ी सारे फॉर्मेट दिखाई देंगे जिसमें से आप कोई भी एक फॉर्मेट यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने ये वाला फॉर्मेट यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद नीचे की तरफ आप जाएंगे। नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पर आप अपना नाम टाइप कर लीजिए, जैसे मैं टाइप कर लेता हूँ यहाँ पर विनोद कुमार पांडे, और उसके बाद इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल बी कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा बोल्ड हो जाए। बोल्ड होने के बाद इस वाली लाइन को आपको सिलेक्ट करना है। इस लाइन को सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर ये एरो दिखाई देगा। इस एरो को सिलेक्ट करने के बाद आपको एरो से नीचे की तरफ आना है, अपने कीबोर्ड का एरो का यूज़ करना है और इसकी मदद से आपको नीचे आकर के इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लीजिए। इस लाइन को एडजस्ट करने के बाद इसके नीचे फिर से आपको आना है। इसके नीचे आने के बाद यहाँ पर आप अपनी पोस्ट यानी डेजिग्नेशन को टाइप कर लीजिए, जैसे मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ वेबसाइट डेवलपर। वेबसाइट डेवलपर आप देखेंगे बोल्ड है तो इसको हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है और यहाँ से बोल्ड को हटा देना है। उसके बाद नीचे की तरफ आ जाएंगे फिर से हम, और इसके नीचे आपको अपनी कंपनी का नाम टाइप कर लेना है, जैसे मैं डाल देता हूँ यहाँ पर एक्सेल इन्फोटेक PVT यानी प्राइवेट LTD यानी कि लिमिटेड। इसके डालने के बाद अब बात करते हैं यहाँ पर सिग्नेचर की, आप सिग्नेचर को किस तरीके से यूज़ करेंगे। तो सिग्नेचर को ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको एक वाइट पेपर पर सिग्नेचर अपना कर लेना है। उसके बाद उसकी फ़ोटो क्लिक करने के बाद यहाँ पर सिस्टम में उसको अपलोड कर लेना है और उसके बाद आपको जाना है इंसर्ट टैब के अंदर और यहाँ पर आपको पिक्चर पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको दिस डिवाइस पर क्लिक करना है, जहाँ पर भी आपने अपना सिग्नेचर रखा हुआ है वहाँ पर इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर कर देना है इंसर्ट। जैसे आप इंसर्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका सिग्नेचर यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा और उसके बाद इसे कॉर्नर से पकड़ करके थोड़ा सा छोटा कर लीजिए। छोटा करने के बाद इसको आप अपने हिसाब से यहाँ पर सिग्नेचर को एडजस्ट कर लीजिए। मान लीजिए हम यहाँ पर इसको सिग्नेचर को रख लेते हैं। अभी आप देखेंगे मैं इसको यहाँ पर सेट कर रहा हूँ तो हमारा टेक्स्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिट हो रहा है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट रैपिंग का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर जाएंगे हम लोग टेक्स्ट रैपिंग पर और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे बिहाइंड टेक्स्ट। बिहाइंड टेक्स्ट का यूज़ करने के बाद इसको हम सिग्नेचर को यहाँ पर ले आएंगे। लाने के बाद यहाँ पर इसको एडजस्ट कर लेंगे इस तरीके से और इसको जितना भी बड़ा या छोटा करना है आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब आप देखेंगे इसका जो कलर है उस कलर को हमें मैच कराना है बिल्कुल इसके बैकग्राउंड से। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने एक पिक्चर फॉर्मेट का एक ऑप्शन दिखाई देगा और इसके अंदर आपको यहाँ पर कनेक्शन का एक ऑप्शन दिखाई देगा। करेक्शन पर आपको क्लिक करना है। करेक्शन पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर व्हाइट कलर का करेक्शन आपको दिखाई देगा, जिसमें से जो भी आप करेक्शन सेलेक्ट करना चाहें वो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इसको सेलेक्ट किया यहाँ पर और उसके बाद आप देखेंगे आपका जो सिग्नेचर है वो थोड़ा सा लाइटली है। इसको डार्क करने के लिए वापस से आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा आर्टिस्ट इफेक्ट का, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद तो नीचे की तरफ आपको यहाँ पर थोड़ा सा डार्क ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका सिग्नेचर थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर कलर्स पर जाकर के आप इसे थोड़ा सा और भी डार्क कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहें उस ऑप्शन को यहाँ पर जैसे सेलेक्ट करेंगे तो ये थोड़ा सा और आपका डार्क हो जाएगा।
और इस तरीके से आप अपने सिग्नेचर को यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। अब क्रिएट करने के बाद आप अपने इस डेटा को किस तरीके से एमएस वर्ड में सेव कर सकते हैं उसे मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आपको सभी डेटा को एक साथ सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है यहाँ से इंसर्ट टैब के अंदर। इंसर्ट टैब पर जाने के बाद यहाँ पर आपको जाना है क्विक पार्ट गैलरी पर। क्विक पार्ट पर जाने के बाद यहाँ पर आपको लेना है ऑटो टैक्स। ऑटो टैक्स लेने के बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है सेव सिलेक्शन टू ऑटो टैक्स गैलरी। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ से नाम मांगेगा, तो नाम आप यहाँ पर जो भी रखना चाहें वो रख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ विनोद सिग्नेचर, और इसके बाद यहाँ पर मैं इसे ओके बटन पर क्लिक कर देता हूँ। ओके बटन पर क्लिक करने के बाद अब आपको जब भी ये सिग्नेचर रिप्रेजेंट कराना है तो आपको सिर्फ जहाँ पर रिप्रेजेंट कराना है वहाँ पर क्लिक कर लेना है, और उसके बाद इंसर्ट टैब में जाना है, वापस से ऑटो टैक्स ऑप्शन पर जाना है, और यहाँ पर आपको दिखाई देगा ऑटो टैक्स के अंदर हमारे सिग्नेचर का यहाँ पर सिंबल आपको दिखाई देगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका सिग्नेचर यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो मैं इसको सब कुछ क्लियर करके एक बार आपको दोबारा से इंसर्ट करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक नया पेज ले लिया, और यहाँ पर अगर मुझे अपना वो सिग्नेचर इंसर्ट कराना है तो इसके लिए मैं वापस से जाऊँगा क्विक पार्ट ऑप्शन पर। क्विक पार्ट ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ पर ऑटो टैक्स को सिलेक्ट करूँगा, और यहाँ पर आपको दिखाई देगा विनोद सिग्नेचर का एक बॉक्स। जैसे ही मैं इस बटन पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे मेरा वो सिग्नेचर यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप डिजिटल सिग्नेचर का यूज़ कर सकते हैं कि आप एमएस वर्ड 2019 के इंसर्ट टैब के टेक्स्ट ब्लॉक ऑप्शन के अंतर्गत इंसर्ट डेट एंड टाइम ऑप्शन का उपयोग कैसे करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो हमारी वीडियोस को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों में इसे शेयर करें। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट करें, और यदि हमारी नई वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंचती रहे तो इसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में जो आपको बेल आइकन दिखाई दे रहा है उसे प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंचती रहे। एक्सेल इन्फोटेक के द्वारा बनाई गई अन्य सभी वीडियोस जैसे कि एमएस ऑफिस, कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, टेलीप्राइम इत्यादि की प्लेलिस्ट के लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अक्सर हमें डेट एंड टाइम को इंसर्ट करने की आवश्यकता होती है, तो उन्हें डॉक्यूमेंट में कैसे इंसर्ट कर सकते हैं और उन्हें ऑटोमेटिकली कैसे अपडेट कर सकते हैं, और डॉक्यूमेंट के हर पेज पर उन्हें ऑटोमेटिकली कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, आइए देखते हैं। तो इसके लिए हमें जाना होगा इंसर्ट टैब के अंदर, और इंसर्ट में आपको यहाँ पर टेक्स्ट ब्लॉक का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको डेट एंड टाइम ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही डेट एंड टाइम ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें से आप कोई भी फॉर्मेट यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं डेट और टाइम को इंसर्ट करने के लिए। जैसे ऊपर की तरफ अगर हम बात करें तो वहाँ ऊपर की तरफ जो भी फॉर्मेट आपको दिखाई देगा वो सिर्फ डेट का फॉर्मेट होगा, और नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके टाइमिंग का फॉर्मेट है, और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका डेट और टाइम दोनों ही एक साथ आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इस वाले फॉर्मेट को यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। इसे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जैसे हम ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारा डेट और टाइम दोनों ही यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपका डेट और टाइम हिंदी में आपके सामने रिप्रेजेंट हो तो उसके लिए भी आपको इसी ऑप्शन पर वापस से क्लिक करना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा एक लैंग्वेज का ऑप्शन। इस लैंग्वेज ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर हिंदी का एक ऑप्शन दिखाई देगा। हिंदी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। हिंदी वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर काफ़ी सारे फॉर्मेट्स आ जाएंगे, जिस फॉर्मेट का आप यूज़ कर सकते हैं इंसर्ट करने के लिए। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर इस वाले फॉर्मेट को सिलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जैसे ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारा वो डेट यहाँ पर इंसर्ट हो गया हिंदी के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं कि आप अपने डेट और टाइम को किस तरीके से अपडेट कर सकते हैं, यानी जब भी आप अपनी फाइल को ओपन करेंगे तो आपका डेट और टाइम यहाँ पर आपको अपडेटेड मिलेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको सीधे इसी ऑप्शन पर फिर से जाना है। इसी ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ पर आपको कोई भी डेट का एक फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेना है, और फॉर्मेट सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा अपडेट ऑटोमेटिकली का, इस पर आपको टिक कर देना है। इस पर टिक करने के बाद जैसे आप इसे ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका डेट और टाइम यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा, और इसके बाद हम इस फाइल को यहाँ पर सेव कर देते हैं। कंट्रोल एस दबाने के बाद यहाँ पर हम फाइल को सेव करते हैं। यहाँ पर आप फाइल का कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर दे दिया डेट एंड टाइम, और उसके बाद यहाँ पर मैं इसे डॉक्यूमेंट में सेव कर देता हूँ। सेव करने के मैं कुछ मिनट बाद इसको फिर से ओपन करूँगा, और फिर मैं आपको दिखाऊँगा कि ये डेट और टाइम कैसे अपडेट हो जाता है। तो दोस्तों, हमें 3-4 मिनट हो चुके हैं फाइल को सेव किए हुए। अब हम फिर से उस फाइल को ओपन करके देखते हैं। तो आपको विंडो प्लस आर प्रेस करना है, यहाँ पर विनवर्ड टाइप करना है और एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमारी रिसेंट फाइल यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही है। इस फाइल पर हम क्लिक करेंगे।
फाइल को ओपन करने के बाद आप देखेंगे हमारा जो डेट और टाइम था वो यहाँ पर अपडेट हो चुका है। डेट बेसिकली वही है क्योंकि हमने कोई अगले डेट पर इसको ओपन नहीं किया हुआ है, हमने सेम डेट पर इसको ओपन किया है। टाइम की अगर हम बात करें तो उस समय हमारा जो टाइम था वो 12:11:13 था और अब आप देखेंगे 12:16:18 हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपनी फाइल के डेट और टाइम को ऑटोमेटिकली अपडेट भी कर सकते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं, अगर आपने काफ़ी सारे पेजेस लिए हुए हैं और सभी पेजेस पर आप इस डेट एंड टाइम को इंसर्ट करना चाहते हैं और आप ये भी चाहते हैं कि वो ऑटोमेटिक अपडेट होता रहे, तो वो चीज़ आप कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हम पहले इस डेटा को यहाँ से क्लियर कर लेते हैं। इसको टोटल सेलेक्ट करके हम यहाँ से डिलीट बटन दबा देंगे और उसके हेडर वाले पार्ट पर आकर दो बार हम क्लिक करेंगे। जैसे हम हेडर पार्ट पर दो बार क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारे सामने यहाँ पर हेडर एंड फुटर का एक अलग से टैब ओपन हो जाएगा और इस टैब के अंदर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा डेट एंड टाइम का। इस ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे वही सेम ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देगा और यहाँ से आप सेम उसी फॉर्मेट को सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी फॉर्मेट आप यहाँ पर चाहते हैं। तो मान लीजिए हमने उसी फॉर्मेट को फिर से सिलेक्ट किया और यहाँ पर आप देखेंगे आपका अपडेट ऑटोमेटिकली का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर चेक मार्क है। आप इसे अगर ओके रखेंगे तो यहाँ पर ये डेट एंड टाइम ऑटोमेटिक अपडेट होगा और अगर आप इसे हटा देंगे तो ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होगा। तो फिलहाल हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक कर देते हैं। तो आप देखेंगे अभी हमारा डेट और टाइम यहाँ पर फर्स्ट पेज पर रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं यहाँ पर कुछ और पेजेस इंसर्ट कर लेता हूँ, तो इसके बीच में मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और अपने कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ Ctrl+Enter। जैसे ही मैं Ctrl+Enter प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे पेज ब्रेक हो चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे सेकेंड पेज पर भी हमारा जो डेट है वो यहाँ पर दिखाई आपको दे रहा है। इसी तरीके से आप जितने भी पेजेस यहाँ पर लेंगे उन सभी पेजेस पर आपका डेट और टाइम ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिप्रेजेंट होता चला जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने डेट और टाइम फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं एमएस वर्ड के अंदर। एमएस वर्ड 2019 में इंसर्ट टैब में टेक्स्ट ब्लॉक ऑप्शन के अंतर्गत ऑब्जेक्ट ऑप्शन का उपयोग कैसे करते हैं। यदि आप एमएस वर्ड में रहते हुए अलग अलग सॉफ्टवेयर पर काम करना चाहते हैं, जैसे कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इंसर्ट करना चाहते हैं या फिर एक्सेल शीट इंसर्ट करना चाहते हैं या फिर कोई भी वीडियो या कोई पीडीएफ फाइल को इंसर्ट करना चाहते हैं, इसके अलावा यदि आप किसी पीडीएफ फाइल में या फिर किसी अदर एक्सटेंशन फाइल के अंदर आप कोई चेंज करना चाहते हैं, तो उस फाइल को भी आप एमएस वर्ड में इस ऑप्शन की मदद से इंसर्ट करके उसमें कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। तो यह सब आप इंसर्ट ऑब्जेक्ट ऑप्शन की सहायता से कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो हमारी वीडियोस को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों में इसे शेयर करें। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट करें और यदि हमारी नई वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंचती रहे तो इसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में जो आपको बेल आइकन दिखाई दे रहा है उसे प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंचती रहे। एक्सेल इन्फोटेक के द्वारा बनाई गई अन्य सभी वीडियोस जैसे कि एमएस ऑफिस, कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, टेलीप्राइम इत्यादि की प्लेलिस्ट के लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके लिए सबसे पहले आपको जाना होगा इंसर्ट टैब के अंदर। यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने ऑब्जेक्ट का एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। बेसिकली ये वो सभी ऑप्शन हैं जो कि एप्लीकेशन आपने अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर रखे हैं, यानी आपने अपने सिस्टम में जितने भी एप्लीकेशन इंस्टॉल किए हुए हैं वो सभी एप्लीकेशन आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। जिस भी एप्लीकेशन को आप यूज़ करना चाहते हैं उसको आपको सिंपल क्लिक करना होगा और यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करना होगा। उससे पहले यहाँ पर आप एक ऑप्शन देखेंगे डिस्प्ले एज आइकन का, तो आपको उस एप्लीकेशन का यहाँ पर आइकन दिखाई देगा जिस एप्लीकेशन को आप यहाँ पर इंसर्ट करने वाले हैं। तो इसको इंसर्ट करने से पहले आपको यहाँ पर चेक मार्क को यहाँ पर हटा देना है और उसके बाद बिटमैप इमेज को सेलेक्ट करके और यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपका यहाँ पर एमएस पेंट ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप पेज के साइज को अपने हिसाब से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं और इसके अंदर आप कुछ भी डिजाइन कर सकते हैं, कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक एलिप्स लिया और एलिप्स यहाँ पे ड्रॉ किया, यहाँ से कोई भी कलर बकेट लिया और यहाँ से कोई भी कलर फिल इसके अंदर कर दिया। उसके बाद जैसे ही मैं एमएस पेंट को यहाँ पर क्लोज करूँगा तो आप देखेंगे हमारा जो डिज़ाइन था, जो हमने डिज़ाइन एमएस पेंट में किया था, वो आपको यहाँ पर एमएस वर्ड में दिखाई देने लग जाएगा। अगर आप इसमें फिर से कोई चेंजेस करना चाहते हैं आपको सिर्फ इस पे जाकर के डबल क्लिक करना होगा। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपका वो एप्लीकेशन फिर से यहाँ पर ओपन हो जाएगा और इसके अंदर आप जो भी चेंजेस एक्स्ट्रा करना चाहते हैं वो चेंजेस करके जैसे आप इसे कट करेंगे वो चेंजेस आपको यहाँ पर देखेंगे रिप्रेजेंट मिलेगी। इस तरीके से आप कोई भी एप्लीकेशन यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं एक एप्लीकेशन और आपको इंसर्ट करके दिखाता हूँ। इसको मैं Ctrl+A करके पहले डिलीट कर देता हूँ। वापस से इंसर्ट टैब में जाना है, ऑब्जेक्ट पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर हम सर्च करते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को। नीचे की तरफ आप आएंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन।
इस पर जैसे ही आप क्लिक करके यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका यहाँ पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ओपन हो जाएगा। अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो आप देखेंगे आपको जितने भी ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं ये सभी आपके पावर पॉइंट के ऑप्शंस हैं। और सबसे ऊपर की तरफ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा डॉक्यूमेंट वन, यानी कि ये बेसिकली डॉक्यूमेंट जो है वो एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर आप पावर पॉइंट को ओपन करके उसको यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं इसको यूज़ करके दिखाता हूँ, यहाँ पर मैंने क्लिक टाइटल पर क्लिक किया और यहाँ पर कोई भी टाइटल यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ। जैसे मैंने टाइप कर दिया एक्सेल इन्फोटेक, उसके बाद अगर आपको न्यू स्लाइड लेनी है तो यहाँ पर स्लाइड पर जा करके जैसे आप ब्लैंक स्लाइड या न्यू स्लाइड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने वो स्लाइड ओपन हो जाएगी। मान लीजिए हमने इस पर क्लिक किया और यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ लाइक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। इसके बाद आपने जितनी भी प्रेजेंटेशन यहाँ पर बनाई है अगर आप उसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो आपको एक बार यहाँ पर बाहर क्लिक करना होगा। तो आप देखेंगे आपका एमएस वर्ड यहाँ पर ओपन हो जाएगा और आपको यहाँ पर आकर के फिर से डबल क्लिक करना होगा। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपके यहाँ पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ओपन हो जाएगी और एरो की मदद से आप प्रेजेंटेशन को आगे या पीछे कर सकते हैं। इसके बाद जैसे आप स्कैप बटन दबाएंगे तो वापस से आपकी प्रेजेंटेशन यहाँ पर हट जाएगी। और अगर आप इसमें फिर से कोई एडिटिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा ऑब्जेक्ट का और ऑब्जेक्ट के अंदर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा एडिट का। आप जैसे ही एडिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपकी प्रेजेंटेशन वापस से यहाँ पर ओपन हो जाएगी और फिर से आप इसमें कुछ भी टाइटल या कुछ भी ऐड करना चाहें तो ईजिली आप इसमें ऐड कर सकते हैं और इन सभी ऑप्शंस का भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को भी यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि आप एक्सेल में अगर आप काम करना चाहते हैं यानी एमएस वर्ड में रहते हुए आप एक्सेल पर काम करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं इसको प्रॉपर कंट्रोल ए करके सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से कर देता हूँ इसको डिलीट। डिलीट करने के बाद वापस से इंसर्ट टैब में फिर से ऑब्जेक्ट पर आपको जाना है और यहाँ से हमें सर्च करना है एक्सेल स्प्रेडशीट। नीचे की तरफ अगर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट। इसको सेलेक्ट करके जैसे आप यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर एक्सेल आपका ओपन हो गया। ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा डॉक्यूमेंट वन, यानी ये एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट है। और नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो जितने भी आपको टूल्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वो सभी टूल्स आपके एमएस एक्सेल के हैं। अब इसमें आप कोई काम करना चाहते हैं तो सेम उसी तरीके से आप यहाँ पर कुछ भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। कोई फॉर्मूला अगर आप इंसर्ट करना चाहें तो फॉर्मूला इंसर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल एक्सेल का पूरा फंक्शन यहाँ पर काम करेगा। उसके बाद जैसे आप बाहर की तरफ क्लिक करेंगे तो आपका एक्सेल यहाँ से हट जाएगा, वापस से आपका एमएस वर्ड आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप इसमें फिर से कोई एडिटिंग करना चाहते हैं तो इसके ऊपर आकर के आपको डबल क्लिक करना है। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे वापस से आपका एक्सेल यहाँ पर ओपन हो जाएगा और फिर से आप इसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई वीडियो इसमें इंसर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए भी आपको जाना है इंसर्ट टैब के अंदर और यहाँ पर आपको वापस से उसी ऑब्जेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऑब्जेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा क्रिएट फ्रॉम फाइल का, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर चले जाना है आपको ब्राउज वाले ऑप्शन पर और यहाँ से आपको अपनी वीडियो को सेलेक्ट करना है। मान लीजिए हमने डी ड्राइव को यहाँ पर सेलेक्ट किया और नीचे की तरफ जाकर के हमारी जो भी वीडियो हमें इसमें इंसर्ट करनी है उस वीडियो को यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर इंसर्ट बटन पर क्लिक करना है। इंसर्ट बटन पर क्लिक करने के बाद जैसे आप यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपकी वीडियो का आइकन आपको यहाँ पर दिखाई देगा और अगर आप इस वीडियो को प्ले करना चाहते हैं तो आपको इस आइकन पर आना है, डबल क्लिक करना है। जैसे ही दो बार आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और यहाँ पर आपको ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपकी जो वीडियो थी वो यहाँ पर प्ले हो जाएगी। तो इस तरीके से आप वीडियो को भी आप अपने एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अगर आप अपने एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर किसी पीडीएफ फाइल को या किसी भी अदर एक्सटेंशन की फाइल को इंसर्ट करना चाहते हैं और उसमें कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं तो उसे आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसे यहाँ पर कंट्रोल ए करके डिलीट कर लेते हैं, पूरे डेटा को यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर वापस से आपको इंसर्ट टैब पर जाना है और यहाँ पर आपको वापस से ऑब्जेक्ट वाले ऑप्शन पर जाना है। जैसे आप ऑब्जेक्ट ऑप्शन पर जाएंगे तो आप देखेंगे ऑब्जेक्ट ऑप्शन के जस्ट बगल में आपको एक ड्रॉप डाउन दिखाई देगा, इस ड्रॉप डाउन पर आपको क्लिक करना है। नीचे की तरफ आप देखेंगे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा टेक्स्ट फ्रॉम फाइल का, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स फिर से ओपन हो जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में आपकी जहां पर भी आपका डॉक्यूमेंट रखा हुआ है उस डॉक्यूमेंट को आपको यहाँ पर फाइंड करना है। जैसे मान लीजिए हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो डाउनलोड्स के अंदर है, डाउनलोड में हम जाते हैं नीचे की तरफ। नीचे की तरफ जाने के बाद यहाँ पर प्रिंट वाली फाइल को हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया। आप देखेंगे ये हमारी जो फाइल है वो पीडीएफ है, इसको सेलेक्ट करके आपको यहाँ पर इंसर्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। इंसर्ट बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक नोटिफिकेशन आपके सामने रिप्रेजेंट होगी जिसे आपको सिंपल यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपका जो वो डॉक्यूमेंट था, जो पीडीएफ फाइल थी, वो यहाँ पर इंसर्ट हो चुकी है। इसके बाद अगर आप इस पीडीएफ में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इसे कोई भी चेंजेस यहाँ पर कर सकते हैं।
इसके बाद अगर आप इस पीडीएफ फाइल को वापस से पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको जाना है वापस से फाइल वाले ऑप्शन पर, और यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक्सपोर्ट का एक ऑप्शन। एक्सपोर्ट वाले बटन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको दिखाई देगा क्रिएट पीडीएफ एक्सपीएस फाइल। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से इस फाइल को किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं। मान लीजिए हमने डेस्कटॉप को सिलेक्ट किया और हम इसी नाम से इसको सेव कर देंगे, तो इसके लिए आपको पब्लिश वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे हम पब्लिश बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो डॉक्यूमेंट था वो यहाँ पर आपके सामने पीडीएफ में वापस से सेव हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपनी पीडीएफ फाइल में एडिटिंग कर सकते हैं और उसमें कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। और इसके बाद मैं दिखाता हूं आपको कि अगर कोई अदर फाइल, नोटपैड फाइल या वर्डपैड फाइल या किसी भी एक्सटेंशन की फाइल को आप इसमें इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हम एक वापस से नया पेज ले लेते हैं, इंसर्ट टैब में फिर से चले जाते हैं, वापस से उसी ऑप्शन पर जा करके यहाँ से आप कोई भी फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर डॉक्यूमेंट वन की फाइल को सिलेक्ट किया। डॉक्यूमेंट वन की फाइल सेलेक्ट करने के बाद जैसे यहाँ पर इंसर्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे उस फाइल के अंदर हमने ईएक्स नाम का सिग्नेचर बनाया था जो हमारे सामने यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है। तो इस तरीके से आप एमएस वर्ड में ऑब्जेक्ट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप एमएस वर्ड 2019 में इंसर्ट टैब में सिंबल ऑप्शन के अंतर्गत इक्वेशन ऑप्शन का उपयोग कैसे करते हैं। यदि आप एमएस वर्ड में काम कर रहे हैं और काम करते समय आपको कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन की ज़रूरत आपको अपने डॉक्यूमेंट में पड़ रही है तो इस तरह के इक्वेशन आप अपने कीबोर्ड से इंसर्ट नहीं कर सकते। इसके लिए आपको इक्वेशन को कहीं से कॉपी करना पड़ेगा और अपने एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में उसे पेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन एमएस वर्ड हमें यह फीचर देता है कि आप किसी भी तरह का कोई भी इक्वेशन खुद से क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने एमएस वर्ड में इंसर्ट टैब के इक्वेशन ऑप्शन का उपयोग करना होगा। इक्वेशन का यूज करने के लिए आपको जाना है एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब के अंदर, और यहाँ पर आप देखेंगे सिंबल ब्लॉक के अंदर आपको दिखाई देगा इक्वेशन का ऑप्शन। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर काफी सारे फॉर्मेट दिखाई देंगे इक्वेशंस के, जिसमें से आप कोई भी इक्वेशन का फॉर्मेट यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे की तरफ अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा मोर इक्वेशन फ्रॉम office.com। यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारे इक्वेशंस के फॉर्मेट दिखाई देंगे जिसमें से आप कोई भी इक्वेशन का यहाँ पर इंसर्ट करके उसको यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक इक्वेशन यूज़ करके दिखाता हूँ कि इस इक्वेशन का किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो इसके लिए हम कोई भी एक फॉर्मेट यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए हमने इस वाले फॉर्मेट को यहाँ पर क्लिक किया। इस फॉर्मेट को क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमारे सामने ये इक्वेशन इंसर्ट हो गया। इसके बाद अगर आपको इसमें एडिटिंग करनी है तो सिंपली आप क्लिक करके इसमें जो भी आप एडिट करना चाहें वो इजीली आप इसमें एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर हमारे सामने काफ़ी सारे सिंबल्स हैं जिन सिंबल का आप यहाँ पर अपने इक्वेशन में यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर इज इक्वल टू का यूज़ करता हूँ, तो इज इक्वल टू का यूज़ करने के बाद मेरे इक्वेशन में वो इज इक्वल टू यहाँ पर ऐड हो गया। इसी तरीके से आप यहाँ पर फ्रैक्शन का यूज़ कर सकते हैं, स्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं, रेडिकल का भी यूज़ कर सकते हैं आप। तो जैसे ही हम फ्रैक्शन पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे सामने काफ़ी सारे फॉर्मेट्स हैं जिसमें से हम कोई भी फॉर्मेट पर क्लिक कर लेते हैं। अब जैसे हमने इस फॉर्मेट पर क्लिक किया तो आप देखेंगे हमारे सामने यहाँ पर दो बॉक्सेस नजर आ रहे हैं। इन दोनों बॉक्सेस में आप अपने हिसाब से जो भी वैल्यू डालना चाहें वो डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने फर्स्ट बॉक्स पर क्लिक किया और यहाँ पर हमने डाल दिया 2, और सेकंड बॉक्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमने डाल दिया 5। तो इस तरीके से आप अपने फ्रैक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर स्क्रिप्ट का यूज़ करना चाहें तो यहाँ से आप स्क्रिप्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम मान लीजिए इस वाले स्क्रिप्ट को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर पहले वाले बॉक्स में मान लीजिए हमने टाइप कर दिया 12 और उसके स्क्वायर में हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं 3। तो इस तरीके से भी आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि आपका ये जो फॉर्मेट तैयार हुआ है ये परमानेंटली आपके एमएस वर्ड में सेव हो जाए और जब भी आप इसका यूज़ करना चाहें तो वन क्लिक से आप इसे इंसर्ट कर सकें, तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको इस पूरे मैटर को सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको वापस से इंसर्ट टैब पर क्लिक करना है, वापस से इक्वेशंस पर जाना है। सबसे नीचे आपको दिखाई देगा सेव सिलेक्शन टू इक्वेशन गैलरी, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आप अपने इक्वेशन का कोई भी नाम टाइप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं एक्सेल। एक्सेल लिखने के बाद हम यहाँ पर इसे कर देते हैं ओके। ओके करने के बाद इस पूरे मैटर को हम यहाँ से कंट्रोल ए करके डिलीट कर देते हैं। अब ये सेम इक्वेशन अगर मुझे इंसर्ट करना है तो मैं वापस से जाऊँगा इक्वेशन वाले ऑप्शन पर। इक्वेशन वाले ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ पर सबसे नीचे आऊँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा एक्सेल के नाम से वो फॉर्मेट यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है। इस पर जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो फॉर्मेट हमारे सामने यहाँ पर ऐड हो जाएगा और उसके बाद आप इसमें एडिटिंग करके उसका यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने इक्वेशन का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इक्वेशन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो नीचे की तरफ आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा इंक इक्वेशन का। ये बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारे सामने यहाँ पर राइटिंग का एक स्केच रिप्रेजेंट हो जाएगा
और इस स्केच से हम जिस भी सिंबल को क्रिएट करेंगे वो सिंबल हमारे सामने यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। तो मान लीजिए हम यहाँ पर एक सिंबल को स्केच करके देखते हैं, तो जैसे हम यहाँ पर कोई भी सिंबल स्केच करेंगे तो आप देखेंगे वो सिंबल हमें यहाँ पर दिखाई देगा, और उस सिंबल को अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो जैसे यहाँ इंसर्ट बटन पर आप क्लिक करेंगे तो वो सिंबल आपका यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा, और उसमें कोई भी वैल्यू आप टाइप करना चाहें तो ईजिली आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप और भी कोई सिंबल यहाँ पर बनाना चाहें तो वापस से इंसर्ट टैब में आकर के आप यहाँ से इंक इक्वेशन को सिलेक्ट कीजिए, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से जो भी सिंबल्स आप तैयार करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर यूज़ किया मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई जैसे हम यूज़ करेंगे तो देखेंगे यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। अगर आप इसे इरेज करना चाहें तो यहाँ से इरेज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको इंसर्ट करके दिखाता हूँ, जैसे मैंने इंसर्ट बटन पर क्लिक किया तो आप देखेंगे हमारा वो मैटर यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने इक्वेशन ऑप्शन का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। MS Word 2019 में इंसर्ट टैब में सिंबल ऑप्शन ब्लॉक के अंतर्गत सिंबल ऑप्शन का उपयोग कैसे करते हैं। कई बार MS Word में काम करते वक्त हमें कुछ सिंबल इंसर्ट करने की आवश्यकता होती है, पर कीबोर्ड में वह सिंबल नहीं होते और हमें वह सिंबल कहीं से कॉपी करने पड़ते हैं। आपको MS Word में ही यह सिंबल मिल सकते हैं, आइए देखते हैं कैसे। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो हमारी वीडियोस को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों में इसे शेयर करें। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट करें, और यदि हमारी नई वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंचती रहे तो इसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में जो आपको बेल आइकन दिखाई दे रहा है उसे प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंचती रहे। एक्सेल इन्फोटेक के द्वारा बनाई गई अन्य सभी वीडियोस जैसे कि MS Office, CorelDRAW, Photoshop, TeleProime इत्यादि की प्लेलिस्ट के लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप देखेंगे हमने एक यहाँ पर डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, और इस डॉक्यूमेंट में यहाँ पर मैंने अपना मोबाइल नंबर लिखा है, और यहाँ मोबाइल नंबर के आगे मैं चाहता हूँ कि मेरा मोबाइल नंबर का एक सिंबल यहाँ पे इंसर्ट हो जाए। तो वो सिंबल आप कीबोर्ड से नहीं बना सकते, इसके लिए आपको जाना है इंसर्ट टैब के अंदर। यहाँ पर सिंबल ब्लॉक के अंदर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सिंबल का, इस सिंबल ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे हमारे सामने काफ़ी सारे सिंबल्स आपको दिखाई देंगे, और यहाँ पर अगर मुझे मोबाइल का सिंबल इंसर्ट करना है तो इसके लिए चले जाएंगे हम मोर सिंबल्स पर। मोर सिंबल्स पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर काफ़ी सारे सिंबल्स दिखाई दे रहे हैं। अगर ये सिंबल आपको ना मिले तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे फॉन्ट दिखाई देंगे, इसमें आपको वेडिंग फॉन्ट सेलेक्ट करना है। जैसे अभी मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर नॉर्मल टेक्स्ट है, यहाँ पर क्लिक करके आपको W प्रेस करना है। जैसे आप W प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने वेडिंग्स का एक फॉन्ट दिखाई देगा, इसको जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारे सिंबल्स यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे। इसको आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करके अपना जो भी सिंबल यहाँ पर यूज़ करना चाहें उस सिंबल को आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ से मुझे इस वाले सिंबल को इंसर्ट करना है, इस सिंबल को मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इसे इंसर्ट कर दूँगा। जैसे मैं इसे इंसर्ट करूँगा तो आप देखेंगे वो सिंबल मेरा यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है। अगर आपको कोई दूसरा सिंबल चाहिए तो इसे वापस से कट कर दीजिए, वापस से सिंबल पर चले जाइए। रिसेंटली यहाँ पर जो भी सिंबल्स हमने यूज़ किए होते हैं वो सिंबल्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, रिसेंट हिस्ट्री आपकी होती है। जैसे हम इस सिंबल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मोबाइल का सिंबल इंसर्ट हो जाएगा। अब मान लीजिए इस सिंबल के लिए मुझे बार बार ऑप्शन पर जाना होता है और बार बार यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ता है, मैं चाहता हूँ कि इसकी कोई शॉर्टकट की क्रिएट करना, कि जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर वो शॉर्टकट की जैसे ही अप्लाई करूँ तो यहाँ पर मेरे सामने वो सिंबल यहाँ पे इंसर्ट हो जाए। तो ये काम आप कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आप वापस से जाएंगे सिंबल वाले ऑप्शन पर, यहाँ पर जाएंगे मोर नंबर सिंबल्स पे, और यहाँ पर आपको जो भी सिंबल का आपको आइकन इंसर्ट करना है उस सिंबल को यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ से मैं सिंबल सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से मैंने इस सिंबल को सिलेक्ट कर लिया। इस सिंबल को सिलेक्ट करने के बाद नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा शॉर्टकट कीज़ का, इस वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस बटन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपसे बोला जाएगा प्रेस न्यू शॉर्टकट की, यानी आप यहाँ पर कोई भी शॉर्टकट की क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर वही शॉर्टकट की आपको अप्लाई करना है जो शॉर्टकट की आपके MS Word में यूज़ ना होती हो। जैसे अगर आप यहाँ पर कंट्रोल सी दबाएंगे तो कंट्रोल सी जो शॉर्टकट की है ऑलरेडी कॉपी की शॉर्टकट की होती है, तो इस शॉर्टकट की को आप यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर कोई ऐसी शॉर्टकट की क्रिएट करते हैं जो कि MS Word में यूज़ ना होती हो। फॉर एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर बना लेते हैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस क्यू, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्यू। जैसे ही आप अपने कीबोर्ड से दबाएंगे तो आप देखेंगे आपका शॉर्टकट की यहाँ पर आपको दिखाई देगा, इसको आपको करना है यहाँ पर असाइन। जैसे आप इसे असाइन करेंगे तो ये शॉर्टकट की इस सिंबल के ऊपर फिट हो चुकी है। अब आपको इसे क्लोज कर देना है और इसे भी यहाँ से क्लोज कर देना है। जब भी हमें उस सिंबल की जरूरत होगी हम अपने कीबोर्ड से उस शॉर्टकट की को प्रेस करेंगे, लाइक कंट्रोल शिफ्ट क्यू। जैसे ही मैं दबाऊंगा आप देखेंगे हमारे सामने वो सिंबल यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सिंबल का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।